So hi everyone, this is Akshansh. क्या हाल चाल? तो बहुत दिनों से यू वर लाइक सर आईटीसी का रिवीजन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ऑल्दो मेरा आईटीसी का एक वीडियो पड़ा है जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईटीसी मैंने करवाए हैं, तो काफी इफेक्टिव रहेगा। बट उसमें क्वेश्चन से करवाए हैं तो मेरे को लगा आज क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट दोनों लेते हैं, है ना। चलो, सो आज का दिन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगले 2.5 से 3 आवर्स के बीच में हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म करने वाले हैं। ये रिवीजन वीडियो आप एग्जाम के से पहले भी देखोगे ना वापस से, जैसे 1.5x की स्पीड में देख लिया तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आईटीसी का आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा, जितना भी काम काम की चीजें हैं वो सब, और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर अपन डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। तो आप लोगों के पास जो भी बुक है, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो बुक रेफर कर लो, और अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जैसे मैक्सिमम लोगों के पास तो ये है ही, है ना, मतलब इट इज लाइक कि टू द पॉइंट इफेक्टिव बुक है। और किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, अगर वो एक्टिव दिखा रहा है जब तक आप लोग रिक्वायर्ड देख रहे हो तब तक ले लो, इनएक्टिव दिखा रहा है मतलब जो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब बुक्स आउट ऑफ स्टॉक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो आईटीसी चैप्टर का वेटेज जो है एग्जाम में आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स का मिलेगा। एक 14 मार्क का क्वेश्चन आता है, कई बार 9 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है एमसीक्यू वगैरह, तो 20 नंबर तो फॉर श्योर एग्जाम में पूछा ही जाता है आईटीसी, जिसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और दिल्ली और मुंबई में जो मैराथन हो रहा है, तो मुंबई में तो अभी हमने जगह नहीं बताई, इस कारण से 60 बच्चों ने ही अप्लाई किया अभी तक, बट दिल्ली लाइक रजिस्ट्रेशन इज अबाउट टू फुल। हाँ, मुंबई में भी हमारा मोस्ट प्रोबेबली प्लान एक तो मुंबई यूनिवर्सिटी का चल रहा है, मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर ऑडिटोरियम्स हैं, बाकी एक दो जगह और हैं, तो वी विल फिक्स एंड विल लेट यू नो। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। और अगर शुरू करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये पाप है अपने आप में, मतलब लाइक करने से अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो बच्चों को रिकमेंड हो जाता है यूट्यूब का वीडियो, और कुछ नहीं है, ठीक है। आईटीसी क्या है, मतलब बेसिक सी चीज, आईटीसी को अगर अपन हिंदी भाषा में बोलें तो कैशबैक है, आप कोई सामान खरीद के लाते हो ना उसके बाद आपको कैशबैक मिलता है, वही आईटीसी है। फॉर एग्जाम्पल कि होलसेलर ने सामान, मैन्युफैक्चरर ने सामान होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर को दिया, ठीक है। फाइनल स्टेप यहाँ पे खत्म होती है, कंज्यूमर या कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या होता है, कस्टमर तो वो होता है जो सामान खरीदे, और कंज्यूमर वो होता है जो परचेस, जो कंज्यूम कर ले। तो होलसेलर भी एक कस्टमर तो है ही क्योंकि वो परचेस कर रहा है, रिटेलर भी एक कस्टमर तो है ही क्योंकि वो परचेस कर रहा है, एंड वाला जो इंसान है वो कस्टमर भी और कंज्यूमर भी है, ठीक है। तो सपोज करो कि मैन्युफैक्चरर ने कोई सामान होलसेलर को दिया, लेट्स सपोज 100 रुपीज में, और उससे जीएसटी चार्ज किया, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं 10 रुपीज जीएसटी चार्ज किया, वैसे कोई रेट ऐसी होती नहीं है, 1 1 10 रुपीज। अब होलसेलर जब आगे सामान बेचेगा ना तो होलसेलर अपना इसमें प्रॉफिट ऐड करेगा, ठीक है। और होलसेलर ने रिटेलर को सपोज करो ये सामान बेचा 120 रुपीज में, 12 रुपीज का जीएसटी आ गया, मतलब 132 रुपीज का कलेक्शन कर लिया इसने। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है रिटेलर को, गवर्नमेंट होलसेलर को क्या बोले कि देख भैया तेरे पास 12 रुपये जीएसटी आया, 10 रुपये तू पीछे दे के आया कैशबैक, ठीक है। जैसे अपन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर आपके पास, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, आप उन पॉइंट्स को यूज कर सकते हो। फिर अब आपको पॉइंट्स आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो गए, इसको तो हम बोलते हैं आईटीसी अवेल, आपके अकाउंट के अंदर कैशबैक आ गया। एक्चुअली अकाउंट होता है अपना ही इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर करके अकाउंट होता है जो ऑनलाइन रहता है जीएसटी पोर्टल पे, हर इंसान का होता है जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो एक अकाउंट है ये बेसिकली, जिसके अंदर क्या हुआ आपके पॉइंट्स डल गए, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। अब आप, हम बोलेंगे कि जैसे क्रेडिट कार्ड में कैशबैक आया, पॉइंट्स आए, अब उनको हमने रिडीम कर लिया, तो दैट इज लाइक आईटीसी यूटिलाइजेशन। आप आईटीसी को यूटिलाइज कर रहे हो, मतलब आपके अकाउंट में आईटीसी आना, कैशबैक आना, दैट इज
आईटीसी आपने अवेल कर लिया है, लेकिन आईटीसी यूटिलाइज का क्या पॉइंट बोलेंगे, जिस दिन आप उन पॉइंट्स को यूज कर लोगे, जिस दिन आप उस कैशबैक को यूज कर लोगे फर्दर रिपेमेंट में, तो हम बोलेंगे आईटीसी आपने यूटिलाइज कर ली। तो अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन में डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट बेसिकली ये बोलती है हर स्टेज पे एक ही बात बोलती है कि आप तो धंधा करो, प्रॉफिट बनाते रहो, क्योंकि जितना आप प्रॉफिट ऐड करते रहोगे ना हर स्टेप पे गवर्नमेंट को उतना ही फायदा है। क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी किस पे लगता है, जो फाइनल प्राइस होती है ना, जो हम एंड यूजर को देते हैं, जिस फाइनल प्राइस पे अपन ने एंड यूजर को सामान दिया उसी प्राइस पे जो जीएसटी निकल के आया ना, अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वही मिलता है। बट वो मिलता कैसे, हर स्टेप पे मिलता रहता है, क्योंकि हर स्टेप पे क्या होता है कि अपना अपना प्रॉफिट वैल्यूएशन ऐड होता रहता है, तो गवर्नमेंट उतना ही अमाउंट जीएसटी कमाती रहती है। क्यों, कैसे, जैसे 12 रुपीज कलेक्ट किया, 10 रुपीज का कैशबैक दे दिया। आप सपोज करो रिटेलर ने 150 रुपीज में आगे बेचा, तो 15 रुपीज का जीएसटी कलेक्ट करेगी रिटेलर से और बोले कि भैया तू 12 रुपए का कैशबैक ले ले, 3 रुपए हो गया। तो हर स्टेप पे गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ कमाई होती रहती है, ठीक है, ये प्रोसेस होता है बेसिकली। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ ना, तो इट इज अबाउट अगर आप आगे जाके अपना सामान बेचोगे ना, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सामान को आगे बेच रहे हो और जीएसटी कमा के दे रहे हो, तो पीछे से आप क्या ले लो, कैशबैक ले लो। तो एक ही रूल है आईटीसी के अंदर, जीएसटी कमा के लाओगे तो कैशबैक ले लो। जिस स्टेप पे जीएसटी कमा के लाना बंद कर दिया, कोई कैशबैक नहीं। सपोज करो आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, जीएसटी कमा के नहीं ला के दे रहे, कोई कैशबैक नहीं। गवर्नमेंट का एक ही फंडा है भाई साहब, कमा के लाओ और पीछे आईटीसी ले जाओ। इसी रूल पे आप चलना, इसी रूल पे आपको काम हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है, डन। इस रूल के एक्सेप्शन यही थे कि अगर आप जीरो रेटेड सप्लाई करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो भले ही आपका फिर भी जीएसटी नहीं आता, फिर भी आप गवर्नमेंट आपको क्या कर देती थी, रिफंड चैप्टर अगर आपने देखा हो, फिर भी गवर्नमेंट आपको रूल 89(4) के अंदर रिफंड दे देती थी, ठीक है। तो ये बेसिक सी थीम है, ये बड़ी बच्चों वाली थीम है, आप लोगों को पता है। अब आप सोचते होंगे कई बार कि अगर गवर्नमेंट को टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर से लेना था, सारा पैसा कंज्यूमर की जेब से जा रहा है, तो ये होलसेलर रिटेलर पर टैक्स भी क्यों लगाया। तो पता नहीं ना कि क्या पता है होलसेलर ही कंज्यूम कर ले, क्या पता रिटेलर ही कंज्यूम कर ले, इसके सर पे थोड़ी लिखा है। तो गवर्नमेंट ने सिंपल एक रूल बना दिया, आप तो आगे बेचते चलो, सपोज करो ये भी आगे जीएसटी का नंबर लेके किसी को बेचना शुरू कर दे, इसको भी क्रेडिट दे देगी गवर्नमेंट, आप तो आगे बेचते चलो और पीछे का क्रेडिट ले लो, ठीक है जी। मैं आपको एक बात बताऊं, हम प्रोविजंस तो पढ़ेंगे ही, 1-1.5 घंटा प्रोविजंस में चर्चा होगी हमारी, इसके अंदर मैं सारे प्रोविजंस कवर करवा दूंगा, लेकिन दिस चैप्टर इज 90% इज दिस चैप्टर इज अबाउट क्वेश्चंस एंड 10% इज दिस चैप्टर इज अबाउट प्रोविजंस। कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो आपको इस चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन करा देते हैं, वो उनका स्टाइल है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल से वो चीज मेरे ऊपर तो सुटेबल नहीं लगती मेरे को, क्योंकि अगर आपने आईटीसी के क्वेश्चन नहीं करे तो आप ये मान के चलो कि आईटीसी किया ही नहीं आपने, ठीक है। पर प्रोविजन करना भी जरूरी है, बिना प्रोविजन के क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20 ये सब सेक्शन दे रखे हैं। सेक्शन नंबर 16 क्या बोलता है, सुनना मेरी बात। सेक्शन नंबर 16 ये बोलता है कि बिल्कुल बेसिक सी बात है, आईटीसी रजिस्टर्ड पर्सन को मिलेगी और आईटीसी गुड्स एंड सर्विसेज पे मिलती है, ठीक है। आपने ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है तभी आपको आईटीसी मिलेगी। इन्होंने क्या बोला कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, जाहिर सी बात है, ठीक है भाई। गवर्नमेंट किस बेसिस पे आपको आईटीसी देगी, आईटीसी दे रही है तो आप कुछ तो डॉक्यूमेंट दिखाओगे ना, आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, आपको गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअल में मिल जाने चाहिए, ठीक है। और जो आपका सप्लायर है जिससे आपने सामान खरीदा है वो क्या करेगा, रिटर्न भर देगा। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को सामान बेचा, बिल्कुल लेमन टर्म्स में समझाऊं। अब ए क्या करेगा अपनी जीएसटी आर वन के अंदर, ए क्या करेगा अपनी जीएसटी आर वन के अंदर डिटेल्स दिखाएगा कि हाँ जी मैंने इतने इतने का सामान बी को बेचा। अब जैसे ही ए अपनी जीएसटी आर वन भरेगा ना, तो बी के यहाँ पे जीएसटी आर टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सब क्या है, जैसे आप पेटीएम में किसी को पेमेंट करते हो ना, तो इंस्टेंट दूसरी तरफ से बोलता है ₹20 रिसीव, है ना, ₹20 प्राप्त हुए, तो इमीडिएटली पता चल जाता है ना। तो जैसे ही अगर आप जीएसटी आर वन भरते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी आर टू बी के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है रिसीवर के। अब रिसीवर के अंदर जीएसटी आर टू बी में रिफ्लेक्ट कर गया, इसका मतलब ये पता चल जाता है कि हाँ भैया आपने इतने का टैक्स का पेमेंट किया था जिसके लिए आप आईटीसी ले सकते हो। और आप जब जीएसटी आर थ्री बी के अंदर, थ्री बी क्या होती है, थ्री बी वो रिटर्न होती है जब आप पेमेंट करते हो ना जीएसटी का, तो थ्री बी फाइल करते हैं। तो जब हमारी आउटवर्ड लाइबिलिटी जो होती है ना, उसमें से हम जो लाइबिलिटी इसके अंदर दिख रही है जीएसटी आर टू बी के अंदर, वो सेट ऑफ कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं, ठीक है, वही वाला पॉइंट है। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई रिसीवर को क्रेडिट तभी मिल पाएगी जब सप्लायर अपनी जीएसटी आर वन भरेगा, वरना फिर पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे हो, ठीक है जी। अब सुनना मेरी बात, तो मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बोला कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए। अब इनवॉइस
अंदर क्या क्या होता है, पहला होता है टैक्स इनवॉइस, दूसरा होता है डेबिट नोट, सेल्फ इनवॉइसिंग, आईएसटी इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री। सिंपल सी बात है, इनवॉइस मतलब टैक्स, इनवॉइस मतलब जिस बिल के अंदर टैक्स का अमाउंट लिखा हुआ हो, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो बाजार से, उसके नीचे टैक्स का अमाउंट लिखा होता है, उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। डेबिट नोट इज जस्ट पार्ट ऑफ टैक्स इनवॉइस ओनली। कैसे? देखो डेबिट डेबिट नोट क्या होता है, सपोज करना कि मेरे को शॉपकीपर ने 10,000 रुपीज का इनवॉइस इशू कर दिया, ठीक है, पर उसको बाद में लगा यार गलत इनवॉइस बना दिया, 12,000 का बनना चाहिए था। या तो उसने रेट कम लगा दी, या उसको क्वांटिटी कम ध्यान में रही, उसने क्या बोला यार गलत क्वांटिटी का गलत बिल इशू कर दिया आपको, गलत अमाउंट का, 12,000 का बिल बनना चाहिए था, तो 2,000 का वो मेरे को डेबिट नोट दे देगा। तो काइंड ऑफ इनवॉइस ही है ये, ठीक है, वो प्रीवियस इनवॉइस से रिलेट करता है, लेकिन है इनवॉइस ही, ठीक है जी। तो ये भी इनवॉइस हो गया। सेल्फ इनवॉइसिंग क्या होता है आरसीएम के अंदर, समझना मेरी बात। सपोज करो ए ने बी को सामान बेचा, ए अनरजिस्टर्ड है, बी रजिस्टर्ड है, और बी को टैक्स देना है आरसीएम में। अच्छा सपोज करो ए रजिस्टर्ड होता, बी भी रजिस्टर्ड होता, फिर भी आरसीएम में टैक्स देना होता बी को, तो उस केस में इनवॉइस ए ही बनाता। इनवॉइस कौन बनाता है? हमेशा सप्लायर ही बनाता है, ठीक है, बट इनवॉइस बनाने के लिए उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है भाई साहब। अब अगर मान के चलो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसीवर रजिस्टर्ड है और आरसीएम में टैक्स पे हो रहा है, तो उस केस में बी ही टैक्स जमा कराएगा आरसीएम में और वो सेल्फ इनवॉइसिंग बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आईएसडी इनवॉइस। आईएसडी इनवॉइस पे पूरा एक कॉन्सेप्ट है, आईएसडी इनवॉइस, आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब एक काम करते हैं आईएसडी पे आ जाते हैं और आईएसडी के फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। आईएसडी इंपॉर्टेंट है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, समझना मेरी बात। लेट्स सपोज मैं वही एग्जांपल्स लूंगा जो अपन ने क्लास में पढ़ते टाइम लिए थे, ठीक है, रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच के अंदर, सो दैट रिकॉल हो जाए आप लोगों को, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मेरे ख्याल से वही देख रहे होंगे जो रेगुलर फास्ट ट्रैक ले रखे हैं, ठीक है, और एक्सप्रेस वालों को भी फास्ट ट्रैक की रिकॉर्डिंग दी थी मैंने आईटीसी चैप्टर की, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, लेट्स सपोज मेरा एक हेड ऑफिस है जो कि बैंगलोर के अंदर है, जो कि बैंगलोर के अंदर है। अब इसकी काम क्या करते हैं ये लोग, इनकी 5 ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस तो बैंगलोर में, ब्रांचेस 5 कहाँ पे, पूरे इंडिया में अंदर है। जैसे लेट्स सपोज एक ब्रांच कहाँ पर है, अहमदाबाद के अंदर है, गुजरात के अंदर, एक ब्रांच जयपुर के अंदर है, एक ब्रांच दिल्ली के अंदर है, एक ब्रांच मुंबई के अंदर है, और एक ब्रांच बैंगलोर के अंदर ही है, ठीक है। अब हेड ऑफिस क्या करता है कि गुड्स परचेज करता है, ठीक है, अब हेड ऑफिस का क्या काम है, गुड्स परचेज करने का काम है, और जो ब्रांचेस है इनका काम परचेज करने ही है, इनका काम बेचने का है, ठीक है जी। हेड ऑफिस का काम परचेज करने का है और ब्रांचेस को वो परचेज करके दे देता है, फिर बेच देते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब हेड ऑफिस का काम है इनपुट्स, हेड ऑफिस का काम है इनपुट सर्विसेज परचेज करने का। ये जो रूल है ना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये सर्विसेज पे लगता है बेसिकली। एग्जाम्पल के लिए हम इजी करने के लिए इसको मैं आपको क्लास के अंदर समझाया था, सामान समझा के, गुड समझा के, लेकिन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो कॉन्सेप्ट है वो लगता ही सर्विस पे, गुड्स पे नहीं लगता। गुड्स पे क्यों नहीं लगता, पहली बात तो गुड्स पे इसलिए नहीं लगता कि अगर हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को सामान दे एंड गुड्स दे, लेट्स सपोज है गुड्स परचेज करके दे, तो वो तो सप्लाई चैप्टर के अंदर अगर आप अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई सामान देते हो शेड्यूल 1 के अंदर आ जाता है ना, विदाउट कंसिडरेशन अगर आप अपने किसी को सामान देते हो तो वो ऑटोमेटिकली सप्लाई मान लिया जाता है, तो वो तो उसी कॉन्सेप्ट के अंदर फॉलो के, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनपुट सर्विस के केस में क्या होगा, इनपुट सर्विस के केस में ऐसा होगा कि अगर हेड ऑफिस ने क्या किया, सपोज करो कोई भी इनपुट इनपुट सर्विसेज ली, अब वो इनपुट सर्विसेज कैसे लेगा, सुनना मेरी बात, या तो बैंगलोर है वो कर्नाटका में परचेज कर रहा है, या दूसरे स्टेट से परचेज कर रहा है। अब अगर कर्नाटका के कर्नाटका से परचेज कर रहा है तो हेड ऑफिस ने सीजीएसटी एसजीएसटी का टैक्स दिया होगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, और अगर हेड ऑफिस दूसरे स्टेट से परचेज कर रहा है तो उसने आईजीएसटी का टैक्स दिया होगा, इंटर स्टेट सप्लाई। मानते हो कि नहीं मानते, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये अपने ब्रांचेज हैं इसके, अब ये लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब दिक्कत पता है क्या आ रही है, ये लोग तो सेल करते हैं तो इनके पास तो जीएसटी आ जाता है, लेकिन इनके पास आईटीसी नहीं है, क्योंकि आईटीसी तो परचेज किया है बैंगलोर हेड ऑफिस ने, तो आईटीसी तो उसके पास है, इनके पास कोई आईटीसी नहीं है। और बैंगलोर वाले के साथ क्या दिक्कत है, हेड ऑफिस के साथ, कि भाई इसके पास सिर्फ आईटीसी ही आईटीसी है, इसके पास जीएसटी की आउटवर्ड लाइबिलिटी है ही नहीं,
समझ रहे मेरी बात, क्योंकि कोई सेल ही नहीं कर रहा है। तब इस केस में क्या होगा, हेड ऑफिस अपनी क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी ब्रांचेस के बीच में, क्योंकि इसके पास बहुत सारी क्रेडिट है, इनके पास क्रेडिट ही नहीं है। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, जो भी हेड ऑफिस के पास सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट होगी ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब अगला सवाल ये आता है कि बैंगलोर के पास लेट्स सपोज सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है, मतलब बैंगलोर हेड ऑफिस के पास कर्नाटका की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है, और वो अहमदाबाद वाले को अगर कर्नाटका की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट देगा, तो अहमदाबाद वाला क्या करेगा भाई कर्नाटका की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट का? राजस्थान वाला, जयपुर वाला क्या करेगा कर्नाटका की सीजीएसटी एसजीएसटी का? तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हेड ऑफिस के पास सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है ना, तो भी वो आईजीएसटी के फॉर्म में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी और वो इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी ही देगा। अगर हेड ऑफिस के पास आईजीएसटी क्रेडिट है, तब तो वो सबको आईजीएसटी के फॉर्म में देगा। देखो, अगर हेड ऑफिस के पास आईजीएसटी क्रेडिट है, तब सब सब में आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर हेड ऑफिस के पास सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है, ठीक है, तो वहां की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट दूसरे स्टेट में काम नहीं आएगी, तो वहां की सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट भी आईजीएसटी के फॉर्म में आएगी। अच्छा, सपोज करो बैंगलोर वाला ब्रांच है जिसके पास सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है, और बैंगलोर में एक और यूनिट है, या फिर पूरे कर्नाटका में कोई दूसरी यूनिट है, बैंगलोर में ना होगी कहीं कर्नाटका में दूसरी यूनिट है, तो उसको तो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हेड ऑफिस के पास सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है और दूसरे स्टेट को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तब तो आईजीएसटी के फॉर्म में होगी, और सेम ही स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट करनी है तब सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। लेकिन अगर हेड ऑफिस के पास आईजीएसटी क्रेडिट है, तो चाहे सेम स्टेट हो चाहे डिफरेंट स्टेट हो, सब में आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो आईजीएसटी तो हमेशा ही आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी दूसरे स्टेट में आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और सेम स्टेट में सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल ये आता है कि सपोज करो दिल्ली वाला जो आउटलेट है ना, वो एग्जम्प्ट सप्लाई करता है। दिल्ली वाला आउटलेट क्या करता है, एग्जम्प्ट सप्लाई करता है, तो क्या इसको भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी? आंसर इज यस। आप बोलिए क्यों हो रही है, बस हो रही है, इसको भी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो दिल्ली की क्रेडिट जयपुर अहमदाबाद मुंबई बैंगलोर में बढ़ती, बचे में बढ़ती, तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है ऐसा। गवर्नमेंट बोलती है दिल्ली वाले को, देखो हमने तो दे दिया आपको क्रेडिट, अब आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो, अब आप इनपुट ले ही नहीं पाओगे, हमने तो दे दिया आपको, पर आप क्लेम नहीं कर सकते, पर ले लो। ठीक है, ठीक है जी, तो अहमदाबाद जयपुर दिल्ली मुंबई बैंगलोर में भी चाहे एग्जाम सप्लाई करो चाहे आप टैक्सेबल सप्लाई करो, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी होगी। चाहे दिल्ली भले एग्जाम सप्लाई करे, तो भी दिल्ली को अपन को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अगला पॉइंट ये आता है, ये तो अपने देख लिया कि हेड ऑफिस के पास कोई भी क्रेडिट है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो, और अपने सेक्शन नंबर 24 रजिस्ट्रेशन के अंदर देखा भी था कि जो आईएसडी है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, सिर्फ यही काम करने के लिए, सिर्फ क्रेडिट बांटने के लिए एक अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उसको। जैसे टीडीएस टीसीएस काटने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वैसे ही इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, अब आप समझना, एक क्वेश्चन है, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है इसका, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट आओ, सपोज करो हेड ऑफिस के पास कोई डेबिट नोट आया, तो डेबिट नोट इज जस्ट लाइक बिल ओनली, जैसे नॉर्मल बिल की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी स्टेट में, वैसे ही डेबिट नोट की क्रेडिट भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बाकी स्टेट में। डेबिट नोट इज जस्ट लाइक बिल ओनली, ठीक है। और सपोज करो हेड ऑफिस के पास क्रेडिट नोट आया, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाने का है। आ जाओ आईटीसी पे आ जाओ, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसके अंदर हमने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है, और आगे रेलिवेंट अटेम्प्ट भी लिख दिया हमने कि हाँ भैया यहाँ इस अटेम्प्ट में आया है, सो दैट आपको इस क्वेश्चन की इंटेंसिटी भी पता चल जाएगी कितनी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि नवंबर 20 में पूछा गया था, 6 मार्क्स का पूछा गया था, ऐसे बड़ा क्वेश्चन है पर 6 का पूछा था। ठीक है, आईएसडी ऑफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड सेपरेटली, ये आईएसडी का टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो इससे नीचे ही होंगे। ठीक है, आईएसडी ऑफ अ कंपनी रजिस्टर्ड सेपरेटली इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला के अंदर रजिस्टर्ड है आईएसडी एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिंग आईटीसी टू अदर यूनिट्स इन द कंपनी, और आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरी यूनिट्स को। फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड फॉर अ पर्टिकुलर मंथ एंड यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प द आईएसडी डिपार्टमेंट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईटीसी टू अदर यूनिट दैट आर कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर। समझना मेरी बात ध्यान से, क्या कर रहा है, कितनी क्रेडिट है इसके पास इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास? पहली बात तो टर्नओवर दे रखा है आपको, टर्नओवर दे रखा है महाराष्ट्र का 12 लाख। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अहमदाबाद जयपुर दिल्ली मुंबई बैंगलोर, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपको? ऐसी बात है, टर्नओवर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा भाई, जो जितनी ज्यादा सेल करता है उसको उतनी ज्यादा आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो जितनी इसके पास आईटीसी है ना, सबका टर्नओवर देखेगा, सबको टर्नओवर रेशियो में बांट देगा। मुंबई का टर्नओवर है 12 लाख,
कर्नाटका का 60 लाख, और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है जी, ये रजिस्टर्ड है केरला के अंदर, ठीक है, हेड ऑफिस। हैदराबाद का 36 लाख का टर्नओवर है, त्रिवेंद्रम में 72 लाख का टर्नओवर है, त्रिवेंद्रम मतलब केरला के अंदर ही आता है त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम तो सेम स्टेट है, बाकी तीन डिफरेंट स्टेट में आ जाते हैं। अब टोटल आईटीसी कितनी अवेलेबल है इसके पास, टोटल आईटीसी जो अवेलेबल है ना वो 48 लाख रुपीज की है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के पास 48 लाख रुपीज की आईटीसी है जो इसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। और जो आईटीसी है ना ये कुछ तो सीजीएसटी आईजीएसटी की है, कुछ आईजीएसटी की है, मतलब भाई कैसे भी हो सकती है ना, कुछ इसने सपोज करो कि केरला के केरला में परचेज किया होगा तो कुछ सीजीएसटी आईजीएसटी की है, कुछ दूसरे स्टेट से परचेज किया होगा तो आईजीएसटी की है, तो ये नहीं बता रहा कि किसकी कितनी है, मैं टोटल बता दिया कि 48 लाख रुपीज की क्रेडिट है। अब साफ साफ बोल रहा है फ्रॉम द अबाउ आईटीसी एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल एज आईजीएसटी, तो ये क्वेश्चन हमने याद करो लिख के कराया था क्लास में, अब लिख के करने का तो टाइम है नहीं, बट अब समझना मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊँ। फ्रॉम द अबाउ आईटीसी एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर यूनिट अवेलेबल एज आईजीएसटी क्रेडिट, तो इन्होंने क्या बोला कि 48 में से 12 लाख तो सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर यूनिट को बांटनी है, वो भी आईजीएसटी क्रेडिट, ठीक है, तो बैंगलोर को तो वैसे भी आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, तो 12 लाख रुपीज की क्रेडिट हमने। अब हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, कैसे कॉलम बना लेंगे, देखो एक मुंबई का कॉलम बना लेंगे, एक बैंगलोर का, एक हैदराबाद का। अब मुंबई बैंगलोर और हैदराबाद का जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे तीन कॉलम बना लेंगे, देखो मुंबई बैंगलोर हैदराबाद, मुंबई बैंगलोर हैदराबाद। अब सवाल ये आता है कि मुंबई बैंगलोर हैदराबाद में तो हमेशा आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी ना, तो आईजीएसटी का कॉलम बना लो बस, और तो क्या। लेकिन जो लास्ट वाला था ना त्रिवेंद्रम, वहां तो सेम स्टेट है, तो वहां तो सीजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है और आईजीएसटी के फॉर्म में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, तो यहाँ पे तीन कॉलम बना लो फिर, ठीक है। तब इन्होंने क्या बोला कि भाई बैंगलोर यूनिट को अलग से आपको क्रेडिट देनी है, तो आप लिख लो भाई 12 लाख रुपीज ओनली फॉर बैंगलोर, आईटीसी एक्सक्लूसिवली टू बैंगलोर यूनिट 12 लाख, ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फ्रॉम द अबाउ आईटीसी एक्सक्लूसिवली टू त्रिवेंद्रम एंड हैदराबाद यूनिट, अब इन्होंने क्या बोला कि जो 48 लाख रुपीज है ना उसमें से 6 लाख रुपए हमको सिर्फ और सिर्फ त्रिवेंद्रम और हैदराबाद को देनी है। अभी जो 6 लाख है तो आउटर कॉलम में लिखा हुआ है, इसका मतलब त्रिवेंद्रम और हैदराबाद का मिला के 6 लाख रुपीज है, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला कि 6 लाख रुपीज की जो क्रेडिट है ना उसमें से 3 लाख रुपीज की जो सीजीएसटी की थी, 3 लाख रुपीज एसजीएसटी की थी, इसका मतलब ये जो 48 लाख रुपीज की क्रेडिट है ना इसके अंदर कुछ एलिमेंट तो सीजीएसटी एसजीएसटी का, कुछ आईजीएसटी का है। अब इस 48 में से 6 लाख रुपीज हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं त्रिवेंद्रम और हैदराबाद को, 6 लाख रुपीज में से 3 लाख सीजीएसटी का था, 3 लाख एसजीएसटी का था, ठीक है जी। अब अगर ये पूरा का पूरा 6 लाख आईजीएसटी का होता, अगर आईजीएसटी क्रेडिट होती है तो सारे स्टेट में आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो। अब त्रिवेंद्रम तो सेम स्टेट हो गया, हैदराबाद दूसरा स्टेट हो गया, तो अब इसका मतलब सीजीएसटी आईजीएसटी की जो क्रेडिट है ना 3 3 लाख रुपीज की। सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 6 लाख रुपीज में से त्रिवेंद्रम में कितना बटेगा और हैदराबाद में कितना बटेगा। अब त्रिवेंद्रम और हैदराबाद का रेशियो देखो, टर्नओवर रेशियो, तो त्रिवेंद्रम का 72 हैदराबाद का 36, मतलब 1:2 में बटेगा, तो हैदराबाद को तो बट जाएगा 2 2 लाख रुपीज और त्रिवेंद्रम को बटेगा 4 लाख रुपीज। पर अब ये 2 लाख और 4 लाख रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना ये सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है जो कि हेड ऑफिस के पास है, तो अब सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन दूसरे स्टेट में आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 2 लाख रुपीज जो हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो तो आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और 4 लाख रुपीज जो त्रिवेंद्रम में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी के फॉर्म में होगा, मतलब 2 लाख सीजीएसटी 2 लाख एसजीएसटी। अरे समझ में आ रहा है क्या, अब तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना ये सोच के कि पहली बार कर लेते हैं आईटीसी, इस इंसान का वीडियो देख के क्वेश्चन देख के, तो नहीं होगा फिर, भूल जाओ, बीकॉम नहीं पढ़ रहे तो ठीक है। अरे सर क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है, ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही डोंट नो हाउ टू टीच। समझ में आया तुम्हें, देखो आईटीसी एक्सक्लूसिवली त्रिवेंद्रम हैदराबाद यूनिट 2 2 एंड 2 2 2 2 2 कैसे करा। अब देखो आईसीआई ने क्या करा, मुंबई में भी सीजीएसटी एजिस्टर कॉलम बना दिया, बैंगलोर में भी हैदराबाद में, मतलब नहीं था इतनी बड़ी कॉपी में स्पेस भी नहीं होती, मुंबई में सिर्फ आईजीएसटी का बनाते, बैंगलोर में भी आईजीएसटी का, हैदराबाद में भी आईजीएसटी का, त्रिवेंद्रम में तीनों बनाते तो चल जाता, ठीक है, समझ में आया 2 2 2 कैसे आया। आगे बढ़ते, अब इन्होंने क्या बोला, रेस्ट ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल इज अलोकेबल एज कॉमन क्रेडिट टू ऑल द यूनिट एंड इज रिसीव फ्रॉम लोकल सप्लायर इन केरला, ठीक है जी। बच्ची हुई जो क्रेडिट है ना, मतलब कितनी बच गई, 30 लाख रुपीज की बच गई, 12 48 माइनस 12 माइनस 6, वो सब में बांट दो, और वो सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट है, ठीक है, सब में बांटो, मतलब मुंबई बैंगलोर हैदराबाद और त्रिवेंद्रम के टर्नओवर में बांटो, 1 5 3 और 6 इस टर्नओवर में बांट लो,
1:5:3:6 में बांटो, 30 लाख को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, लेकिन त्रिवेंद्रम में जो आंसर आएगा ना उसको सीजीएसटी एजीएसटी कर देना दो पार्ट में, क्योंकि वो सेम स्टेट की क्रेडिट हो गई। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि जितने भी क्रेडिट है वो लोकल सप्लायर से परचेस की गई है, ठीक है। 30 लाख रुपीज को आपने बांट दिया, 2:10:6, त्रिवेंद्रम की 12 आई थी तो 6 और 6 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2:10:6 कैसे आए, टर्नओवर रेशियो में आए, ठीक है जी। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जरूरी क्वेश्चन है, 3 साल से पूछा नहीं, सीधा नवंबर 23 में छप सकता है 3 साल बाद, ठीक है जी। आगे देखो, बेसिक वैल्यू ऑफ अ डेबिट नोट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस सप्लाई विद रेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 12% ऑफ आईजीएसटी बीइंग चार्ज एंड शोन सेपरेटली। एक डेबिट नोट मिला जो कि आईजीएसटी का था, मतलब आईजीएसटी की थी डेबिट नोट, तो 50 लाख रुपीज वैल्यू है डेबिट नोट की, 50 लाख रुपीज को जीएसटी का अमाउंट नहीं है, वैल्यू लिखा हुआ है, बेसिक वैल्यू ऑफ अ डेबिट नोट, तो 50 लाख का 12% कितना हो गया, 6 लाख रुपीज की क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो 6 लाख रुपीज की क्रेडिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, और ये 6 लाख रुपीज की क्रेडिट भी आईजीएसटी की है, तो त्रिवेंद्रम में भी आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि सीजीएसटी आईजीएसटी के फॉर्म में। वही टर्नओवर रेशियो में बांट दो जो अपन ने देखा था, वही 1:5:3:6, 1:5:3:6, ठीक है जी। आगे देखो, 10th वाला पॉइंट, टोटल वैल्यू इन द क्रेडिट नोट रिसीव। अब एक क्रेडिट नोट भी मिला जिसमें टोटल वैल्यू कितनी थी, 118 लाख। टोटल वैल्यू का मतलब क्या है कि इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लो बेसिक वैल्यू पे, यहाँ पे अंडरलाइन कर लो टोटल वैल्यू पे, एग्जाम में छोटी छोटी चीज ध्यान में रहती। टोटल वैल्यू कितनी है, 118, इसका मतलब इसमें जीएसटी का अमाउंट इंक्लूडेड है। अब ये जो क्रेडिट नोट मिला है ना, ये केरला यूनिट के लिए मिला है, डेबिट नोट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो डेबिट नोट की जो क्रेडिट थी वो सब में बांट दी, पर क्रेडिट नोट केरला यूनिट के लिए, तो डेबिट नोट ऐड करते थे, क्रेडिट नोट लेस कर देंगे, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो 9 और 9, 9 सीजीएसटी 9 एसजीएसटी केरला में, मतलब त्रिवेंद्रम में हम लेस कर देंगे एंड में, ठीक है जी। एंड में हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे बस, और नीचे फाइनल में एंड में टोटल लिखा ना, और कुछ नीचे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एंड में टोटल लिखा ना, नंबर आ जाएंगे आपके पूरे। भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया बताओ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ तो वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया। मैं चाहता हूँ आईटीसी का वीडियो आने वाली जनरेशन भी देखें, आने वाले लोग देखें, मतलब जो अभी नहीं देख रहे रिकॉर्डिंग वाले, और उनको थोड़ी मदद मिल सके, क्योंकि थोड़ा खौफ है इस चैप्टर का और कुछ नहीं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, पूरा करा दिया, ठीक है, आईएसटी खत्म। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, सेल्फ इनवॉइसिंग, आईएसटी इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, जब आप सामान इंपोर्ट करते हो ना तो ये बताता है डॉक्यूमेंट कि आपने कितना कितना टैक्स दिया, तो इसके अंदर भी टैक्स का डिटेल लिखा हुआ होता है, तो ये भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है, बिल ऑफ एंट्री भी, ठीक है। अगला सवाल ये आता है, बिल टू शिफ्ट टू मॉडल, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। वैसे मैंने आपको क्या बताया था, आईटीसी किसको मिलती है, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, जिसके पास इनवॉइस होता है उसी को आईटीसी मिलती है, लेकिन जो बिल टू शिफ्ट टू मॉडल होता है ना, तो उसमें इनवॉइस तो उसके पास जाता है जो बिल टू करता है, ठीक है। बिल टू की लोकेशन क्या होती है, देखो सुनना मेरी बात, जैसे मिस्टर ए है, उसने एक सप्लायर को बोला कि मिस्टर बी को सामान पहुंचवा दो आप, ए ने सप्लायर को बोला कि मिस्टर बी को सामान दे दो, पैसा आपको मैं देता हूं, तो बिल तो बना दिया सप्लायर ने मिस्टर ए के नाम पे, और सामान शिप हो गया बी को। सवाल ये आता है कि आपने तो कहा था कि आईटीसी तभी मिलेगी जब आपको गुड्स मिल जाएंगे और इनवॉइस होगा, तो गुड्स तो इस केस में बी को मिल रहे हैं, तो ए आईटीसी क्लेम कैसे कर पाएगा, भाई ए ने पैसा दिया, ठीक है, आईटीसी ये क्लेम करेगा, पर गुड्स तो बी को मिल रहे हैं, ए ने कहा था मेरे बिहाफ में बी को भेज दो, पर उसमें तो लिखा हुआ है कि गुड्स मिलेंगे तभी आईटीसी मिलेगी, तो बिल टू शिफ्ट मॉडल के केस में गवर्नमेंट ने अज्यूम कर लेगी कि जैसे ही सामान बी को मिले तो ये माना जाएगा ए को भी मिल गए, ये माना जाएगा ए को भी मिल गए, तो आईटीसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड्स रिसीव इन लॉट ऑब्लिक इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब क्या है, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आईटीसी अलाउड अपॉन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट। अगर आप गुड्स लॉट्स में मंगवा रहे हो, है ना, गुड्स क्या कर रहे हो आप, लॉट्स में मंगवा रहे हो, भाई सामान आ रहा है, आपने बोला भाई साहब 10 लाख रुपए का सामान भेज दो, उन्होंने कहा ठीक है जी भेज देंगे, पहला लॉट भेजा 4 लाख रुपए का, दूसरा लॉट भेजा 3 लाख रुपए का, ठीक है, और लास्ट लॉट भेजा 4 लाख रुपए का। अब आप ऐसे नहीं, कितना हो गया, ज्यादा हो गया, लास्ट लॉट भेजा 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो अब आप समझना,
ऐसा नहीं कि 4 लाख रुपीज का सामान भेजा तो 4 लाख रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली, 3 लाख का भेजा तो 3 लाख की आईटीसी क्लेम कर ली ना। जब लास्ट लॉट आएगा ना तो पूरी 10 लाख रुपीज की आईटीसी एक साथ क्लेम करना, ऐसा होता है। तो अगर गुड्स लॉट्स में आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसी एडजस्टमेंट दे रखी हो, जनवरी मंथ का ट्रांजेक्शन चल रहा हो और जनवरी में लिखा हो कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 5 लाख रुपीज का गुड्स भिजवाना है, जिसमें से पहला लॉट आ गया 3 लाख रुपीज का जनवरी में और 2 लाख रुपीज का लॉट आएगा फरवरी के अंदर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि भाई जनवरी के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है जनवरी की, और लॉट्स में सामान आ रहा है, पहला लॉट 3 लाख रुपए का तो आज गया, दूसरा लॉट फरवरी में आएगा 2 लाख का। तो आप ऐसे नहीं करना कि जनवरी में 3 लाख की आईटीसी क्लेम कर लोगे ना, फरवरी में आईटीसी क्लेम करोगे आप पूरी की पूरी 5 लाख की, ठीक है। डन हो गया, इतना भी आपको समझ में आ गया। अच्छा एक और पॉइंट सुनना, 180 डेज वाला क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना मेरी बात। सपोज करो ए ने बी को सामान दिया, ठीक है, ए ने बी को सामान दिया, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीज का गुड्स दिया ए ने बी को, और उस पर 18% जीएसटी की रेट है। अब बी ने क्या किया, ए देखो ए जैसे सामान देगा तो ए तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से, अगर आपने पढ़ा हो टाइम ऑफ सप्लाई, तो उसमें था ना कि जैसे ही सप्लायर के यहां से गुड्स रिमूव हो जाएंगे, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ, कब तक टाइम ऑफ सप्लाई आता है, कब तक, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन ए इनवॉइस बनाएगा, और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होती है, जिस टाइम सप्लायर के यहां से गुड्स रिमूव हो जाएंगे वो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से तो क्या हो जाएगा कि भाई जैसे ए के यहां से गुड्स रिमूव होंगे, ए को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा उस मंथ में, ठीक है। अब पर बी क्या कर रहा है, बी ने ए को पेमेंट ही नहीं करा, बोला था कि भाई थोड़े दिन में कर दूंगा, 15 दिन में 20 दिन में, अभी तक पेमेंट नहीं करा, खूब सारा टाइम हो गया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना खूब गुजर गया, 4 महीना 5 महीना बी पेमेंट ही नहीं कर रहा है, बी ने ए को पेमेंट ही नहीं करा, ठीक है, ठीक है जी। तब ए गवर्नमेंट को बोलेगा कि बी तो पैसा ही नहीं दे रहा, मैं तो आपको टैक्स भी जमा करा दिया 10 लाख पे, मेरे को इसने कुछ भी रुपया नहीं दिया अभी तक। तो गवर्नमेंट ने बोला कि अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट ना करे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया उसके 180 डेज में अगर ये बंदा पेमेंट ना करे, तो एक काम करेंगे। अब बी पता है क्या कर रहा है, बी ऐसे कर रहा है कि ए ने तो अपना जीएसटी भी जमा करा दिया गवर्नमेंट को, और अपनी रिटर्न के अंदर जीएसटी R1 के अंदर भर भी दिया था कि भाई मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई करी है, मैंने अपनी आउटवर्ड सप्लाई करी है, और बी को क्रेडिट भी मिल गई थी, बी को क्रेडिट भी मिल गई थी, पड़ोसी में कुत्ता, बी को अपनी क्रेडिट मिल गई थी, फाइट बिटवीन स्ट्रीट डॉग्स एंड पैट डॉग, कुछ नहीं, दोनों आपस में एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं, इनको आमने सामने खुला छोड़ दें तो दोनों दूर हो जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डॉग्स। सुनना मेरी बात ध्यान से, ए ने सप्लाई करी बी को, ए ने अपनी जीएसटी R1 भर दी और बी को उसकी आईटीसी मिल गई, बी ने आईटीसी भी क्लेम कर ली, लेकिन बी इतना इतना नालायक है कि बी ने अभी तक पेमेंट ही नहीं करा ए को, बी ने आईटीसी भी क्लेम कर ली लेकिन बी इतना नालायक है कि इसने पेमेंट ही नहीं करा, और 180 डेज खत्म हो गए। तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है कि अगर 180 डेज में पेमेंट ना करे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो जैसे ही 180 डेज खत्म हो जाएंगे ना, ये जो इसने आईटीसी क्लेम करी है ना, ये हम इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देंगे। सर कब कब आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, जैसे ही 180 डेज खत्म हो जाएंगे, 180 डेज के बाद जब आप नेक्स्ट रिटर्न भरोगे अपनी, ठीक है, जैसे ही आप अपनी नेक्स्ट रिटर्न भरोगे ना, जैसे ही बी अपनी नेक्स्ट रिटर्न भरेगा, उसमें अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देगा इस पैसे को, उसमें अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देगा, ठीक है, जितनी इसने क्रेडिट लिए ना, उस क्रेडिट को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर देगा, ठीक है जी। इतना क्लियर है, ठीक है। वैसे देखा जाए अगर लॉजिकली, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया, गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया, तो गवर्नमेंट को ये जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में गवर्नमेंट ऐड करवा रही है, इससे गवर्नमेंट का ही फायदा है, ए और बी की लड़ाई में गवर्नमेंट का ही फायदा हो रहा है देखा जाए तो, क्योंकि ए को तो ऑलरेडी, गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी टैक्स मिल चुका है, ए दे चुका, भले ए को पैसा ना मिला हो बी से, लेकिन गवर्नमेंट को तो टैक्स मिल गया ना, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है इस बी को कि भाई तूने अगर 180 डेज में पेमेंट नहीं करा तो तेरी जो जितना तू क्रेडिट ले चुका है तेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दे, और उसका पेमेंट कर, जैसे ही तू अगली रिटर्न भरेगा 180 दिन के बाद, जो भी तू नेक्स्ट रिटर्न भर रहा होगा उसमें तू पेमेंट कर दे, ठीक है। अब सपोज करो बी कह रहा है कि सपोज करो सर मैं 200th डे पेमेंट कर दूं, तो गवर्नमेंट कह रही भाई देख 180 डेज के बाद तो तू आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दे। अब तू कह रहा है कि नहीं, मेरे को
मेरे को रियलाइज हो गया कि मेरी गलती थी और मैंने पेमेंट कर दिया ए को, तो फिर जब तू पेमेंट करेगा तब तू क्रेडिट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, जब तू पेमेंट करेगा तो तू क्रेडिट ले ले। लेकिन अब गवर्नमेंट, फिर बी क्या सुनना मेरी बात, फिर बी क्या सोचेगा, फिर तो इसमें नुकसान ही क्या है, नुकसान ही क्या है, आप मेरी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दो, लेकिन जब मैं पेमेंट करूंगा तब मेरे को क्रेडिट मिल जाएगी, तो मेरा गया क्या है इसमें, कुछ भी नहीं गया मेरा, तो कोई लॉस नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम तेरे से इंटरेस्ट भी लेंगे, अगर तूने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करा फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, जब से इनवॉइस हुआ, तो हम तेरे से इंटरेस्ट लेंगे एट द रेट ऑफ 18%, हम तेरे से 18% का इंटरेस्ट लेंगे। अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लेंगे, कहां से लेंगे, कब से लेंगे, तो इंटरेस्ट लेंगे 18% का अगर तूने आईटीसी यूटिलाइज करी तो, अगर तूने आईटीसी यूटिलाइज करी तो, समझना मेरी बात ध्यान से सभी लोग। सपोज करो ये ट्रांजेक्शन जो ए और बी के बीच में हुआ था ना, ये हुआ था जुलाई के अंदर, ठीक है, बी ने क्रेडिट भी ले ली, बी ने क्रेडिट भी ले ली, डन हो गया मामला। अब जब अगस्त मंथ, ठीक है, जुलाई के अंदर हुआ था, क्रेडिट भी ले ली, अब अगस्त मंथ में क्या हुआ, लेट्स सपोज केस लेके चलते हैं, ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। केस नंबर वन, केस नंबर टू, केस नंबर थ्री, तीन केस हो गए। सपोज करो जो बी था ना, उसके पास ऑलरेडी क्रेडिट पड़ी हुई थी 10 लाख रुपीज की, पहले से पड़ी हुई थी, और इस ट्रांजेक्शन पे इसने 4 लाख रुपीज की क्रेडिट और ले ली, इस ट्रांजेक्शन से 4 लाख रुपीज की क्रेडिट और ले ली, तो 14 लाख रुपीज की क्रेडिट हो गई। अब ये क्रेडिट इसके खाते में पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पड़ी है, ठीक है, इसको बोलते हैं आईटीसी अवेलमेंट। अब हुआ क्या कि अगस्त मंथ की टैक्स लायबिलिटी जब पे कर रहा था ना, अगस्त मंथ की लायबिलिटी जब चुका रहा था, तो अगस्त मंथ की लायबिलिटी थी लेट्स सपोज 12 लाख रुपीज, ठीक है। तब इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये माना जाएगा कि देखो 10 लाख तो इसके पास जो ऑलरेडी पड़े थे वो तो थे ही, 2 लाख रुपए इसने इसमें से यूटिलाइज कर लिए, ठीक है, 2 लाख रुपए इसने इसमें से यूटिलाइज कर लिए। लेट्स सपोज ये अगस्त मंथ की बात चल रही है, लेट्स सपोज इसने रिटर्न भरी अगस्त महीने के अंदर, इसने रिटर्न भरी लेट्स सपोज 17 अगस्त को, वैसे ड्यू डेट क्या थी 20 अगस्त थी रिटर्न भरने की, लेकिन इसने 17 अगस्त को रिटर्न भर दी, ठीक है, इसने यूटिलाइज कर लिया इस पैसे को, 2 लाख रुपए इसने क्या करा, इस 4 लाख में से यूटिलाइज कर लिया। तो गवर्नमेंट पता है क्या बोलेगी, भाई अब इस 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट दो तुम, कब से, 18 अगस्त से। अब आप बोलोगे सर ड्यू डेट तो 20 अगस्त थी, तो 21 अगस्त थी क्यों नहीं, देखो इस केस में प्रोविजन थोड़ी स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ये बोलती है जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर लोगे ना उसके अगले दिन से इंटरेस्ट दो, अगर ये रिटर्न फाइल 20 अगस्त को करता तो 21 अगस्त से इंटरेस्ट लगता, अगर इसने रिटर्न फाइल 19 अगस्त को कर दी तो 20 अगस्त से इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जिस दिन इसने इंटरेस्ट यूटिलाइज कर लिया उसके अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, 18 अगस्त से इंटरेस्ट लगेगा 2 लाख रुपए पे। ऑल दो आईटीसी अवेल 4 लाख की है, लेकिन जैसे जैसे यूटिलाइज करता जाएगा वैसे वैसे इंटरेस्ट लगता जाएगा, 2 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 18%। कब तक लगेगा, जब तक ये एक्चुअल रिपेमेंट नहीं कर देता, ठीक है, जब तक ये एक्चुअल रिपेमेंट नहीं कर देता, समझ में आ रहा है, जैसे इसने 200th डे पे रिपेमेंट किया ना, तो 200th डे तक का इंटरेस्ट लगेगा। कि इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, भाई अगर 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देता है तब तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब सपोज करो 180 डेज निकल गए और पता चल रहा है कि इसने आईटीसी यूटिलाइज कर ली पहले से, तो फिर 180 डेज जब खत्म होंगे ना, और जब आप अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो आप जितनी भी क्रेडिट आप अवेल करोगे ना, वो वैसे ही जैसे ही आपके 180 डेज खत्म होंगे ना, वैसे ही आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करनी पड़ेगी। तो जितनी भी क्रेडिट आपने अवेल करी वो तो आपको 180 डेज खत्म होते ही आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करनी पड़ेगी। दो रास्ते हैं, देखो सपोज करो मैंने 4 लाख रुपए क्रेडिट अवेल कर ली और इस क्रेडिट को मैंने यूटिलाइज नहीं करा, और जैसे ही 180 दिन खत्म होंगे ना, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूंगा। दो रास्ते हैं, या तो मैं इस 4 लाख को अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दूं, या आईटीसी में से कम कर दूं। भाई 4 लाख रुपए की आईटीसी क्लेम करी थी मैंने, जो कि मेरा बैलेंस दिखा रहा था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर, अब 180 दिन बाद में क्या कर दूंगा, उस बैलेंस को वापस माइनस 4 लाख से कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर मेरे पास बैलेंस नहीं अवेलेबल है, इसका मतलब मैंने क्रेडिट यूटिलाइज कर ली तभी तो बैलेंस अवेलेबल नहीं है, तो भाई साहब फिर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से दो। तो 180 डेज के अंदर अगर आपने पैसा नहीं चुकाया तो फिर क्या होगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में तो ऐड हो जाएगा पैसा, या फिर आईटीसी में से लेस हो जाएगा, पर इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे लगेगा, इंटरेस्ट जितना आपने आईटीसी यूटिलाइज किया उतने पे इंटरेस्ट लगेगा।
ठीक अगर आप 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देते उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। इंटरेस्ट की बात कब आ रही है, जब 180 डेज से ऊपर हो गए, आपने पैसा नहीं दिया और आईटीसी को आप यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख पे इंटरेस्ट लग जाएगा 18% की रेट से 18 अगस्त से। अब सपोज करो आप सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न की बात करते हैं, सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न भाई ने 15 सेप्टेम्बर को ही भर दी और बचा हुआ 2 लाख भी यूज कर लिया, तो बचे हुए 2 लाख पे अब 16 सेप्टेम्बर से इंटरेस्ट लगेगा टिल द डेट ऑफ एक्चुअल रिपेमेंट। अब जैसे सपोज करो 200 डे पे वो जब बी ए को पेमेंट कर रहा था, तो जो ओरिजिनल अमाउंट था ना 4 लाख रुपीज का, जो इसको क्रेडिट मिलनी चाहिए थी, जो गवर्नमेंट ने वापस इसके आउटपुट में ऐड करवा दी थी, क्योंकि इसने क्या किया था, 180 डेज में पेमेंट नहीं किया, वो इसको 4 लाख की क्रेडिट तो मिल जाएगी, लेकिन अभी जो इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आई ना, इंटरेस्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्ट की भी क्रेडिट मिल जाएगी तो किस बात का इंटरेस्ट हुआ फिर, तो जब क्रेडिट ही मिल गई तो कोई काई की पेनल्टी हो गई, इंटरेस्ट इन द नेचर ऑफ पेनल्टी है ये, ठीक है, तो इंटरेस्ट की क्रेडिट नहीं मिलेगी इसको, तो इंटरेस्ट एक पनिशमेंट है इसके लिए। अब आप देखा जाए ए और बी की लड़ाई हो रही है ना, बी ए ने ए को पेमेंट नहीं करा, गवर्नमेंट को तो ऑलरेडी टैक्स मिल चुका ए से, ठीक है, शुरू में मिल चुका गवर्नमेंट को तो ए से टैक्स। अब इन दोनों की लड़ाई में गवर्नमेंट इंटरेस्ट के मजे ले गई देखा जाए तो, भाई काई बात का इंटरेस्ट, समझना मेरी बात, इंटरेस्ट चलो गवर्नमेंट ने पनिशमेंट के फॉर्म में लगाया, तो पनिशमेंट ही देना था तो गवर्नमेंट बी को बोलती थी कि ए को इंटरेस्ट दे, कुछ ऐसा करवाती, गवर्नमेंट ने क्या करा, बोले हमको इंटरेस्ट दो 18%, अरे तुम्हारे को काई बात का इंटरेस्ट, तुमको तो वैसे भी पैसा मिल गया ना, पर ठीक है ठीक है सर। इंटरेस्ट 200 दिन का लगेगा क्या, इतनी देर से क्या समझा रहा हूं, इंटरेस्ट 200 दिन का लगेगा क्या, इंटरेस्ट तब से लगेगा जिस दिन से आप आईटीसी यूटिलाइज कर लोगे, उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। सपोज करो आपने आईटीसी यूटिलाइज ही नहीं करी, केस नंबर 2 लेके चलते हैं, लेट सपोज आपके पास 10 लाख रुपीज का बैलेंस पड़ा हुआ था, ठीक है, और 4 लाख रुपीज का आपने और ले लिया इस ट्रांजेक्शन से जो हुआ था बी और ए के बीच में, उसे 4 लाख रुपीज का क्रेडिट बी ने और अवेलेबल कर लिया, ठीक है, ये सारे काम हम बी क्या कर रहे हैं रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, टोटल क्रेडिट कितनी हो गई, 14 लाख रुपीज की क्रेडिट हो गई, और जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी थी, 8 लाख रुपीज थी, ठीक है, 8 लाख रुपीज, इसका मतलब ये माना जाएगा कि 8 लाख इसी में से यूटिलाइज होगा, 10 लाख में से 4 लाख तो अनयूज रह गया, और मान के चलो इस 4 लाख को इस बंदे ने अब तक यूज ही नहीं किया, 180 दिन भी खत्म हो गए, 180 दिन पूरे खत्म हो गए, कभी यूज ही नहीं किया इस बंदे ने, एज इट इज पड़ा हुआ है इसके अकाउंट में, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसे इंटरेस्ट नहीं मांग सकती, इसने यूज ही नहीं किया इस पैसे को, ये तो एक वर्चुअल अकाउंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, उस अकाउंट के अंदर एंट्री दिखा रखी है कि हाँ मेरे पास इतनी आईटीसी है, यूज थोड़ी करी आईटीसी, दिखाई तो रखी है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सपोज करो कि इसकी अगर लाइबिलिटी कितनी होती, लेट सपोज 18 लाख रुपीज की लाइबिलिटी होती, तो हम ये मान लेते कि भाई पूरा का पूरा इसने 14 लाख यूज कर लिया, तो शुरू से इंटरेस्ट लग जाता, लेट सपोज इसने रिटर्न कब भरी, 17 अगस्त को रिटर्न भरी है ना, तो 18 अगस्त से पूरे 4 लाख पे इंटरेस्ट लग जाता। फिर किस किस को समझ में आया, एक बार क्लियर बोल दो इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, ये इंटरेस्ट का ही मैंने बता दिया, वैसे आईटीसी में नहीं बताना चाहिए था ये, लेकिन सेक्शन नंबर 50 इंटरेस्ट का ही समझा दिया आपको, समझ में आया आपको, इंटरेस्ट थोड़ा डिटेल में देख लिया हमने 180 डेज। अब अगला सवाल ये आता है कि 180 डेज वाला प्रोविजन कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, ये 180 डेज वाला प्रोविजन किधर किधर नहीं लगेगा, सभी को क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, किसी को लगता है नहीं बैठ रहा है ये समझना चाहिए, तो एक मतलब जेन्युइन रिकमेंडेशन है कि आप हमारा जो एक्सप्रेस बैच है ना, इसको हमने बड़ा ऐसा रखा है कि लगभग लगभग नेग्लिजिबल प्राइस में रखा है इसको, इसको क्या करें, इट इज़ अ वेरी गुड रिविजन बैच, ठीक है, ऐसे नहीं कर रहा कि भाई बेचने के लिए बोल रहा हूँ, इज नॉट लाइक दैट, ऑलरेडी पूरे इंडिया ने बहुत खरीदा, तो वैसा कोई इंटेंशन है नहीं, और इस बैच में कोई हमारा कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, क्योंकि इसका प्राइस ही बहुत लेस है, सॉफ्टवेयर चार्जेस वगैरह बहुत लग जाते हैं, थिंग इज दैट आप इसको देखोगे ना तो आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट बैच, और अच्छा कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन इसमें कवर करवाएं तो आप ले सकते हो एक्सप्रेस बैच वाला। हाँ मैं इस स्टेज पे आपको नहीं बोल रहा कि भाई जिसका एक ही ग्रुप है वो ही फास्ट ट्रैक पे जाए, लेकिन जिसका बोथ ग्रुप है तो मैं बोलूंगा कि अभी बोथ ग्रुप वाले इस स्टेज पे आके अगर आप फास्ट ट्रैक पे जाते हो तो फिर वो आपका कॉल है, मतलब टाइम का दिक्कत है, लेकिन एक्सप्रेस बैच अभी भी ले सकते हो, जस्ट लाइक अ 7 डेज बैच, 7-8 डेज में आप खत्म कर दोगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 लेक्चर हैं टोटल, और आईटीसी अगर आपको देखना है तो आईटीसी के हमने फास्ट ट्रैक वाले लेक्चर डाल रखे हैं, जो कि काफी डिटेल में 7 लेक्चर आईटीसी के डाल रखे हैं, जिससे आईटीसी का एक एक क्वेश्चन सब कुछ इसमें कवर हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट कब तक लगेगा, जैसे सपोज करो हमारे वाले एग्जाम्पल में वो 200 डे पे पेमेंट कर रहा था, जिस दिन बी ए को पेमेंट कर देगा ना उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के इतना ध्यान में रखो कि इंटरेस्ट आईटीसी यूटिलाइजेशन पे लगता है, अवेलमेंट पे नहीं लगता। आगे आते हैं 60। अच्छा, ये 180 डेज वाला प्रोविजन कहाँ कहाँ पे नहीं लगेगा? आरसीएम के केस में नहीं लगेगा, आरसीएम के केस में नहीं लगेगा 180 डेज वाला प्रोविजन। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात और, मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, इंटरेस्ट वाला नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मत समझना। मैं कभी जब पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर का कोई रिवीजन वीडियो लूंगा ना, तब समझा दूंगा। इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो मैंने तो क्लास वाले के पॉइंट से बता दिया था, लेकिन क्लास वालों को इससे मैंने बता रखा है। अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं आ रहा तो जाने दो, इंटरेस्ट पे कोई क्वेश्चन भी नहीं है। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट यूटिलाइजेशन पे पूरा आईटीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, डेट वेट का कोई लफड़ा ही नहीं है, निश्चिंत रहो आप। ठीक है, चिल करने का, मस्त ठंडा पानी पीने का, मजा करने का, इंटरेस्ट नहीं आ रहा समझ में तो भी। अच्छा मैंने एक बात, सपोज करो आप आईटीसी कब अवेल कब तक कर सकते हो? मान लो आपने कोई ट्रांजेक्शन 3 साल पहले किया और आपको याद आया, ओ शिट आईटीसी ज्यादा भूल ही गए, तो कब तक आप आईटीसी ले सकते हो किसी भी ट्रांजेक्शन पे? तो सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल सेप्टेम्बर मंथ, सेप्टेम्बर 2022 का कोई ट्रांजेक्शन था और मेरे को याद आया कि यार इस पे आईटीसी कब तक ले सकते हैं अपन, ठीक है, आईटीसी कब तक इस पे अवेल कर सकते हैं? तो इन्होंने ये बोला 30 नवंबर 2023 और एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट, एनुअल रिटर्न फाइलिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात, लेट्स सपोज सेप्टेम्बर 2022 था, कोई ट्रांजेक्शन हुआ, इसकी क्रेडिट कब तक अवेल कर सकते हैं? या तो 30 नवंबर 2023, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसका 30 नवंबर, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है 22-23, उसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट। अब एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होती है? वैसे तो 30 दिसंबर होती है, 30 दिसंबर 2023, लेकिन अगर मान के चलो ये पहले भर दे, सपोज करो इसने एनुअल रिटर्न 28 अक्टूबर को ही भर दी, 28 अक्टूबर को ही भर दी, ठीक है, 10 नवंबर को भर दी, 20 नवंबर को भर दी, तो जो भी दोनों में से पहले हो, एक्चुअल फाइलिंग की डेट और 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। अच्छा सवाल ये आता है कि सर ये जब 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट लगता है ना, 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो बंदा 180 डेज के बाद भी पेमेंट करता है तो भी उसको क्रेडिट मिल जाती है। हमने पढ़ा था ना कि अगर 180 दिन के बाद, अगर सपोज करो एक बार तो 180 दिन तक उसने पेमेंट नहीं किया, तो एक बार तो उसके आउटवर्ड लाइबिलिटी में दिख जाएगी, लेकिन सपोज करो कभी फ्यूचर में फिर वापस से पेमेंट कर देता है अगर वो उसको, तो फिर वापस से क्रेडिट मिल जाती है, इंटरेस्ट ही क्रेडिट नहीं मिलती बस, है ना, ऐसा पढ़ा था हमने। तो उस केस में ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि आप आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हो। सपोज करो वो 2 साल बाद भी रिपेमेंट करे ना, अगर जैसे सपोज करो बी ए को 2 साल बाद रिपेमेंट करे, तो 2 साल बाद भी उसको आईटीसी मिल जाएगी, तब आप ये मत बोलना कि ये तो 30 नवंबर तक ही ले सकता था ना, उस केस में चल जाएगा ये, उस केस में टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 16 सबसेक्शन 3, 16 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? 16 सबसेक्शन 3 ऐसा बोलता है, आईटीसी ऑन जीएसटी पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, इधर अरे फालतू की बात करता है, ऐसा बोलता है सपोज करो आपने 10 लाख रुपीज की कोई कैपिटल असेट परचेज करी, ठीक है, उस पर जीएसटी दे गया 1.8 लाख रुपीज का, मतलब 11.8 लाख रुपीज दे क्या है, तो ये बोल रहा है अगर अब आप 11.8 लाख रुपीज टोटल दिया है, उसमें से 1.8 लाख जीएसटी का था, तो अब आपने 1.8 लाख रुपीज की आईटीसी क्लेम कर ली, है ना, बिजनेस के लिए परचेज की थी कैपिटल असेट, उस पर आईटीसी क्लेम कर ली, तो अब आप डेप्रिसिएशन 10 लाख पे क्लेम करना, ऐसा मत करना कि डेप्रिसिएशन भी 11.8 लाख पे कर लो, ऐसे करोगे तो फिर गलत हो गया ना, दो बार बेनिफिट ले लिया आपने, आईटीसी का भी बेनिफिट ले लिया और डेप्रिसिएशन का भी ले लिया, तो डेप्रिसिएशन 10 लाख रुपीज पे होगा, तो या तो आईटीसी क्लेम कर लो या डेप्रिसिएशन क्लेम कर लो। ठीक है, आईटीसी अवेल करने के टाइम लिमिट क्या है वो आपने देख ली, ठीक है, 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया भाई साहब पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है जी, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रूल नंबर 37A क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले आगे बढ़ो बाप। अब आते हैं सेक्शन नंबर 17 पे, सेक्शन नंबर 17 क्या बोलता है? अरे फालतू की बात करता है सेक्शन नंबर 17, ऐसे बोलता है 17 सब सेक्शन 1 बोलता है कि बिजनेस पर्पज पे आईटीसी मिलेगी, नॉन बिजनेस पर्पज पे आईटीसी नहीं मिलेगी, मालूम है। फिर ये बोलता है कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो उस पर आईटीसी मिल जाएगी, एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो तो आईटीसी नहीं मिलेगी। देखो सिंपल सी बात है जी, जीएसटी कमा के दोगे तो आईटीसी लोगे, नहीं तो नहीं लोगे, हम तो इतनी सी बात जानते हैं, ठीक है। बट अगर जीरो रेटेड सप्लाई की बात करें, जीरो रेटेड सप्लाई की बात करें, जीरो रेटेड सप्लाई मतलब
बेसिकली जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर दो आते हैं, ठीक है, क्या आता है, एक एक्सपोर्ट आता है और एक सेल्स यूनिट आता है, सप्लाई टू एक्सपोर्टर सेल्स, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, ध्यान ध्यान से सुनना मेरी बात, एक 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 चीज पूछता हूँ आपसे। इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप कोई भी सामान एक्सपोर्ट भी करते हो ना, तो एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पे जानबूझ के जीएसटी नहीं लगाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन ही ऐसे बना रखे हैं जिससे एक्सपोर्ट पे जीएसटी ना आए, सो दैट क्यों ना आए एक्सपोर्ट पे जीएसटी, आप बताओ, आता हुआ टैक्स को बुरा थोड़ी लगता है। अगर देखो एक्सपोर्ट पे भी जीएसटी लगा देंगे तो सामान महंगा हो जाएगा, फिर वो फॉरनर खरीदेगा नहीं हमसे, वो किसी दूसरे देश से खरीद लेगा, तो गवर्नमेंट बोलती है सामान सस्ता रखते, कम से कम खरीद ले, खरीदेगा तो फॉरेन करेंसी तो इंडिया में आएगी ना, कम से कम जीएसटी ना से, लेकिन फॉरेन करेंसी का आना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। अब इन्होंने बोला कि एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी तो आएगा नहीं, लेकिन आपने एक्सपोर्ट करने के लिए पीछे जितना भी टैक्स पे किया है ना, पीछे जितना भी जीएसटी का पेमेंट किया है ना, कोई सामान खरीदा होगा तो जीएसटी दे के खरीदा होगा, तो वैसे तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि जब जीएसटी कमा के दोगे तभी हमको आपको आईटीसी देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में हम क्या करेंगे, आप फिर भी कमा के नहीं दे रहे, हम फिर भी आपको आईटीसी दे देंगे, फिर भी हम आपको आईटीसी दे देंगे, ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है यहां तक। अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सपोज करो ये एक पैन है, अब ये पैन जब मैं इंडिया में बेचता हूं ना, तो एग्जम्प्ट पैन है, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगता, तो इस पैन में क्या होता है कि मैं इस पैन में जितने भी इनपुट्स परचेज करता हूं, उस इनपुट्स पे जितना भी जीएसटी देता हूं, तो उसकी मेरे को क्रेडिट नहीं मिल पाती, क्यों नहीं मिल पाती, क्योंकि जब मैं बेचता हूं ना तो कोई जीएसटी कमा के नहीं देता मैं गवर्नमेंट को, एग्जम्प्ट सेल है तो जीएसटी तो कमा के देता नहीं, पीछे जितना भी मैं टैक्स दे के आया हूं जीएसटी का, उसकी मेरे को कोई क्रेडिट नहीं मिल पाती, ठीक है। लेकिन सपोज करो यही पैन जो कि इंडिया में एग्जम्प्ट है, अगर मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो, यही पैन जो कि इंडिया में एग्जम्प्ट है अगर मैं एक्सपोर्ट कर दूं तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया में टैक्सेबल है एग्जम्प्ट है। सर ऐसा पॉइंट क्यों बोला? अरे ऐसा एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि एक प्रोडक्ट है जो कि एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है, लैंग्वेज ऐसे लिखी हुई जो कि एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है और उसको एक्सपोर्ट किया तो क्या उसी क्रेडिट मिल जाएगी क्या? तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार एग्जम्प्ट प्रोडक्ट है तो क्रेडिट क्यों मिलेगी, अरे भाई उसको एक्सपोर्ट किया और इंडिया में एग्जम्प्ट है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, क्रेडिट मिल जाएगी उसको, ठीक है, समझ में आया, गेटिंग इट, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई करते हो तो भी आईटीसी मिलती है, और जीरो रेटेड सप्लाई करते हो तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है जी। अब आते हैं ब्लॉक रेट पे, ब्लॉक रेट क्या बोलता है, ब्लॉक रेट ही बोलता है कि इन इन ट्रांजेक्शन पे आपको क्रेडिट ही नहीं मिलेगी, इन इन ट्रांजेक्शन पे आपको क्रेडिट क्रेडिट ही नहीं मिलेगी, ये बोलता है ब्लॉक रेट। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, FOBSCL, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लीज रेंटिंग, हायरिंग ऑफ वेसल, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, देखो है क्या ये। इनने बोला कि अगर आपने कोई भी ऐसा खर्चा किया लाइक फूड एंड बेवरेजेस का, आप किसी के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, जैसे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ और मैं होटल में खाना खाने गया और होटल वाले ने जो बिल दिया, क्या मैं उसकी क्रेडिट क्लेम कर लूँ क्या? तो गवर्नमेंट मानती है भाई फूड एंड बेवरेजेस आपका पर्सनल खर्चा है, इसकी आप क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर मैंने तो बिजनेस में किया, तो भी क्रेडिट नहीं कर क्लेम कर सकते। क्रेडिट कब आप क्लेम करोगे इसकी मैं बताऊं, अगर आपका बिजनेस ही फूड एंड बेवरेजेस का है, आप खुद ही रेस्टोरेंट बिजनेस खोल के बैठे हो, तो आपके जितने भी इनपुट्स हैं तो आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भैया हम तो कंपनी किसी दूसरी चीज की खोल रखे हैं और पार्टी होस्ट करी, उस पार्टी में फूड एंड बेवरेज का खर्चा कर दिया, तो उसकी आईटीसी लेने नहीं जी नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आउटडोर केटरिंग, केटरिंग जैसे सपोज करो आपकी किसी की शादी हुई, आपने केटरिंग सर्विस ली और आप चाहो उसका बिजनेस में एक्सपेंस क्लेम कर लें, जीएसटी क्रेडिट क्लेम कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। ब्यूटी ट्रीटमेंट, सपोज करो आपकी शादी हुई, फिर आपकी वाइफ ने बोला चलो भैया ब्यूटी पार्लर चलते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है, उसकी भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है, लॉजिकल पॉइंट है। अब सपोज करो मैं ब्यूटी पार्लर ही खोल के बैठा हूं और मैंने जितने भी सामान परचेज किए, क्रीम व्रीम पाउडर जो भी परचेज किया, तो क्रेडिट मिल जाएगी क्योंकि मेरा धंधा है,
तो मिल जाएगी। पर मैं ब्यूटी ट्रीटमेंट, मैं कह रहा हूँ कि मेरी तो एक बिजनेस मीटिंग है बहुत बड़ी, मेरे को मोदी जी के साथ मिलना है, तो मेरे को है ना ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस चाहिए जिससे मैं अच्छा लगूँ, इंप्रेशन अच्छा लगे, है ना। मेरे को एक प्रेजेंटेशन देनी है भारत सरकार को, कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, फालतू की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज में जैसे आप अपने एम्प्लॉय के लिए इंश्योरेंस वगैरह करवा दिए, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिए, कोई मेडिकल का कुछ करवा दिए, हेल्थ सर्विसेज ली तो भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करवाई आपने, याद करो एग्जेम्पशन चैप्टर में हम पढ़े थे कि अगर कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी किसी जेनेटिकल डिफेक्ट के कारण हुई, किसी एक्सीडेंट के कारण हुई, तब तो वो एग्जेम्प्ट है ही, ठीक है। लेकिन कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी आपने नवाबी तरीके से करवाई, जैसे वीरेंद्र सहवाग है, उनको लगा कि अब बाल उगाने का सही समय है, उन्होंने बाल उगवा लिए। प्रियंका चोपड़ा ने लिप्स की सर्जरी करवाई, तो बोले तो अमीरों वाली हरकतें हैं, तो यहाँ पे टैक्स लगता है और इसकी कोई क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और थे वो भी लिख लो। लाइफ इंश्योरेंस, रेंट अ कैब, मैंने लिखवा रखे होंगे आपको, प्रिंट होने से रह गए थे एक दो पॉइंट। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, रेंट अ कैब लास्ट वाले एडिशन में जो था, इस वाले में लाइफ इंश्योरेंस पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। अगर जैसे कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज का लाइफ इंश्योरेंस करवाती है तो कोई क्रेडिट नहीं, और कोई कैब रेंट पे दी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस पे लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे कोई, ये इन सब पे क्या होगा, कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। ठीक है, ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट ने स्टेटरी ऑब्लिगेशन निकाल दिया, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मैंडेटरी है मेंबरशिप फीस ऑफ अ क्लब, क्लब की भी मेंबरशिप फीस पे कोई क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, क्लब इसमें लिखा हुआ है क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर मेंबरशिप फीस ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज पे कोई क्रेडिट नहीं मिलती है। पर अगर गवर्नमेंट ने स्टेटरी ऑब्लिगेशन का, ये जैसे सपोज करो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि एम्प्लॉयज के लिए कैब की सर्विसेज बहुत जरूरी है, फीमेल एम्प्लॉयज के लिए कंपनी के लिए कंपलसरी कर दिया कि आप कैब से छुड़वाओगे फीमेल एम्प्लॉयज को, वैसे रेंट अ कैब पे क्रेडिट नहीं मिलती, बट अगर गवर्नमेंट ने स्टेटरी ऑब्लिगेशन है तो मिल जाएगी। स्टेटरी ऑब्लिगेशन है कि एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाओ तो क्रेडिट मिल जाएगी। तो जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े ना, अगर स्टेटरी ऑब्लिगेशन कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो हमने क्या पढ़ा, फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, रेंट अ कैब, लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, इन पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लब हेल्थ फिटनेस सेंटर मेंबरशिप फीस ट्रेवल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज एंड वेकेशन, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी इन सब। ठीक है, समझ में आया आपको। आगे पढ़ते हैं 17 सबसेक्शन 5, ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या ब्लॉक क्रेडिट में आएगा, क्या क्या नहीं। मोटर व्हीकल के किस में आते हैं, मोटर व्हीकल में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आ रहा है, पिकअप खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया, तब तो उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आ रहा है तो उसको क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, बट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए आ रहा है तो क्या बोला कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे ज्यादा है। ठीक है, अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे, अगर मैं कहूं, देखना मेरी बात, अगर मैं ड्राइवर मिला के कहूँ इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो मैं बोलूंगा कि अगर सिटिंग कैपेसिटी 14 और उससे ज्यादा है, फिर अगर मैं बोलूंगा इंक्लूडिंग द ड्राइवर, अगर सिटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है विद ड्राइवर, तब तो आईटीसी अलाउड है, 13 तक है विद ड्राइवर तो नहीं मिलेगी। अगर सिटिंग कैपेसिटी क्या है, अप टू 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ड्राइवर सहित 13 तक सिटिंग कैपेसिटी है, और आपने कोई ऐसा व्हीकल परचेस कर लिया जिसमें सिटिंग कैपेसिटी 13 की है ड्राइवर की सीट मिला के, उसकी आईटीसी नहीं मिलेगी, और 13 से ऊपर है तो मिल जाएगी। ऐसा क्यों किया, गवर्नमेंट ये मानती है देखो भाई 13 से ऊपर कोई सीटिंग कैपेसिटी, कोई ट्रैवलर वगैरह परचेज कर ली, कोई बस परचेज कर ली, तभी बिजनेस पर्पज के लिए की होगी, कोई पर्सनल पर्पज के लिए तो की नहीं होगी। ब्लॉक क्रेडिट का बेसिक पर्पज ये था कि आप पर्सनल पर्पज के लिए किसी क्रेडिट को यूटिलाइज ना करो, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गई, फूड बेवरेजेस की हो गई, आउटडोर कैटरिंग की हो गई, है ना, तो आपके पर्सनल पर्पज है, आप इसकी क्रेडिट ना नहीं लो, मतलब गवर्नमेंट का पर्पज ये था। अब आपने कोई कार परचेज कर ली, बीएमडब्ल्यू परचेज कर ली, और आप चाहो कि उसकी क्रेडिट ले लें, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 तक है इंक्लूडिंग द ड्राइवर तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, लेकिन 13 से ज्यादा है इंक्लूडिंग द ड्राइवर तो आईटीसी मिल जाएगी। पर इन्होंने बोला कि 13 तक है विद ड्राइवर, वैसे तो नहीं मिलती लेकिन इन केसेस में मिल जाएगी। जैसे सपोज करो मेरा बिजनेस ही गाड़ियां बेचने का है, लेट सपोज मेरा एक शोरूम है एकेजी व्हील्स। एकेजी व्हील्स क्या करता है, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां बेचता है, 5 सीटर गाड़ियां, 10 सीटर गाड़ियां, 2 सीटर, 4 सीटर, है ना, तो उसकी आईटीसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बिजनेस है कैब चलाने का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, मेरा बिजनेस क्या है, कैब चलाने का, आईटीसी मिल जाएगी भाई, धंधा ही यही है, उसी से काम चल रहा है हमारा।
ड्राइविंग स्कूल चलाता हूं मैं, ये सब मैं करता हूं, तो क्या होगा, तो ITC मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ITC और नोटिफाइड सर्विसेज लाइक जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, लीज। अब मैं क्या कह रहा हूं सुनना, देखो तो हम ऐसे कह रहे हैं कि अगर हमने कोई ट्रक भाड़े पे लिया गुड्स ले जाने के लिए, क्या उसका ITC मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अगर हमने BMW भाड़े पे ली ऑफिस से घर आने के लिए, तो नहीं मिलेगी। अब आप समझ रहे हो, इसलिए ये वाला पॉइंट था ना मैं बता रहा था, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, तो ब्लॉक राइट है, ब्लॉक राइट है। ठीक है, अगर लेकिन अगर आपका बिजनेस रिलेटेड है, आप इससे बिजनेस कर रहे हो, तो फिर मिल जाएगी। क्लियर है? तो इन्होंने बोला कि अगर आपके ओरिजिनल व्हीकल पे ITC मिल रही है, जैसे लेट्स सपोज हमने बस परचेज कर ली, एम्प्लॉयज को घर तक छोड़ती है, ऑफिस लाती है, बस पे ITC मिल जाएगी। लेकिन हमने कार परचेज करी CEO के लिए, जो उसको घर तक छोड़ती है और फिर लाती है, उसको नहीं मिलेगी। बाप बोलोगे सर कार है तो बिजनेस पर्पज है, तुम लोग पागल हो। तुमको बोला कि गाड़ी से ही अगर बिजनेस हो रहा हो, गाड़ी बेच रहा हो, ट्रेनिंग कर रहा हो, गाड़ी में ड्राइविंग स्कूल सिखा रहा हो, या फिर कैब चलाता हो, तब तो मिल जाएगी। पर तुम बोलो कि अंबानी जी अगर BMW ले लिए 8 करोड़ की है ना, मर्सिडीज ले लिए, और फिर वो ऑफिस से घर आए, तो नहीं मिलेगी। आप बोलोगे बिजनेस के लिए काम में आ रही है, वो वाला बिजनेस नहीं करे मैं, आप उसको पर्सनल पर्पज के लिए भी तो काम में ले सकते हो, बिजनेस के नाम दिखा के ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान कर लेगा ये काम फिर। ठीक है, समझ में आया, गेटिंग इट। चौपर ले लिया, जैसे मान लो किसी ने एयरक्राफ्ट ले लिया, बोले अब जेट ले लेते हैं, बिजनेस के काम में आएगा। सरकार के पास नहीं है इतना पैसा देने के लिए क्रेडिट, सरकार बोलती छोटी मोटी क्रेडिट ले लो आप हमसे, मोबाइल मोबाइल इन सब पे, लैपटॉप वैपटॉप, थोड़े दिन बाद हम वो भी बंद कर देंगे भाई, अभी ये नहीं देंगे व्हीकल व्हीकल पे क्रेडिट हम आपको। ठीक है जी, समझ में आया। तो इन्होंने बोला कि अगर आपको ओरिजिनल व्हीकल पे क्रेडिट मिल गई, बस पे क्रेडिट मिल गई जैसे सपोज, तो उसके रिपेयर पे भी मिल जाएगी आपको, उसके इंश्योरेंस पे भी मिल जाएगी, सब पे मिल जाएगी। ओरिजिनल व्हीकल पे मिल गई तो उसके सब चीज पे मिल जाएगी। अगर ओरिजिनल व्हीकल पे क्रेडिट नहीं मिल रही, जैसे सपोज करो ओमकार जी हैं जैसे हमारे, उन्होंने बोला कि देखो एक BMW परचेज किया, उससे ऑफिस घर, ऑफिस से घर जाता हूँ, घर से ऑफिस आता हूँ, बिजनेस के लिए काम आ रही है, तो आपने कहा कि उस पर क्रेडिट तो नहीं दोगे, पर उसका इंश्योरेंस करवाया उस पर दे दो, रिपेयर कराया उस पर दे दो, गवर्नमेंट बोली क्या चिंदी पना लगा रखा है, कोई ITC नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए जी, समझ में आया। अगर ओरिजिनल व्हीकल पे ITC मिलेगा तो इसके रिपेयर इंश्योरेंस पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे रखें, पढ़ लेना। आगे आते हैं ब्लॉक क्रेडिट पे। अच्छा सपोज करो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो हमने परचेज करा, जैसे पेन था, ये मैंने परचेज कर लिया, इस पे मैंने क्रेडिट क्लेम कर ली, ITC अवेल कर ली, पर अभी है ना खराब हो गया, अब ये बेच नहीं सकता, मेरे को फेंकना पड़ेगा इसको, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, या ये पेन चोरी हो गया, या डिस्ट्रॉय हो गया, चोरी हो गया, तो इस केस में ये जो क्रेडिट मैंने अवेल करी है ना, इसको वापस से रिवर्स करना पड़ेगा, वापस इसको आउटपुट। कुल मिला के बात क्या है, ये भी ब्लॉक क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट चोरी हो गया, गुम गया, डैमेज हो गया, जो अब बिक नहीं सकता, जिस पर अब GST नहीं आ सकता, GST नहीं आ रहा तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, ब्लॉक क्रेडिट हो गई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपके इमेजिनरी जितने भी डाउट हैं, मैं आपको सॉल्व करूंगा पर्सनल लेवल पे, यूट्यूब है ना, एक क्लास नहीं है, क्लास में तो अपन इंटरेक्शन रखते हैं, तो इसमें नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे आप। बिल्कुल बेशक पूछेगा, अपना जो ग्रुप है क्लास वाला, उसमें मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई बोल रहा सर कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, सामान दब गया, तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, रिवर्स करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो इन्होंने क्या बोला, सरकार बड़ी प्लेयर है, अभी आपको धीरे धीरे और समझ में आएगा। इन्होंने क्या बोला कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली, तो कोई ITC नहीं मिलेगी। है? क्यों नहीं मिलेगी? सपोज करो मैं कोई फैक्ट्री बनवा रहा हूँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके लिए मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज ली। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज मतलब जहाँ पे गुड्स का भी इन्वॉल्वमेंट है, सर्विस का भी। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई ये काम कर, तू बिल्डिंग बना, जो माल लगेगा वो भी तेरा, सर्विस भी तेरी, इसको बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, है ना, कंपोजिट सप्लाई का केस हो जाता है बेसिकली, इसको सप्लाई और सर्विस ही माना जाता है। जैसे कोई कोई कॉन्ट्रैक्टर है जो घर बना रहा है ना, तो उसमें गुड्स भी लगा रहा है, सर्विस लगा रहा है, लेकिन इसमें हम सप्लाई और सर्विस ही मानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपने फैक्ट्री बनाई 100 करोड़ रुपए की, बिजनेस के लिए बनाई, अब कोई फैक्ट्री में जाके चद्दर ओढ़ के सोऊंगा तो है नहीं खाट बिछा के, बिजनेस के लिए बनाई है,
गवर्नमेंट कहती है उस 100 करोड़ रुपए के इनपुट्स पे भी कोई क्रेडिट नहीं देंगे हम आपको। गवर्नमेंट ने प्रोविजन ऐसे ही बनाए हैं जिससे सरकार को ज्यादा क्रेडिट ना देनी पड़े, ठीक है, कोई ज्यादा क्रेडिट नहीं देनी पड़े। प्रोविजन जानबूझ कैसे बनाया, अभी आपको आईटीसी जब मैं अपोर्शनमेंट करवाऊंगा ना रूल नंबर 42 के अंदर, तब तो आप देखना। इन्होंने बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट, भले ही वो बिजनेस प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, तो भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है जी। अगर स्टेटरी ऑब्लिगेशन कहीं लिखा आ जाए तब तो दे देना, पर वैसे इन्होंने क्या बोला कि देखो हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी तो आईटीसी नहीं देते, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के केस में दे देते हैं। जैसे अगर आपने कोई फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल करी, अगर आपने कोई फैक्ट्री में मशीन इंस्टॉल करी तो हम आपको आईटीसी दे देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में देते हैं तो कैपिटल गुड्स हो गया, ठीक है, बट वैसे आईटीसी नहीं देते हैं हम कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। फिर बोलते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी में भी तीन चीजों पर आईटीसी नहीं मिलेगी, प्लांट एंड मशीनरी पे भी तीन चीजों पर आईटीसी नहीं मिलेगी। पहला क्या बोला इन्होंने, कोई लैंड एंड बिल्डिंग, कोई टेली कम्युनिकेशन टावर लगाया, जैसे सपोज करो वो टावर होते हैं ना टेली कम्युनिकेशन टावर, वो अगर आपने लगाया तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी टेली कम्युनिकेशन टावर पे। कोई पाइपलाइन बिछाई फैक्ट्री के बाहर तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी। अब क्यों ऐसा क्यों किया, अब आप देखना, टेली कम्युनिकेशन टावर महंगा लगता है, अच्छे खासे अमाउंट की क्रेडिट होती है, गवर्नमेंट ने बना कर दिया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब कोई बिल्डिंग है, महंगी महंगी बिल्डिंगें बनती हैं, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। कोई पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर बिछाई है, सपोज करो फैक्ट्री से नदी तक पाइपलाइन डाल दी 10 किलोमीटर की, करोड़ों रुपए खर्चा आ गया, अरबों रुपए का, गवर्नमेंट को कोई आईटीसी नहीं। पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर बिछाओगे तब ले लो, तब ले लो, कितनी सी बिछा लोगे, आधा किलोमीटर के बिछा लोगे, 1 किलोमीटर के बिछा लोगे, इससे ज्यादा क्या बिछा लोगे, कोई बात नहीं, तब तो ले लो आईटीसी। बड़ा खर्चा होगा तो कोई आईटीसी नहीं तुमको। तो पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, कोई आईटीसी नहीं है, ठीक है जी, समझ में आया आपको। चलिए जी, तो इतना आपको समझ में आया। फिर हमने देख लिया गुड्स चोरी वगैरह हो गए, फ्री सैंपल के फॉर्म में अगर आपने गुड्स दिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है जी। तो लैंड एंड बिल्डिंग, टेली कम्युनिकेशन टावर, पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर बिछाई तो कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाई तो उस पर आईटीसी मिल जाएगी फैक्ट्री के अंदर, कोई प्लांट एंड मशीनरी का स्ट्रक्चर लगाया जिसको ना, जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज का एक नीचे बेस होता है, तो इसी तरीके से एक मशीन होती है, मशीन का भी बेस लगाया आपने, स्ट्रक्चर लगाया, फाउंडेशन से अटैच किया, जमीन से फाउंडेशन बनाया मशीन लगाने के लिए, उस पर भी आईटीसी मिल जाएगी। मशीन पे तो मिलेगी मिलेगी, फाउंडेशन पे मिल जाती है, ठीक है। इतना हमने देख लिया भाई साहब, अब हम आते हैं रूल नंबर 42, एकदम बच्चा जैसा रूल है, आ जाओ, बच्चों वाला रूल है। रूल नंबर 42 क्या बोलता है, अलग ही खौफ है इस रूल का, पता नहीं क्यों रूल है। बस अभी फटाफट से अगले आधे घंटे के अंदर आपका रिवाइज रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, है ना, ठीक है जी। सपोज करो कि मैंने प्लास्टिक परचेज करा, प्लास्टिक को छोड़ो, चलो प्लास्टिक को लेते हैं, प्लास्टिक परचेज करा और उससे पेन बनाए, पेन टैक्सेबल है इंडिया में, क्या मेरे को क्रेडिट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, जो मैंने प्लास्टिक परचेज करा उसकी मेरे को क्या क्रेडिट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि टैक्सेबल आउटपुट है तो उसके रॉ मटेरियल की भी क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। सपोज करो मैंने प्लास्टिक परचेज किया, उससे पेन बनाया, और जो पेन इंडिया में एग्जम्प्ट है, पेन इंडिया में एग्जम्प्ट है, क्या क्रेडिट मिल जाएगी? आंसर इज नो, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक प्लास्टिक है, उससे मैंने दो पेन बनाए, एक टैक्सेबल पेन बनाया, एक एग्जम्प्ट पेन बनाया, मतलब मेरे पास जो इनपुट थे ना वो कॉमन थे, वो टैक्सेबल के लिए भी काम में आते थे और एग्जाम के लिए भी काम में आते थे। लेट्स सपोज मैंने प्लास्टिक पे 1,80,000 रुपीज का जीएसटी दिया था प्लास्टिक परचेज करने पे। अब ये जो मेरा पेन था ना टैक्सेबल वाला, इसका टर्नओवर था लेट्स सपोज 5 लाख, और जो एग्जाम वाला पेन था इसका टर्नओवर था 15 लाख। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भैया
अगर कंप्लीटली टैक्सेबल होता तो पूरी क्रेडिट मिल जाती, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होता तो कुछ भी नहीं मिलती, लेकिन अब प्लास्टिक टैक्सेबल पेन के लिए भी काम में आ रहा है और एग्जेम्प्ट पेन के लिए भी काम में आ रहा है, तो क्या करें? कितनी आईटीसी मिलेगी और कितनी नहीं मिलेगी? तो मैं अगर आपसे पूछूंगी कितनी आईटीसी डिसअलाउ होगी, कितनी नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलोगे? 1,80,000 इंटू 15 लाख डिवाइड बाई 20 लाख भाई, एग्जेम्प्ट डिवाइड बाई टोटल। इसका फॉर्मूला क्या बन गया? कॉमन क्रेडिट को अपोर्शनमेंट करने का फॉर्मूला क्या बन गया? नेट आईटीसी जितनी आईटीसी है इंटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ये फॉर्मूला बन गया भाई साहब। अब क्या इस फॉर्मूले में कोई ट्रिक लगानी पड़ी, कोई वैज्ञानिक चीज लगानी पड़ी, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी पड़ी, कोई रोबोटिक साइंस लगानी पड़ी? कोई दिक्कत नहीं हुई इस क्वेश्चन में, बस यही प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला था। कॉमन आईटीसी इंटू एग्रीगेट टर्नओवर एग्जाम सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, खत्म हो गया। ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आप। अब रूल नंबर 42 पढ़ते हैं। कुछ नहीं है आईटीसी, आईटीसी इज ऑल अबाउट कॉमन क्रेडिट को अपोर्शनमेंट करते रहो। बिल्कुल, अगर आपको एक देसी तरीके से क्वेश्चन करवाऊंगा, वो देसी तरीके से कभी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। ये अंग्रेजी तरीके हैं, देखो T1, T2, T3, C1, C2, ये विदेशी तरीके हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे आपको। आईसीआई भी देसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करता है, वैसे ही करेंगे अपन भी। पर ये अंग्रेजी तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, जिससे पता तो होना चाहिए कि बेसिकली है क्या ये। ठीक है, चलिए सुनना मेरी बात ध्यान से। इन्होंने क्या बोला कि अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे कॉमन क्रेडिट का, तो हमने देख लिया कॉमन क्रेडिट इंटू एग्रीगेट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, अपोर्शनमेंट ऐसे करेंगे। ठीक है जी, तो ये लोग पता क्या करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं। सपोज करो आपने कोई प्लास्टिक परचेज करा जिसपे आपने 1,80,000 रुपीज का जीएसटी दिया भाई साहब, और वो जो प्लास्टिक है ना वो टैक्सेबल के लिए भी काम में आता है और एग्जेम्प्ट के लिए भी काम में आता है। तो आप पता है क्या करोगे, आप एक बार तो पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर लोगे 1,80,000 रुपीज पे, फिर बाद में आप कैलकुलेशन करोगे भाई कितना अमाउंट डिसअलाउ होना चाहिए। तो आप देखोगे जैसे 1,80,000 की आईटीसी थी, 15 लाख डिवाइड बाई 20, तो इतना अमाउंट डिसअलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जैसे करोगे लेस सपोज 1,35,000 आएगा, इतना अमाउंट डिसअलाउ होना चाहिए, तो आप बोल दोगे 45,000 अलाउ होना था नेट। तो एक बार तो पूरी क्लेम कर लोगे, फिर उसमें से डिसअलाउ कर दोगे आप। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है जी, समझना मेरी बात ध्यान से। रूल नंबर 42 क्या बोलता है कि कॉमन क्रेडिट को अपोर्शनमेंट करना सिखाता है रूल नंबर 42। अब कॉमन तक, सबसे पहले कॉमन तक पहुंचे फिर अपोर्शनमेंट करेंगे, पहले कॉमन तक पहुंचे तो सही, तभी तो अपोर्शनमेंट करेंगे। तो अभी कॉमन तक आने की बात करती है, अभी ये कॉमन तक आने की, कॉमन तक कैसे आना है वो बताएगा रूल नंबर 42। चलिए जी, कॉमन तक कैसे आना है वो बता देगा, कॉमन क्रेडिट तक कैसे आना है। टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट एंड इनपुट, इन्होंने क्या बोला, जितनी भी क्रेडिट है ना उसको टी मान लो, जितनी भी क्रेडिट है ना उसको क्या मान लो, टी मान लो भाई साहब। पूरी क्रेडिट को आप क्या एज्यूम कर लो, टी एज्यूम कर लो। अब ध्यान से सुनना सभी लोग, एकदम मजा आ जाएगा। छोटा सा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है ही नहीं, बहुत आसान है ये चैप्टर ही, आसान है पूरा। टोटल इनपुट टैक्स को आपने क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है, इनपुट इनपुट सर्विसेज रॉ मटेरियल जितने भी आपने क्रेडिट है, टोटल जितने भी जीएसटी दे के आए हो ना, जितना भी जीएसटी दे के आए उसको टी मान लो। फिर उसमें से क्या बोला, T1, T2, T3 लेस करो। अब ये T1 क्या होता है, सपोज करो आपने जितना भी जीएसटी दिया ना उसमें से नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो भी आपने सामान खरीदा जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए था उसको T1 बोल दिया, उसको हटा दो, उसको हटा दो। जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम आ रहा था, कोई आपने इनपुट परचेज किया जो कंप्लीटली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा था, उसको भी हटा दो। और जो ऐसा कोई आपने इनपुट परचेज किया जिसपे आप जीएसटी देके आए हो, जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, जिस पे क्रेडिट नहीं मिलती। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी परचेज करी, जीएसटी देके आए कार पर वो ब्लॉक क्रेडिट है, आगे क्रेडिट नहीं मिलती, तो उसको भी हटा दो। तो टोटल आपने जितना भी जीएसटी दिया ना उसमें से T1, T2, T3 इसको लेस कर दो, जिसको हम क्या बोलते हैं, NEB, N नॉन बिजनेस, E मतलब एग्जेम्प्ट, B मतलब ब्लॉक क्रेडिट। क्योंकि ये जो एब्रीविएशन है ना T1, T2, T3 यही यूज करने पड़ेंगे, आईसीआई भी यही यूज करता है, क्वेश्चन में नहीं करने पड़ेंगे पर पता होने चाहिए, है ना? सुनना मेरी बात। तो ये क्या हो गया, NEB। NEB कैसे ध्यान रखना है, हमने क्लास में पढ़ा था निब्बा निब्बी निब्बी NEBI, NEBI है निब्बा, तो NEBI। ठीक है जी, नॉन बिजनेस
तो इन्होंने क्या बोला, टोटल क्रेडिट में टोटल जो जितना भी टैक्स दे के आए हो ना आप इनपुट, उसमें से एनईबी लेस कर दो। एनईबी लेस मतलब वो है कि उस पर 1 रुपए की भी क्रेडिट नहीं मिलती, ना तो नॉन बिजनेस पर्पज पे क्रेडिट मिलती है, ना एग्जाम सप्लाई पे क्रेडिट मिलती है, ना ब्लॉक क्रेडिट क्रेडिट मिलती है, तो हटा दो। देखो हमको सिंपल सा आना है कॉमन पे, कॉमन के बाद अपोर्शनमेंट करना है। तो टोटल में से कॉमन मतलब क्या होता है, वो ऐसा ऐसे इनपुट्स जो टैक्सेबल के लिए भी काम में आते हैं और एग्जाम के लिए भी काम में आते हैं, उसको कॉमन बोलते हैं। तो टोटल में से जिसपे बिल्कुल भी नहीं मिलती, नो क्रेडिट, जो कि T1, T2, T3 है, उसको हटा दो, ठीक है। और कॉमन में से जिसपे पूरी क्रेडिट मिल जाती है, भाई टोटल में से, सॉरी टोटल में से जिसपे पूरी क्रेडिट मिल जाती है, एक तो होता है फुल क्रेडिट, भाई कॉमन पे कैसे आएंगे आप बताओ, जिसपे कुछ नहीं मिलता वो भी हटा दो, जिसपे सब कुछ मिल जाता है वो भी हटा दो। तो टोटल में से जिसपे 1 रुपए की भी क्रेडिट नहीं मिलती, T1, T2, T3, वो भी हटा दो, और जिसपे पूरी क्रेडिट मिल जाती वो भी हटा दो। फिर क्या बच गया, देखो सुनना, आपने जितना भी टैक्स दिया उसको टी बोला। अब टी में से एन ई भी ऐसा इनपुट है जिसपे 1 रुपए की भी क्रेडिट नहीं मिलेगी, हटाओ उसको, ठीक है। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। टी माइनस T1, T2, T3, तो अब क्या बचा, ITC क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट, इसको हम बोलते हैं C1। टी माइनस T1, T2, T3, तो आता है C1। अब C1 में से T4 लेस कर देंगे। T4 क्या बोलता है, कंप्लीटली टैक्सेबल सप्लाई, ऐसा इनपुट आपने परचेज किया जो कंप्लीटली टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आता है, तो उसकी तो पूरी क्रेडिट मिल ही जाएगी ना, हमको तो कॉमन पे आना है ना। कॉमन मतलब क्या, जो टैक्सेबल के लिए भी काम में है और एग्जाम के लिए भी काम में है, ऐसा इनपुट दोनों के लिए काम में है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, टोटल में से जिसपे बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिल रही उसको भी हटा दो, जिसमें पूरी मिल रही है उसको भी हटा दो, तो जो बच जाएगा वो कॉमन ही तो बचा, जो बच जाएगा वो कॉमन ही तो बचा, समझ रहे मेरी बात भाई। जैसे सपोज करो 10 10 आम है आपके पास, 10 मैंगोज हैं। अब इन्होंने बोला कि भाई 10 में से 3 तो ऐसे हैं जो किसी को देने ही नहीं है, ठीक है, 5 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विपिन को देने हैं। अब क्वेश्चन में पूछा बताओ कॉमन कितने हैं जो सब में बटेंगे, हमने बोला कि भाई 10 टोटल मैंगो हैं, इसमें से 3 तो किसी को नहीं देने, 5 ऐसे हैं जो सिर्फ एक इंसान को देने, विपिन को, या किसी दो इंसान किसी को भी देने हैं ना, अब बताओ कॉमन कितने। तो आप बोल दो कि अब 2 बचे जो कॉमन है जो सब में बटेंगे, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। और है क्या, टोटल क्रेडिट ही है, ये T1, T2, T3 है जो जो बिल्कुल जिसपे 1 रुपए की भी क्रेडिट नहीं मिलनी, T4 बोलता है जिसपे पूरी मिलनी है, बचा क्या, कॉमन, खत्म हो गया मामला। अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट है क्या। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट वो एक अकाउंट है जो बताता है कि हमको ITC कितनी क्लेम करनी है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट का मतलब क्या है कि हमारे ITC हमको कितनी क्लेम करनी है, ठीक है, ठीक है जी। तो C1 वो अमाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, कैसे जी, देखो तो देखा जाए टोटल T में से T1, T2, T3 लेस कर देंगे तो C1 आ जाएगा। तो C1 के अंदर 2 एलिमेंट है, C1 के अंदर एक तो टोटल फुल्ली फुल्ली टैक्सेबल, एक तो फुल्ली टैक्सेबल, C1 के अंदर 2 एलिमेंट हो गए, एक ऐसा इनपुट हो गया जो फुल्ली टैक्सेबल के लिए काम में आ रहा है, और एक ऐसा इनपुट हो गया जो कॉमन के लिए काम में आ रहा है। C1 के अंदर 2 चीजें इंक्लूडेड है, तभी तो हम बोला था कि C1 में से T4 लेस कर देंगे, T4 मतलब फुल्ली टैक्सेबल, तो कॉमन आ जाएगा, समझे तुम लोग, C1 में से T4 लेस करें तो कॉमन आ गया। मतलब C1 है क्या, C1 वो अमाउंट है जो टोटल जितना भी हमने GST पे करा ना, जिसमें से T1, T2, T3 लेस कर दिया तो C1 आया। अब C1 के अंदर ऐसा इनपुट है जो फुल्ली टैक्सेबल के लिए भी काम में आ रहा है और कॉमन वाला भी काम में आ रहा है ना, तो C1 वो अमाउंट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्यों भेजा, मतलब C1 वो अमाउंट है जिसके हम ITC क्लेम करेंगे। देखो तो फुल्ली टैक्सेबल है तो ITC क्लेम करना वाजिब है, वो तो क्लेम करेंगे, फुल्ली टैक्सेबल तो ITC क्लेम करना ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और जो कॉमन वाला भी है ना, उसकी भी अपन एक बार तो ITC पूरी क्लेम कर लेंगे, एक बार तो पूरी ITC क्लेम कर लेंगे, इसलिए C1 में भेजा। फिर हम बाद में क्या करते हैं कॉमन का, वो कॉमन का जो फॉर्मूला था ना, नेट ITC इनटू एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, उससे हम फिर एग्जम वाला हिस्सा निकालते हैं और जितनी ITC हमने टोटल ले ली ना C1 में, फिर एंड में उसको लेस करते हैं, एंड में उसको लेस करते हैं। समझ में आ रहा है आपको, गेटिंग इट अ नॉट, समझ में आ रहा है हर्ष, थैंक यू सर जी फॉर द ऑसम रिविजन वीडियोज, योर रिविजन वीडियोज गिव कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है मेरे लिए, थैंक यू। बट ये पैसे वैसे मत भेजो हर्ष, आपने जो 100 रुपीज भेजे धन्यवाद, बट 1 रुपये भेजते तो भी उतना ही अच्छा लगता, ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ आपको, समझ में आया क्या, किस किस को एक बार इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया,
या रूल नंबर 42 है। 42 क्या बोलता है, टोटल टी माइनस, अब क्वेश्चन टी वन टी टू टी थ्री तरीके से नहीं होते, क्वेश्चन टी वन टी टू टी थ्री तरीके से नहीं होते, ठीक है, बट समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा फिर। और तो अभी हमने क्या देखा, टोटल क्रेडिट जितना भी हम टैक्स दे के आए उसको टी मान लो, टी वन टी टू टी थ्री क्या बोलते हैं, जिसपे 1 रुपए की क्रेडिट नहीं मिलती, सी वन वो अमाउंट है जो उसकी आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो, फिर सी वन में से अगर आप टी फोर लेस कर दोगे, टी फोर क्या बोलता है, टी फोर वो अमाउंट है जिसकी आपको पूरी क्रेडिट मिल जाएगी, तो फिर कॉमन आ जाएगा जिसको हम सी टू बोलते हैं। अब सी टू को हम अपोर्शनमेंट करेंगे, फिर सी टू का हम अपोर्शनमेंट करेंगे ऐसे। चलो जी अपन इतना देख लिया, अब देखना मेरी बात, अब हमने आपको क्या बोला कि जो नेट आईटीसी है या फिर मैं कहूं कॉमन जो आईटीसी है, इसको हम कैसे अपोर्शनमेंट करते हैं, नेट आईटीसी इंटू एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ऐसे ही करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जितना एग्जम वाला हिस्सा निकल के आएगा ना, उसको जो आपने आईटीसी सी वन में क्लेम करी थी ना, क्या सी वन में, उसमें से इसको लेस कर दोगे आप, तो हम बोल देंगे भाई हमने इतनी आईटीसी क्लेम करी थी, क्लेम हमने क्या कर दिया सी वन, सी वन के अंदर दो अमाउंट इंक्लूडेड थे, एक तो फुली टैक्सेबल एक कॉमन वाली, तो कॉमन में से एग्जम्प्ट वाला हिस्सा निकल के आ गया उसको हम लेस कर देंगे, तो बोल देंगे कि भैया अब नेट आईटीसी हमारे पास फाइनल ये बचेगी जो हम आईटीसी यूटिलाइज करने के लिए काम में ले सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट समझना, अब आप ध्यान से सुनना, इसका मतलब एक बात हुई कि एग्जम्प्ट टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतनी क्रेडिट डिसअलाउ होगी, एग्जम टर्नओवर जितना ज्यादा होगा उतनी ही क्रेडिट डिसअलाउ होगी, है कि नहीं, बिल्कुल। पर टोटल नेट आईटीसी जितनी है, सपोज करो मेरे पास नेट आईटीसी है 1,80,000 रुपीज की, एग्जम टर्नओवर है लेट्स सपोज 5 लाख और टोटल टर्नओवर है 15 लाख, अब यही मैं एग्जम टर्नओवर 15 लाख कर दूं तो फिर और आईटीसी ज्यादा डिसअलाउ हो जाएगी, समझ रहे मेरी बात, कुल मिला के अगर एग्जम टर्नओवर 15 कर दूं और टोटल टर्नओवर 25 कर दूं तो एग्जम टर्नओवर डिसअलाउ ज्यादा होगा, तो न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा, ऊपर वाला अमाउंट जितना ज्यादा होगा उतनी आईटीसी डिसअलाउ होगी, मानते हो कि नहीं मानते भाई, न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतनी आईटीसी डिसअलाउ होगी, गेटिंग इट, इतना तो क्लियर हुआ। तो अब क्या हुआ, सरकार ने बोला जब बात न्यूमरेटर बढ़ाने की है ना, बात ऊपर वाला बढ़ाने की है, न्यूमरेटर बढ़ाने की है, तो हम न्यूमरेटर बढ़ा देंगे। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऐसा बोला, जैसे याद करो क्लास में मंत्री जी वाला एग्जाम्पल देखा था कि मंत्री जी जीएसटी डिपार्टमेंट में आए और ऑफिसर से पूछा, ये ऑफिसर ने फॉर्मूला ड्राइव किया, बोले नेट आईटीसी इनटू एग्जम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, तो मंत्री जी ने क्या बोला था कि बिटुआ इसका मतलब क्या हुआ, बिटुआ ई का मतलब क्या हुआ कि एग्जम टर्नओवर जितना ज्यादा हुई, ये न्यूमरेटर जितना ज्यादा हुई उतना आईटीसी डिसअलाउ हुई। सरकार तो आईटीसी को डिसअलाउ ही तो करवाना चाहती है ज्यादा से ज्यादा, भाई आपको कम से कम आईटीसी मिले, बोले हाँ। तो अगला सवाल क्या था मंत्री जी का कि एग्जम टर्नओवर मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम टर्नओवर। तो ऑफिसर ने क्या कहा था, हमारा कौन सा ऑफिसर था, हमारा ऑफिसर नवीन खटोर, तो नवीन जी ने क्या कहा था मंत्री जी को कि सर जी जो एग्जम्पशन चैप्टर के हिसाब से एग्जम टर्नओवर होता है वही तो होगा, एग्जम टर्नओवर क्या होगा। मंत्री जी ने क्या बोला, बोले ऐसे तो बहुत कम एग्जाम टर्नओवर आएगा फिर तो, ऐसे तो बहुत कम एग्जाम टर्नओवर आएगा, हमने तो किसी को एग्जाम्पशन दे ही नहीं रखी, हम कहाँ को एग्जाम्पशन दे रहे हैं, हम तो विड्रॉ कर रहे हैं धीरे धीरे एग्जाम्पशन, एग्जाम्पशन चैप्टर छोटा करता जा रहे हैं हम तो एग्जाम्पशन तो कम बची है तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो मंत्री जी ने कहा एग्जाम टर्नओवर मैं बताता हूँ कैसे निकालना है, नवीन जी सोच रहे हैं क्या बताएंगे मंत्री जी, कुछ आधा ज्यादा तो है नहीं मंत्री। मंत्री जी ने कहा देखो जो एग्जम्पशन चैप्टर के हिसाब से एग्जाम टर्नओवर है वो तो है ही है ना, उसके अलावा तीन चीजें और ऐड कर लो, एक तो क्या आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, ये आप एग्जाम टर्नओवर में जोड़ो। भाई नवीन जी क्या कह रहे हैं, भाई साहब कैसी बात करो मंत्री जी, आरसीएम की जो आउटवर्ड सप्लाई है ना उस पर रिसीवर टैक्स देगा, एग्जाम कहाँ हुआ, भाई रिसीवर टैक्स देगा तो सही। मंत्री जी कह रहे हैं जितना कह रहे हैं उतना सुन, ठीक है, ज्यादा पंच मत पर, मंत्री हमें तुम अफसर, यही रीजन है कि तुम अफसर हो और हम मंत्री हैं, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई ऐड करो इसमें। हमने कहा ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग कस्टम ड्यूटी वैल्यू ऐड करो, बड़े बड़े सामान ऐड करवा दिए। भाई ये कह रहा नवीन जी लैंड एंड बिल्डिंग तो जीएसटी से बाहर है, आप क्या कर रहे हो इसको एग्जाम टर्नओवर में ऐड कर रहे हो, कर क्या रहे हो आप। फिर क्या बोला था मंत्री जी ने नवीन जी को कि ज्यादा बोलोगे तो हमारी भैंसिया की पूंछ से बांध के पूरे शहर में घुमाएंगे, चुपचाप सुन लो जो कह रहे हैं।
इलॉजिकल चीजें हैं जो फालतू में ऐड करवाई हैं, जिनका कोई लॉजिकल नहीं है, सिर्फ इसलिए ऐड करवाई हैं जिससे एग्जाम टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा बढ़े और ज्यादा से ज्यादा आईटीसी डिसअलाउ हो। चलो, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई, लैंड एंड बिल्डिंग जो कि जीएसटी से बाहर है लेकिन ऐड करवा दी उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, प्लस सेल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज शेयर्स डेरिवेटिव्स कुछ भी, सेल ऑफ सिक्योरिटीज 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन, जितने में आपने बेची ना उसका 1%, 1 करोड़ के शेयर्स बेचे तो उसका 1%, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन। सिक्योरिटीज भी जीएसटी से बाहर है, मंत्री जी ने कहा ऐसे ही होगा। ठीक है, और ज्यादा कुछ बोलोगे तबादला करवा देंगे, पड़े रहना जंगल में। ठीक है जी, तो एग्जाम टर्नओवर में 3 चीजें ऐड होंगी अपन ने देखा। अब एग्जाम टर्नओवर में हमने क्या देखा, जो एग्जम्पशन चैप्टर के हिसाब से एग्जाम टर्नओवर है वो तो है ही। अच्छा, एग्जाम सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई, निल रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होती है। ठीक है, एग्जाम सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई निल, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, नॉन टैक्सेबल हो गए, ये भी एग्जाम टर्नओवर में आते हैं। अब आप बोलोगे क्यों आते हैं, देखो समझना। सपोज करो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पे मैंने जीएसटी दिया 1,80,000 रुपीज का, एग्जाम सप्लाई में नॉन टैक्सेबल क्यों इंक्लूड करते हैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। अब जैसे प्लास्टिक पे मैंने जीएसटी दिया 1,80,000 रुपीज का, मैं प्लास्टिक से क्या करता हूँ, एक पैन बनाता हूँ जो कि टैक्सेबल प्रोडक्ट है और जिसका टर्नओवर है 5 लाख रुपीज, एक पेंसिल बनाता हूँ जो कि एग्जम्प्ट है और जिसका टर्नओवर है 8 लाख रुपीज, और मैं प्लास्टिक से पेट्रोल बनाता हूँ, सर प्लास्टिक से पेट्रोल हमें बनाता हूँ मेरा मन है ना, वो जो कि नॉन टैक्सेबल है जीएसटी में, और उसका टर्नओवर कितना है, उसका टर्नओवर है आपका 7 लाख रुपीज। ठीक है, पेट्रोल बनाता हूँ प्लास्टिक, ठीक है जी, पेट्रोल या अल्कोहल कुछ भी बनाता हूँ मेरा मन, अल्कोहल बनाता हूँ मैं प्लास्टिक से। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कितनी आईटीसी मिलेगी और कितनी डिसअलाउ होगी। तो जाहिर सी बात है ना, 1,80,000 इंटू 8 + 7 मतलब 15 लाख की आईटीसी डिसअलाउ हो जाएगी। भाई जितना टैक्स तो 5 लाख पे आ रहा है ना, तो 5 लाख ही तो अलाउ होगा। अब आप समझे कि नॉन टैक्सेबल को एग्जम्प्ट सप्लाई में क्यों इंक्लूड करा, भाई फॉर्मूला में हमने ऐसे लिख दिया कि कॉमन क्रेडिट इंटू एग्जम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, पर एग्जम्प्ट का मतलब डीम्ड है कि उसमें नॉन टैक्सेबल भी आ गए। क्यों आ गए, अब आप समझे, क्योंकि भाई इस पे तो कोई टैक्स आ नहीं रहा तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसको भी ऐड कर दिया। ठीक है जी, ठीक है, तो एग्जाम सप्लाई एज पर एग्जामेशन चैप्टर उसके अंदर नॉन टैक्सेबल नल रिलेटेड जितने भी आ गए, आरसीएम के आउटवर्ड सप्लाई, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग और सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%, ये सब क्या होंगे, एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड होंगे। क्यों ऐड किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आईटीसी डिसअलाउ कर सके सरकार। अब इन्होंने क्या बोला मंत्री जी ने, छोटी छोटी चीजें हम लेस भी कर देते हैं जिससे जनता को बोल सकेंगे कि देखो हमने एग्जाम टर्नओवर के अंदर ये चीजें हटाई। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, अब इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एग्जम्पशन चैप्टर में एग्जम्प्ट होता है, पर मंत्री जी का नहीं, हम इसको एग्जाम टर्नओवर में नहीं लेंगे। अगर हमने इसको एग्जाम टर्नओवर में लिया, हमारे देश के व्यापारी भाइयों को क्या होगा, हमारे देश के व्यापारी भाइयों को इंटरेस्ट के कारण ज्यादा से ज्यादा, अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो फिर क्रेडिट ज्यादा डिसअलाउ हो जाएगी, ठीक है, आईटीसी डिसअलाउ ज्यादा हो जाएगा, तो हमारे देश के व्यापारी भाइयों को नुकसान ना हो, इसलिए हमने जो इंटरेस्ट चिंदी सा जो आप लोग बैंक से कमाते हो ना, लैंड एंड बिल्डिंग तो क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग तो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो गए, इंटरेस्ट चिंदी सा अमाउंट का जो कि लेस कर दिया। इन्होंने क्या बोला, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस ये हम एग्जाम वैसे एग्जाम है लेकिन हम एग्जाम टर्नओवर में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अगर जोड़ेंगे हमारा दिल जलेगा, अगर हमारे व्यापारी भाई हैं उनका नुकसान होगा। तो ये बढ़िया काम आ गए स्पीच देने के लिए, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस इन्होंने क्या बोला, वैसे एग्जाम है पर हम एग्जाम टर्नओवर में नहीं जोड़ेंगे, और एग्जाम टर्नओवर में ना जोड़ के जनता का ही फायदा हो रहा है देखा जाए। अगर आप एग्जाम टर्नओवर में जोड़ रहे हो आईटीसी चैप्टर में तो नुकसान है, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा डिसअलाउ करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, मंत्री जी भी लाइक ये तो धोती खोल रहा है, सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। ड्यूटी स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, एफटीपी के अंदर आप देखोगे अगर आपने ड्यूटी स्क्रिप्ट्स बेचे, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स अगर आपने बेचे, बेसिकली जब आप ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपको गवर्नमेंट कुछ ड्यूटी स्क्रिप्ट देती है, क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के जैसे पॉइंट्स होते हैं ना वैसे ड्यूटी स्क्रिप्ट होती है। तो ये काइंड ऑफ जब आप फ्यूचर में कभी इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी देने के बजाय आप इन पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हो। अब सपोज करो आप कुछ इंपोर्ट ही नहीं कर रहे तो आप ड्यूटी स्क्रिप्ट बेच दो किसी को कि भैया हम तो हमारे तो पॉइंट्स काम आ नहीं रहे, आप ही काम में ले लो, आप बड़े एक्सपोर्टर हो आप इंपोर्ट कम करते हो, अब ड्यूटी स्क्रिप्ट बहुत इकट्ठे हो गए आपके,
आपने कहा कहाँ से रिडीम करें, किसी को बेच देते हैं, तो आपने ड्यूटी स्क्रिप्ट बेच दिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो इस पे क्या आता है, जीएसटी नहीं लगता, एग्जम्प्ट है। बट मंत्री जी ने कहा इसको भी हम एग्जम्प्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब आप देखो ड्यूटी स्क्रिप्ट 100 में से एक भी बिजनेसमैन के पास नहीं होते होंगे, तो ऐसे ऐसे आइटम लेस करें जो होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत कम अमाउंट के होते हैं। थर्ड वाला पॉइंट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन इन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय वेसल, सामान इंडिया से इंडिया के बाहर जाता है, ठीक है, और उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ना वो जीएसटी में एग्जम्प्ट होता है। बट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला, वैसे एग्जम्प्ट पता है कब तक होता था, 30 सितंबर 2022 तक, पढ़ा था ना अपन ने कि अगर आप कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो वैसल से तो 30 सितंबर 2022 तक एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एग्जम्प्ट होती थी, तो वो एग्जम्प्ट था 30 सितंबर 2022 तक। तो उन्होंने बोला हम इसको भी एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। कुल मिला के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट तो काम भी नहीं आता, ड्यूटी स्क्रिप्ट और ट्रांसपोर्टेशन बस पहला ही काम में आता है, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। तो हमने क्या देखा कि एग्जाम टर्नओवर आईटीसी चैप्टर के हिसाब से क्या होगा, जो एग्जम्पशन चैप्टर है उसके हिसाब से तो जो होता है वो था ही, नील रेटेड नॉन टैक्सेबल तो जोड़ना ही है, साथ में आरसीएम के आउटवर्ड सप्लाई, लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सिक्योरिटीज का 1%, और क्या क्या इंक्लूड नहीं करना आपको एग्जाम टर्नओवर में, ये तीनों चीजें इंक्लूड नहीं करनी है आपको एग्जाम टर्नओवर, ठीक है। हाँ सिर्फ वैसल है, ठीक है। अब एग्रीगेट टर्नओवर हमने बताया ना कि भाई फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर में क्या जोड़ोगे आप, तो टोटल टर्नओवर के अंदर आप टैक्सेबल जो टर्नओवर है वो तो जोड़ोगे, एग्जाम टर्नओवर है एज पर अबाउ चार्ट। अब इस चार्ट के हिसाब से जो एग्जाम टर्नओवर है ना वो भी जोड़ना है आपको, कैसे, आपको लैंड एंड बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्जाम टर्नओवर में ऐड किया है तो टोटल टर्नओवर में भी ऐड करना पड़ेगा, जरूरी है करना, क्योंकि पता चला न्यूमरेटर ज्यादा हो गया डिनोमिनेटर कम हो गया अगर आपने ऐड ही नहीं किया, तो करना जरूरी है। तो जो एग्जाम टर्नओवर में आता है वो तो टोटल टर्नओवर में आता ही आता है भाई, जो एग्जाम टर्नओवर में आता है वो तो टोटल टर्नओवर में आता ही आता है। तो क्या बोला इन्होंने कि भाई जो एग्जाम टर्नओवर में आया लैंड एंड बिल्डिंग आरसीएम के आउटवर्ड सप्लाई सेल ऑफ सिक्योरिटीज का 1%, वैसे हम नॉर्मल लाइफ में रजिस्ट्रेशन चैप्टर वगैरह आप देखोगे तो हम कहीं पे भी टोटल टर्नओवर में ऐड नहीं करते लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तो जीएसटी से बाहर है, आरसीएम के आउटपुट सप्लाई तो चलो वैसे भी टोटल टर्नओवर में आएगी क्योंकि हमारा टर्नओवर है, पर लैंड एंड बिल्डिंग सेल ऑफ शेयर सिक्योरिटीज 1%, पर ये हमको ऐड करना पड़ेगा टोटल टर्नओवर के अंदर भी। अब सवाल ये आता है कि जो आइटम आपने एक्सक्लूड किए जैसे इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट, ये एग्जाम टर्नओवर में तो नहीं आते पर टोटल टर्नओवर में ये भी आएंगे, क्योंकि टोटल टर्नओवर में सब आता है, टोटल टर्नओवर इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। तो टोटल टर्नओवर में क्या आ गया, आ गया एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या इंक्लूड होगा, एक तो टैक्सेबल टर्नओवर वो तो आएगा ही आएगा, एग्जाम टर्नओवर एज पर अबाउ चार्ट, और इन आइटम्स एक्सक्लूडेड इन एग्जाम टर्नओवर, जो एग्जाम टर्नओवर में एक्सक्लूड किया हमने आइटम्स, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन इंडिया टू आउटसाइड इंडिया बाय वैसे, वो भी हम क्या करेंगे इंक्लूड कर देंगे टोटल टर्नओवर में। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं है, क्लियर है तो एक क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, अपन ने क्लास में भी क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करी थी, इस क्वेश्चन को एक 45 मिनट दिए थे अपन ने, अभी 5 से 7 मिनट में खत्म करवा दूंगा। ये रूल नंबर 42 के क्वेश्चन है, 90% 10% क्वेश्चन रूल नंबर 43 के मिलेंगे आपको। क्या बोला इन्होंने, देसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, T1 T2 T3 की से कोई मतलब नहीं है हमको, ठीक है। किसी को डिटेल में क्वेश्चंस देखने के हैं तो मेरा एक यूट्यूब पे वीडियो है ना, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईटीसी, वो आप यहां से रिवाइज करो कॉन्सेप्ट्स और वहां पे क्वेश्चंस देख लो, धमाकेदार मजे आ जाएंगे आपको। ये वीडियो और वो लास्ट अटेम्प्ट का वीडियो, सर कोई अमेंडमेंट कोई चेंजेस नहीं है उन क्वेश्चन में जो मैंने करवाए हैं, ये क्वेश्चन देख लो आप, मजे आ जाएंगे आपको ना। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, ऑल इन वन स्टोर इज अ रिटेल चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल मेट्रो सिटीज अक्रॉस इंडिया। एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसका पूरे इंडिया में रिटेल चैन स्टोर है, बोथ एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स आर सोल्ड इन सच स्टोर, तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल गुड दोनों बेचते हैं इन स्टोर से। द स्टोर ऑपरेट इन रेंटेड प्रॉपर्टी, रेंटेड प्रॉपर्टी में स्टोर चलता है। कुल मिला के डिपार्टमेंटल स्टोर है जैसे डीमार्ट होता है ना, तो ये उससे टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड दोनों बेचते हैं और ये रेंटेड प्रॉपर्टी में चलते हैं, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऑल इन वन स्टोर पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, रेगुलर स्कीम के अंदर आते हैं। इन मुंबई द स्टोर ऑपरेटेड इन रेंटेड कॉम्प्लेक्स, रेंटेड कॉम्प्लेक्स में चलाते हैं मुंबई। अब मुंबई स्टोर की डिटेल्स दे रखी है आपको, अ पार्ट ऑफ विच, कोई लोग सोच रहे होंगे हमें तो आता है, नवाब मत बनो, ये ओवर कॉन्फिडेंस है जो डुबो देता है लोग, रिविजन इसलिए तो नहीं करते, आता है आता है आता है, रिविजन इज लेस लाइक आता है तो भी रिवाइज करो,
है, तो ऑल इन वन स्टोर पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम। इन मुंबई द स्टोर ऑपरेटेड इन अ रेंटेड कॉम्प्लेक्स, तो मुंबई स्टोर की डिटेल्स दे रखी है आपको और बोल रखा है कि भाई मुंबई स्टोर का डेटा निकालना है आपको, ठीक है जी। एक कोई कोई सा भी महीना दे रखा है फॉर अ मंथ, किसी भी मंथ के लिए हो सकता है, और मुंबई स्टोर का डेटा दे रखा है ऑल इन वन स्टोर का। एग्रीगेट वेरियस वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम्स सोल्ड, आपने ये आइटम्स बेचे, टैक्सेबल आइटम्स बेचे 42 लाख रुपीज के, एग्जम्प्ट सामान बेचे आपने 12 लाख रुपीज के, और आइटम्स नॉट लेवेबल टू जीएसटी 3 लाख रुपीज के। ये तो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दे रखी है आप, ठीक है जी। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन इस तरीके क्वेश्चन 14 मार्क के आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे वो है, आपसे 5 पॉइंट पूछे। पहले पॉइंट में पूछा आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट। अगर अपन T1, T2, T3 की बात करें तो उसके हिसाब से C1 वाला अमाउंट पूछ रहा है। C1 क्या बोलता था कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा अमाउंट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कौन सा अमाउंट जाता था, एक तो फुल्ली टैक्सेबल वाला जाएगा और एक कॉमन वाला जाएगा। कॉमन वाला एक बार तो पूरा चला जाता है, फिर बाद में जाके अपोर्शनमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर 2 अमाउंट जा रहे हैं, तो फुल्ली टैक्सेबल एक कॉमन वाला, ठीक है। पूछ रहा आईटीसी कितनी मिलेगी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितनी जाएगी। तो ये जो तीनों आइटम दे रखे ना पॉइंट नंबर वन में, ये तो आउटवर्ड सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई पे थोड़ी आईटीसी मिलती है, आईटीसी तो परचेज पे मिलती है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है, मुंबई वाला जो स्टोर है उसने एक, उनका एक गोवा में भी स्टोर है ऑल इन वन का, उसको कोई सामान दिए गोवा वाले स्टोर को, और गोवा वाला क्या करेगा, उन सामान को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, गोवा वाला उनको फ्री में बांटेगा। द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन द इनवॉइस फॉर सच आइटम इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपए वैल्यू दिखाई मुंबई वाले ने सामान की, 5 लाख रुपीज वैल्यू दिखाई मुंबई वाले ने सामान की। सच आइटम्स आर सोल्ड इन द मुंबई स्टोर एट 8 लाख रुपीज, सुनना मेरी बात, सीन क्या है भाई, मुंबई वाला स्टोर जो है वो गोवा वाले स्टोर को कोई सामान ट्रांसफर करना चाहता है 5 लाख रुपीज में, वैल्यू दिखाई इन्होंने कि वो मुंबई वाला 5 लाख रुपीज में ट्रांसफर करना चाहता है, और गोवा वाला इन सामान को एज अ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है। हमको वैल्यू निकालनी है मुंबई वाले के लिए, हम मुंबई वाले की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब गोवा वाला इस सामान को फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो क्या गोवा वाला आईटीसी क्लेम कर सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आईटीसी तो क्लेम नहीं कर सकता। तो हमने क्या देखा था कि जब आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को सामान ट्रांसफर करते हो तो आपके ऊपर रूल नंबर 28 लगता है वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर। और वो क्या बोलता है, वैल्यूएशन चैप्टर का रूल नंबर 28 बोलता है कि अगर आप अपने किसी रिलेटेड पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर कोई सामान ट्रांसफर करते हो और वो सामने वाला बंदा आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होता है, ठीक है, तो जो वैल्यू आप डिक्लेयर करते हो ना इनवॉइस की वही वैल्यू हम मान लेते हैं अगर वो सामने वाला बंदा आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर नहीं होता है तो फिर हमारा रूल लगता है ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक एंड क्वांटिटी का 90% और रूल 30 और 31। क्या इस वाले क्वेश्चन में गोवा वाला ब्रांच आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, आंसर इज नो। तो जो 5 लाख की वैल्यू आपने बताई क्या वो मानेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि जब आईटीसी लेंगे तो हम क्या वैल्यू मानेंगे, जो ओपन मार्केट वैल्यू वो मानेंगे, और क्वेश्चन में ओपन मार्केट वैल्यू दे रखी 8 लाख रुपीज। समझ में आया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, आउटवर्ड सप्लाई हो गई हमारी 8 लाख रुपीज की। तो ये तीन आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है पॉइंट नंबर वन में, दूसरे पॉइंट में 8 लाख रुपीज की आउटवर्ड सप्लाई आपको दे रखी, ठीक है जी। थर्ड वाले पॉइंट में आ जाते हैं, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोलता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम प्रोक्योर्ड फॉर बीइंग सोल्ड इन द स्टोर। खूब सर आपने सामान परचेज किया, इसकी डिटेल्स आपको दे रखी है। टैक्सेबल आइटम आपने परचेज किया 55 लाख रुपीज का, एग्जम सामान आपने परचेज किया 15 लाख रुपीज का, और जिसपे जीएसटी नहीं लगता वो परचेज किया 5 लाख रुपीज का। तो आईटीसी किसकी मिलती है भाई साहब, आईटीसी मिलती है टैक्सेबल सामान की। तो आपसे पहला सवाल में क्या पूछा गया, कितनी आईटीसी जाएगी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट के अंदर, टैक्सेबल सामान की आईटीसी जाएगी, कॉमन की जाती है और टैक्सेबल की जाती है, दो ही चीजों की आईटीसी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दे कि टैक्सेबल आइटम्स के लिए इसका मतलब माना जाएगा फुल्ली टैक्सेबल, क्वेश्चन स्पेसिफिकली लिख दे एग्जेम्प्ट है तो माना जाएगा कि एग्जेम्प्ट है, क्वेश्चन कुछ ना लिखे तो माना जाएगा कि कॉमन के लिए काम में आ रहा होगा, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, 55 लाख रुपीज पे जीएसटी की रेट क्या है, 18% जीएसटी की रेट है, और सीजीएसटी आईजीएसटी आईजीएसटी को अवॉइड करना है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। उसका मतलब 55 लाख का 18%, तो हमने डाला कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट जाएगा, पहला आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट, ठीक है लिख लेना अभी टाइम कम है। तो हमने क्या बोला, पहला टैक्सेबल आइटम्स परचेज, टैक्सेबल आइटम परचेज किए 55 लाख का 18%, मतलब 9,90,000 रुपीज का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। आगे देखो,
क्या एग्जेम्प्टेड गुड्स का क्रेडिट मिलेगा? आंसर इज नो। आइटम नॉट लेवेबल टू जीएसटी आईटीसी मिलेगा? आंसर इज नो। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल आइटम। अब आप सुनना मेरी बात ध्यान से। देखो मैं आपसे एक बेसिक से सवाल पूछता हूं। आपने जीटीए को पैसा दिया, अब आप जीटी को पैसा क्यों देते हो? कोई भी सामान लाने के लिए आप जीटी को पैसा देते हो, और जीटी को जो भी आप पैसा देते हो ना उस पर टैक्स लगता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको 5% की रेट से टैक्स लगता है आरसीएम में, आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने जीटी की सर्विस ली तो। मैक्सिमम क्वेश्चन में आरसीएम में 5% की रेट से। अगर आप जीटीए से टैक्सेबल गुड्स लाए तो क्या आपको क्रेडिट मिल जाएगी? आंसर इज यस, मिल जाएगी। अगर आप जीटीए से एग्जम्प्ट गुड्स लाए या नॉन टैक्सेबल गुड्स लाए तो क्या क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज नहीं, क्रेडिट नहीं मिलेगी। बट चाहे आप जीटीए से टैक्सेबल गुड्स लाओ चाहे आप जीटीए से एग्जम्प्ट गुड्स लाओ, जीटीए का टैक्स तो लगेगा ना 5% से। जो आपने जीटीए की सर्विस ली उसका तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना 5%। अगर आप जीटीए से टैक्सेबल सामान लाओगे तो उसकी क्रेडिट ले लो, नहीं लाए अगर एग्जम्प्ट लाओगे नॉन टैक्सेबल लाओगे तो क्रेडिट मत लो। और जीटीए की जो आपने सर्विस ली चाहे टैक्सेबल के लिए ली चाहे एग्जम्प्ट के लिए ली चाहे नॉन टैक्सेबल के लिए, उसका तो टैक्स आपको आरसीएम में देना ही पड़ेगा। ठीक है, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा। अगर आप जीटीए से टैक्सेबल आइटम्स परचेस करो, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है टैक्सेबल आइटम्स है, 1 लाख रुपीज आपने क्या करा जीटीए को पे करा और जीटीए पे 5% की रेट से टैक्स पे हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, इनवर्ट सप्लाईज है, आप ही को पे करना है आरसीएम, तो जीटीए की क्या क्रेडिट मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि टैक्सेबल आइटम्स आ रहे हैं, 5000 क्रेडिट मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 5 और 6 में हमने जीटीए को पेमेंट करा नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्ट गुड्स के लिए तो उसकी हमको क्रेडिट नहीं मिलेगी 80,000 और 20,000 रुपीज पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 7, मंथली रेंट पेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स के लिए मंथली रेंट पे किया 5,50,000 रुपीज का, लेकिन साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस अवेलेबल इज यूज फॉर पर्सनल रेजिडेंशियल पर्पस। उसमें से 1/3 जो स्पेस है ना वो पर्सनल के लिए काम में आएगी, मतलब 2/3 बिजनेस के लिए काम में आ रही है, 2/3 बिजनेस के लिए काम में आ रही है। तो आईटीसी कितने की मिलेगी? 5,50,000 के 2/3 की आईटीसी मिल जाएगी और 18% की टैक्स रेट है। तो 5,50,000 का 18% करेंगे तो इट विल कम 99,000, 2/3 करेंगे तो 66,000 की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, तो रेंट, रेंट की क्रेडिट कितनी मिल गई? अभी T1, T2, T3 छोड़ दिया अपन ने, अपन तो सिर्फ ये बोल रहे हैं देसी तरीके से निकाल रहे हैं कि इस भाई को क्रेडिट कितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, 66,000 क्रेडिट मिल गई। एक्टिविटी ऑफ पैकिंग द आइटम्स, अब आइटम्स की पैकिंग कर रहा है ये, 2,50,000 रुपीज पैकिंग वाले को पे करें, इसकी भी क्रेडिट मिल जाएगी भाई, बिजनेस का खर्चा है। ठीक है, तो 2,50,000 का 18% कितना आ रहा है? 2,50,000 का 18% देख लीजिए आप, पैकिंग 2,50,000 का 18% 45,000। ठीक है, आगे बढ़ो, स्टाफ को सैलरी दी क्या इसकी क्रेडिट मिलेगी? नहीं, ये ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है। जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, इसकी भी क्रेडिट नहीं मिलेगी। रेंट अ कैब भी ब्लॉक क्रेडिट में आ जाता है, और जीएसटी पेड ऑन फ्री सैंपल, फ्री सैंपल की बुक क्रेडिट नहीं मिलती, सब ब्लॉक क्रेडिट के पार्ट है, आप पढ़ लेना 9, 10, 11, 12 है ना। तो टोटल क्रेडिट कितनी मिल गई आपको? 9,95,000 प्लस 66,000 प्लस 45,000, इट विल कम 11,06,000 रुपीज की आपको आईटीसी मिल गई। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या हमने T1, T2, T3 किया? आईसीआई ने दो मैथड से क्वेश्चन किया है, जो T1, T2, T3 से क्वेश्चन कर लिया आईसीआई ने, जो कि बहुत लंबा है, और एक आईसीआई ने देसी तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। देसी तरीका क्या है ये देखो, कहाँ है देसी तरीका? किया तो है आईसीएन, इतना तो मुझे याद है, ये रहा अल्टरनेटिव 9,90,000 और ये 11,06,000, ये देसी तरीका है। T1, T2, T3 का कॉन्सेप्ट छोड़ो, ऐसे निकाल लो डायरेक्टली, बट जो बिजनेस वाला है उसकी क्रेडिट ले लो, जो नॉन बिजनेस वाला है उसकी मत लो, है ना जी। पहला सवाल हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कॉमन क्रेडिट कितना है, कॉमन क्रेडिट कितना है? तो कॉमन क्रेडिट कैसे निकालते हैं? हमने अभी C1 निकाला है, अब इसमें से अगर हम टैक्सेबल वाला लेस कर दें, C1 माइनस T4, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितनी आईटीसी गई है ना उसमें से फुल्ली टैक्सेबल वाला लेस कर दें तो कॉमन वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है,
ठीक है, हमने क्या देखा, 11,06,000 क्या है, C1 है जिसके अंदर कॉमन भी इंक्लूडेड है और टैक्सेबल भी इंक्लूडेड है। इतनी क्रेडिट हमने इलेक्ट्रॉनिक लेजर अकाउंट में डाल दी। अब अगर आप इसमें से T4 लेस कर दोगे, T4 मतलब फुल्ली टैक्सेबल, T4 छोड़ो ना तुम देसी तरीके से आओ, 11,06,000 में अगर तुमने फुल्ली टैक्सेबल लेस कर दिया तो कॉमन नहीं आ जाएगा क्या? क्योंकि इसके अंदर दो अमाउंट इंक्लूडेड है, कॉमन भी और फुल्ली टैक्सेबल भी। और फुल्ली टैक्सेबल वाला अमाउंट कितना है तो देखो, एक तो 55 लाख रुपीज का इनपुट जो था वो फुल्ली टैक्सेबल था, 9,90,000 की क्रेडिट दी थी जिसपे हमने, और एक GTA की क्रेडिट थी, GTA को 1 लाख रुपीज का पेमेंट किया था जो वो भी फुल्ली टैक्सेबल सामान के लिए किया था, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा टैक्सेबल आइटम्स। कुल मिला के 9,90,000 प्लस 5,000, 9,95,000 रुपीज का अमाउंट ऐसा था जो कि फुल्ली टैक्सेबल था, बाकी कहीं पे भी फुल्ली टैक्सेबल नहीं लिखा हुआ, बाकी कहीं पे भी फुल्ली टैक्सेबल नहीं लिखा हुआ। 9,95,000 लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, कॉमन क्रेडिट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, कॉमन क्रेडिट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो 111,000 क्या आ गई आपकी, कॉमन क्रेडिट आ गई। थर्ड पॉइंट क्या पूछा है आपसे, कॉमन में से एग्जेम्प्ट वाला कितना कितना है, तो अब आप देख लो, वो ITC अपोर्शनमेंट करना है, कॉमन क्रेडिट इंटू एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब कॉमन क्रेडिट कितना है, 111,000, एग्जेम्प्ट टर्नओवर कितना है, एग्जेम्प्ट टर्नओवर, टर्नओवर पे आना है अभी अपन को ना, तो 42 लाख प्लस 3 लाख, नहीं एग्जेम्प्ट टर्नओवर है 12 लाख प्लस 3 लाख, 15 लाख एग्जेम्प्ट टर्नओवर है, नॉन टैक्सेबल भी एग्जेम्प्ट टर्नओवर में आता है, अभी बताया था ना पेट्रोल वाला एग्जाम्पल लेके, 15 लाख आपका हो गया एग्जेम्प्ट टर्नओवर, और टोटल टर्नओवर कितना है, 42 प्लस 15 प्लस ये 8 लाख भी तो टोटल टर्नओवर है, 8 लाख भी तो टर्नओवर में इंक्लूड होगा आपका, सेल्स थी ना आपके आउटवर्ड सप्लाई, तो 65 लाख रुपीज का क्या हो गया आपका टोटल टर्नओवर हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 57 प्लस दिस 65 लाख रुपीज का टोटल टर्नओवर हो गया। तो इसमें से एग्जाम सप्लाई कितना आ गया, 111,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 65, ठीक है, वो निकाल दोगे तो वो आ जाएगा आपका कॉमन क्रेडिट, कॉमन में से एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर। फोर्थ पॉइंट पूछा है कि कॉमन में से अब ITC कितनी मिलेगी, तो देखो 111,000 की कॉमन थी, इसमें से एग्जाम वाला अगर आप लेस कर दोगे जो ये आएगा, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा ये ITC वाला आ जाएगा। फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो गया, ITC नहीं मिलेगी। और लास्ट वाले पॉइंट में क्या पूछा है कि नेट GST कितना देना है, नेट GST कितना देना है, तो देखो ITC कितनी मिली, 25,615 आपने लेस कर दिया कॉमन में से, तो नेट ITC कितनी हो गई, सिंपल सी बात है, देखो 11,06,000 की आपने टोटल क्रेडिट ली थी जिसमें से कॉमन भी था और कंप्लीटली टैक्सेबल भी था, तो कॉमन में से इतना अमाउंट 25,615 ऐसा अमाउंट है जो कि एग्जेम्प्ट के लिए जाता है, तो 11,06,000 में से अगर आप 25,615 लेस कर दोगे तो वो ये अमाउंट आ जाएगा जितनी आपको फाइनल ITC मिलनी चाहिए। पहले आपने 11,06,000 रुपये ली थी 11,06,000, लेकिन इसमें से आपको ये लेस करना है तो ये वो अमाउंट आ जाएगा जितनी आपको ITC मिलनी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, अब आप आओ फाइनल GST लाइबिलिटी बतानी है आपको, तो आपकी आउटवर्ड सप्लाई कितनी थी, देखो आउटवर्ड सप्लाई थी आपकी 42 लाख रुपीज का 18%, 12 लाख रुपीज पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, 3 लाख रुपीज पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, और 8 लाख रुपीज का 18%, कुल मिला के दो ही आउटवर्ड लाइबिलिटी है जिसपे आपका टैक्स लग रहा है, 42 लाख का 18%, 8 लाख का 18%, टोटल 9 लाख रुपीज की आपकी क्रेडिट है, और आपके पास इनपुट अवेलेबल है 10,80,000 रुपीज का, 11,06,000 माइनस 25,615, इतनी आपके पास क्रेडिट इतनी है जो आगे कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्रेडिट पड़ी हुई है, लेकिन GTA की लाइबिलिटी हमको RCM में पे करनी पड़ेगी जो आपको ध्यान रखना है। तो GTA के तीन अमाउंट थे, एक पे अपन ने क्रेडिट ले भी ली थी, तो तीनों की क्रेडिट क्या हो गई हमको RCM में पे करना पड़ेगा, RCM मतलब कैश लेजर से पे करना पड़ेगा आपको, तो ये 10,000 हमको कैश में पे करना पड़ेगा। किस किस को ये सवाल समझ में आया, आई नो इट वॉज बिट लेंदी बट रिविजन करवाना थोड़ा जरूरी था, डिटेल में जाना है तो वाला वीडियो देख लेना, क्लियर है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर है, अब एक क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, अच्छे से रिवाइज हो गया कम टाइम में, अभी तक जिसने वीडियो लाइक नहीं करा लाइक कर देना भाई साहब, याद आ गया सब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग जब ऐसे लिखते हो कि सब याद आ गया तो मेरे को खुशी मिलती है, चलो याद हो गया इनको, वरना खुद से पढ़ते तो टाइम लगा देते। ठीक है भाई साहब, आगे आते हैं, मिस्टर राजेश
नवीन खटोर जी, पहले दुख से रोना आता था इस चैप्टर में, अब खुशी से रोना आता। अरे क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन्स इन जयपुर। इनके एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है सुराना एंड सन्स नाम से जयपुर में, ठीक है जी। द रजिस्टर्ड द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जो फर्म है ना जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर थ्री टैक्सेबल प्रोडक्ट। फर्म क्या करती है? ये क्वेश्चन हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। हाँ तो सिंपल तरीके से तो करवाया मैंने, आईसीए ने भी वैसे ही करा है। अब राजेश राणा जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है ना जयपुर के अंदर, वो क्या करती है? तीन टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाती है, एम एन ओ, और जो टैक्स प्रोडक्ट एन था ना उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगता है। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब आपको क्वेश्चन दे दिया, पूरा डिटेल्स दे दिया आपको, इनपुट की आउटपुट जो भी डिटेल दे रखी है आपको, ठीक है। एंड में आपसे क्या पूछा है? एंड में आपसे पूछा नेट जीएसटी लाइबिलिटी बताओ, नेट जीएसटी लाइबिलिटी बताओ भाई। आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू नेट जीएसटी लाइबिलिटी। ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी पता है क्या होता है? आउटपुट सप्लाई को ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी बोलते हैं। नेट का मतलब क्या होता है? आउटपुट माइनस इनपुट, उसको बोलते हैं नेट जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। आपको अभी टर्नओवर की डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। आपको बता रखा है टर्नओवर ऑफ एम, टर्नओवर ऑफ एन जो कि रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, टर्नओवर ऑफ ओ दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, वो एक्सपोर्ट ऑफ ओ दे रखा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड मतलब आपने प्रोवाइड करी, ये भी आपके आउटवर्ड सप्लाई है, बिल्डिंग बेची, इंटरेस्ट मिला बैंक से, सेल ऑफ शेयर, लीगल सर्विसेज मिली, तो लीगल सर्विसेज रिसीव्ड, ये आपकी इनपुट सप्लाई है, रिसीव करी। ऊपर तक आप देखोगे तो सेल 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 ही है अभी तक, तो लीगल सर्विसेज आपने ली, इसका मतलब ये इनवर्ड सप्लाईज है। और आपको एक और दे रखिए, कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम आउटपुट सप्लाई की डिटेल दे रखी है, और आईटीसी की सप्लाई, आईटीसी का ट्रांजेक्शन नीचे नीचे दे दिया आप। इसमें आपको बोला कि आपने इनपुट 35 लाख का यूज किया था और इनपुट सर्विसेज 15 लाख रुपीज की यूज करी थी। इनपुट गुड्स पे जीएसटी के रेट है 12% और इनपुट सर्विसेज पे जीएसटी के रेट है 18%। तो आईटीसी कितना हो गया? 35 लाख का आपका 12% तो हो गया इनपुट पे आईटीसी, और 15 लाख का 18% हो गया इनपुट सर्विसेज पे आईटीसी, ठीक है। 35 लाख का 12% और 15 लाख का 18%, इतने की आपको आईटीसी मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है जी। और लीगल सर्विसेज की भी आपको आईटीसी मिल जाएगी, लीगल सर्विसेज आपने रिसीव करी है, ठीक है, ठीक है जी भाई साहब। लीगल सर्विसेज जो आपने रिसीव करी है वो प्रोडक्ट एम के लिए रिसीव करी है, मतलब कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट है लीगल, एम एम कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट है, उसके लिए आपने लीगल सर्विसेज रिसीव करी है, ठीक है। अभी तक आपको इतना डिटेल दे रखी है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या निकालना है, नेट जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं अपन? पहले आउटवर्ड सप्लाई माइनस आईटीसी, ठीक है। अब आउटवर्ड सप्लाई पे आ जाते हैं, टर्नओवर ऑफ एम, एम क्या है? गुड्स है, गुड्स पे टैक्स रेट 12% है, तो 14 लाख का 12% हो गया। टर्नओवर ऑफ एन, एन तो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो हमको नहीं करना, हमको आगे डैश लगा देना है। टर्नओवर ऑफ ओ, ओ पे 10 लाख का 12% कर देना, ठीक है जी। एक्सपोर्ट ऑफ एम विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, देखो एक्सपोर्ट दो तरीके से होता है, अगर एक्सपोर्ट पे टैक्स आ रहा है आईजीएसटी, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उन पे, जो इंडिया में जिनकी स्केट सिटी होती है, जिनको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती, तो एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लगा देती है। एक्सपोर्ट पे अगर आईजीएसटी आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, एक्सपोर्ट ऑफ एम विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, ठीक है, तो 2,50,000 रुपीज पर टैक्स आ जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक्सपोर्ट पे 2,50,000 पे 12% टैक्स आ रहा है, तो बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है एक्सपोर्ट के बारे में, तो हम ये मानेंगे कि कोई टैक्स नहीं आया। क्वेश्चन में बोला है कि विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मानेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ एम अंडर आरसीएम, ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ एम अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, 10 लाख हो गया, ठीक है, 10 लाख हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ ओ अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, सुनना मेरी बात, इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो एलयूटी फाइल करके, बॉन्ड या एलयूटी, तो कोई टैक्स नहीं आता, आपको भी पता है। अब इसका डिटेल में जान सकते हैं, रिफंड चैप्टर के रिवीजन में देख लेना, मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। तो 10 लाख पे कोई टैक्स नहीं आएगा, नील, ठीक है।
आपने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करी किसी अनरिलेटेड क्लाइंट को जो कि फॉरेन में रहता हो और पैसा फॉरेन करेंसी के अंदर आया, तो ये एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट की 5 कंडीशन होती है, सप्लायर इंडिया के अंदर होना चाहिए, रिसीवर इंडिया के बाहर होना चाहिए, पैसा फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और बायर और सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए। पैसा फॉरेन करेंसी में आ रहा है, सप्लायर इंडिया का है, रिसीवर इंडिया के बाहर का है, ठीक है, प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, प्लेस सप्लाई के हिसाब से प्लेस सप्लाई आउटसाइड इंडिया बन जाएगी और ये अज्यूम किया जाएगा कि दोनों रिलेटेड नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं आएगा, 20 लाख रुपीज पे कोई टैक्स नहीं आएगा। आईसीए ने भी 5 कंडीशन 1-1 लाइन में लिख दी, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। अभी तक हम क्या निकाल रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई, कोई तकलीफ आई नहीं। 14 लाख पे टैक्स लगाया, 6 लाख पे लगेगा नहीं, आरसीएम में ओपे लगा दिया, 10 लाख पे, 2.5 पे लगा दिया, 10 लाख पे लगेगा नहीं, कंसल्टेंट सर्विसेज पे लगेगा नहीं, सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेची, बिल्डिंग पे कोई टैक्स लगेगा नहीं, बिल्डिंग तो जीएसटी से बाहर होती है। इंटरेस्ट एट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, एफडी बैंक में एफडी करवाई थी उसका इंटरेस्ट मिला, उस पर भी एग्जेम्प्ट होता है वो, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। शेयर्स बेचे उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और लीगल सर्विसेज रिसीव करी तो ये तो हमारी इनवर्ड सप्लाईज हैं, आउटवर्ड सप्लाई की बात कर रहे थे हम, तो हमने देख लिया भाई आउटवर्ड सप्लाई पे हमारा कितना टैक्स बनता है अभी तक। तो आउटवर्ड सप्लाई पे हमारा टैक्स बनता है 3,18,000 रुपीज़ का, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हमारा आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स आ गया, ठीक। और हमारे पास आईटीसी कितनी थी जी, आईटीसी एक तो हमारी 3,50,000 का 18% थी और एक थी 35 लाख का 12% और 15 लाख का 18%, है ना जी। तो 15 लाख का 18% तो 2,70,000 हो गया और 35 लाख का 12% हो गया 4,20,000, तो 4,20,000 प्लस 2,70,000 मतलब 6,90,000 रुपीज का आपके पास आईटीसी हो गया। और आपकी आउटवर्ड सप्लाई कितनी है 3,18,000 की। लेकिन अब एक बात ध्यान में रखना, आईटीसी में जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आप ये देख लेना कि जो आईटीसी है ना, आपने आपके पास आईटीसी है, कहीं ये कॉमन क्रेडिट तो नहीं, अगर कॉमन क्रेडिट हुई तो अपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। अब कॉमन का पता कैसे लगाएंगे, अब आप देखो कि एग्जाम टर्नओवर की डेफिनेशन चैप्टर के हिसाब से बच्चे यही गलती करते हैं 90% में, मॉक टेस्ट भी लिया है ना मैंने अभी, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि हर ऑल्टरनेटिव बच्चे ने मॉक टेस्ट लिया होगा, इतने मॉक्स मैं रोज कॉपी चेक करता हूँ, 10-15 रोज, ऐसा कुछ दिन जाता ही नहीं मेरा, ठीक है। बच्चे अपोर्शनमेंट में गलती करते हैं जी, तो आपको सबसे पहले यही देखना है क्वेश्चन कैसा भी टेढ़ा है कि जो आईटीसी अवेलेबल है ना आईटीसी क्वेश्चन में कहीं वो कॉमन क्रेडिट तो नहीं, तो आइडिया कैसे लगाएंगे आप देखो कि इस चैप्टर के अंदर 6,90,000 इस क्वेश्चन के अंदर 6,90,000 की जो क्रेडिट है एग्जाम सप्लाई है क्या कोई, देखो टर्नओवर ऑफ एन ये एग्जाम सप्लाई में आएगी, आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई 6 लाख एग्जाम सप्लाई में आएगी, और कोई एग्जाम सप्लाई में आता है, सेल ऑफ बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्जाम सप्लाई में आएगा, तो मतलब अभी एग्जाम टर्नओवर अगर निकालें तो कितना होगा 6 लाख प्लस 2.5 लाख डिवाइड बाय 2% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी होगी। इन्होंने बोला कि जो देखो इन्होंने क्या बोला है, 2% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 2.5 लाख रुपीज, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना हो गया 2.5 लाख डिवाइड बाय 2% दैट इज 125 लाख, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 2.5 लाख बीइंग 2% ऑफ वैल्यू, 2% ऑफ वैल्यू इज 2.5 लाख, तो एग्जाम टर्नओवर कितना हो गया 6 लाख, तो आरसीएम की आउटवर्ड सप्लाई थी प्लस 125 लाख ये हो गया। और देखो जी इंटरेस्ट जो मिला वो एग्जाम टर्नओवर में आता नहीं है, आपको भी पता है। सेल ऑफ शेयर्स, सेल कंसिडरेशन का 1%, 2.5 करोड़ के बेचे तो 2.5 लाख रुपीज हो गया सेल ऑफ शेयर्स, तो 2.5 लाख रुपीज हो गया सेल ऑफ शेयर्स। और देखो जी और तो कुछ एग्जाम टर्नओवर में है नहीं, टोटल टर्नओवर कितना हो गया, एग्जाम टर्नओवर कितना हो गया 133.5 लाख रुपीज हो गया एग्जाम टर्नओवर, 133.5 लाख रुपीज हो गया एग्जाम टर्नओवर, ठीक है जी। अब टोटल टर्नओवर कितना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है वो, कॉमन आईटीसी जो कि 6,90,000 है, 6,90,000 इनटू एग्जाम टर्नओवर जो कि 133.5 लाख रुपीज है डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। अब टोटल टर्नओवर में क्या क्या आएगा, 14 लाख भी आ जाएगा, 6 लाख भी आ जाएगा, 10 लाख भी आ जाएगा, 2.5 लाख भी आ जाएगा, 10 लाख सब कुछ आ जाएगा टोटल टर्नओवर में, ये 20 लाख रुपीज भी आ जाएगा, यहाँ पे 125 लाख आएगा, 125 लाख ना कि 120, क्योंकि एग्जाम टर्नओवर में भी तो 125 लिया था। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट, तो मैंने क्या कहा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एग्जाम टर्नओवर में नहीं आते, लेकिन अभी मैं आपको जब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन पढ़ाया था तो जो आइटम एग्जाम टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होते वो 3 आइटम वो भी टोटल टर्नओवर में आते हैं, तो 4 लाख रुपीज भी टोटल टर्नओवर में आ जाएगा। सेल ऑफ शेयर्स का 1% ही आएगा,
सेल ऑफ शेयर्स आई इसलिए रेंट टोटल टर्नओवर में क्योंकि वो एग्जम्प्ट टर्नओवर में है, वरना आते ही नहीं। तो 2.5 लाख रुपीज आ जाएगा। तो लीगल सर्विसेज तो रिसीव करी है, टर्नओवर थोड़ी है। तो एग्जम्प्ट टर्नओवर ये सारी सामान इसके अपन जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है जी, 194 लाख रुपीज आ रहा है। 194 लाख रुपीज क्या हो गया आपका, टोटल टर्नओवर हो गया 6,90,000 में से। इस ये कैलकुलेशन करोगे तो ये 6,90,000 कॉमन क्रेडिट है, जिसमें से ये पता चल जाएगा कितना कितना एग्जम्प्ट वाला टर्नओवर कितना है आपका। अपन ने क्या देखा, 474,820, इसमें से 474,820 ऐसा अमाउंट आ गया जो एग्जम्प्ट टर्नओवर के लिए है। तो कॉमन क्रेडिट कितनी थी, 6,90,000 माइनस 474,820, ये जो ITC आएगी आपके पास, प्लस आपने एक लीगल सर्विसेज की ITC ली थी, लीगल सर्विसेज रिसीव की थी कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए, उसको कॉमन में क्यों नहीं लिखी है हमने, क्योंकि लीगल सर्विसेज कॉमन के लिए नहीं थी। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट एम के लिए है लीगल सर्विसेज, तो कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए ली थी लीगल सर्विसेज। 3,50,000 का 18%, तो 63,000 रुपीज की क्रेडिट और आ गई थी। ये क्या आया था, 215,180 प्लस 63,000, तो फाइनल ITC आपके पास इतनी आ गई है। किसी को नहीं समझ में आ रहा, गो फॉर द एक्सप्रेस बैच, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि पहली बार में क्वेश्चन हो जाएंगे, तो नहीं होंगे फिर। और हम तो यूट्यूब पे 5 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट कराए थे, चलो वो है ना, उससे कुछ नहीं होगा। ITC में 50-60 क्वेश्चन है करने सारी। तो 278,180 आपके पास क्रेडिट हो गई, 278,180 क्रेडिट हो गई आपके पास फाइनली। अब आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी, 3,18,000, क्रेडिट कितनी थी 278,180 की। इतना आपको GST कैश लेजर से पे करना है, और लीगल सर्विसेज आपको RCM की इनवर्ट RCM से कैश लेजर से पे करना। लीगल सर्विसेज क्या है, RCM की है, तो कैश लेजर से पे करना होगा। इतना ये भी और इतना ये भी, टोटल लाइबिलिटी आ गया आपकी 1,02,820। समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक किसी, हर किसी को 1,02,820 क्लियर है ये, नहीं है, डन है। अब एक और क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। एक एग्जाम टर्नओवर के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि पता होना चाहिए आपको। टू पॉइंट फाइव लैख 194 लाख में से 2.5 लाख सेल ऑफ शेयर्स वाले इंक्लूडेड ना, 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन जो बोलते हैं वो है। एक क्वेश्चन था जिसके अंदर टोटल टर्नओवर के अंदर वैट और एक्साइज ड्यूटी भी लिखा हुआ था, तो मेरे को आपको ये बताना है कि वैट और एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड नहीं करना, कब कब करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, 45, ठीक है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या रिक्वेस्ट करूंगा, सुनना मेरी बात ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसे इस क्वेश्चन का आपको डिटेल वीडियो समझना है ना, तब तो मेरा वो ITC का एक 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो है, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 44 और 45 करवाया मैंने। ये एक ही क्वेश्चन है, RTP का आया हुआ क्वेश्चन था, वो डिटेल में तो वहां से देखना, लेकिन इसका एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या ये जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 20 किया ना, उसी का एडवांस वर्जन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी। आप एक चीज ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर है ना ऐसा लिखा हुआ है, कि सप्लाई ऑफ सिगरेट, सिगरेट बेची है आपने 1 करोड़ रुपीज की, जिसपे 28 लाख रुपीज का GST दिया आपने, 1 करोड़ की सिगरेट है। अब जो 1 करोड़ रुपए है ना सिगरेट का, उसमें से एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड है, इसमें से एक्साइज ड्यूटी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, इस अमाउंट के अंदर, समझ रहे हो मेरी बात। 1 करोड़ रुपए में से इन्होंने क्या किया है, 1 करोड़, देखो GST निकालने के लिए वैल्यू ऑफ सप्लायर में हम पढ़ते हैं कि सेक्शन नंबर 15 जो वैल्यूएशन का है वो ये बताता है
कि वैल्यूएशन के लिए सारे जितने भी टैक्सेस है ना जीएसटी के अलावा, वो सब हम ऐड कर देते हैं वैल्यू में, चाहे म्यूनिसिपल टैक्सेस हो, चाहे कोई एक्साइज ड्यूटी हो, कुछ भी हो, उन सबको टोटल करते हैं, वो जो फाइनल अमाउंट आता है उस पर जीएसटी लगाया जाता है। तो एक्साइज ड्यूटी मिला के देखो, जितना भी आपने सिगरेट बेची होंगी उसमें जितना भी एक्साइज ड्यूटी लगा होगा उसको मिला के आपने क्या किया, जीएसटी दे दिया। जीएसटी तो 28 लाख रुपए दे दिया आपने, लेकिन जब आप टर्नओवर निकालोगे ना तो उसमें से एक्साइज ड्यूटी का जो अमाउंट है वो हटा दोगे आप। टर्नओवर में से एक्साइज ड्यूटी का जो अमाउंट है ना वो आप हटा दोगे, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो जीएसटी के टर्नओवर में वैट का टर्नओवर, एक्साइज ड्यूटी का टर्नओवर, सीएसटी का टर्नओवर, ये इंक्लूड नहीं होता। अब आपको डिटेल में अगर जानना है तो मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, उसमें टाइम एक टाइम डला हुआ है, उसमें आप ये दोनों क्वेश्चन देख लेना, वरना इट इज विल बी मेयर रिपीटेशन ऑफ द थिंग्स, कुछ भी नहीं है आप, ठीक है? ये थोड़ा ध्यान में रखना। हमने एग्जाम टर्नओवर, टोटल टर्नओवर की डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन टर्नओवर के अंदर ही एक्साइज ड्यूटी वैट सीएसटी का टर्नओवर हम इंक्लूड नहीं करते। अब क्यों नहीं करते इसका डिटेल में हमने चर्चा करी है, उस वीडियो के अंदर आप देख लेना, ठीक है? आप कहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो हेल्प मिल जाएगी आपको, ठीक है? ठीक है जी। और मैंने उसमें जितने भी क्वेश्चन कराए ना वो देख ही जाना, मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सारे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? अब अपन बढ़ते हैं आगे, अभी 1 घंटे का और रिवीजन चलेगा, मतलब 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, ठीक है? कोई पूछ रहा है सर क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड पॉइंट क्लियर कर दो, सी वाला पॉइंट। आउट ऑफ 15 इनवॉइसेस एज पर अबाउट 12 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी ऑफ, देखो सिंपल सी बात यह है कि 15 इनवॉइसेस थे टोटल, उसमें से 12 ही अपलोड हुए हैं, तो जितने अपलोड हुए हैं उतने का एटीसी मिलेगा, समझ रहे हो मेरी बात? पर जितना जितने की डिटेल सप्लायर ने भर दी अपने रिटर्न में जीएसटी R1 में, उसी का डेटा तो रिसीवर के जीएसटी R2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो 12 इनवॉइसेस का आईटीसी ले पाएगा, 15 का नहीं ले पाएगा, ठीक है? चलिए, और बाकी मैं आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा, बाकी आप मेरे से पर्सनली पूछ लेना, बता दूंगा जो भी डाउट आप। मैं बता दूंगा। अब इधर अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस वाला वीडियो मैंने वो करवा रखा है, उसमें क्वेश्चन नंबर 30 भी है, वहीं से देख लेना, फिर भी नहीं आया तो मैं बता दूंगा, अभी टाइम कम है। अब हम अपने रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं, अपने रूल नंबर 42 तो कर लिया, रूल नंबर 42 तो कर लिया। अच्छा एक बात और, आईटीसी क्रेडिट अब वो कैसे करते हैं सेट ऑफ, आईटीसी क्रेडिट सेट ऑफ कैसे करते हैं, तो सुनना मेरी बात, जो फाइनल आंसर आएगा ना आपका, सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट यूटिलाइज होगी, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबसे पहले आईजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज होगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेके चलता हूँ, ध्यान से समझना। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, तीन अमाउंट दे रखे हैं आपको। सीजीएसटी की आपकी आउटवर्ड टोटल आउटवर्ड लाइबिलिटी पता है कितनी दे रखी है, लेट्स सपोज सीजीएसटी की आउटवर्ड लाइबिलिटी दे रखी है 1,20,000 रुपीज की, एसजीएसटी की दे रखी है 1,20,000 रुपीज की, और आईजीएसटी की दे रखी है आपको 2,80,000 रुपीज की आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है, और इनपुट्स जो है ना आपके पास वो है लेट्स सपोज सीजीएसटी की 80,000 की, एसजीएसटी की 50,000 की, और आईजीएसटी की आपके पास इनपुट्स हैं लेट्स सपोज 4,40,000 रुपीज की, ठीक है जी, है ना? या 4,10,000 रुपीज भी ले लेते हैं, नहीं उससे भी कम ही लेते हैं, लेट्स सपोज अपन ले लेते हैं 3,70,000 रुपीज की क्रेडिट है आपके पास, ध्यान से देखना इस एग्जांपल को। आउटवर्ड लाइबिलिटी आपके पास सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की 1,20,000, 1,20,000, 2,80,000, इनपुट दे रखी है 80, 50 और 3,70,000। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आईजीएसटी का सेट ऑफ करो, खुद का खुद से सेट ऑफ कर लेगा। अब आईजीएसटी के पास रिमेनिंग क्रेडिट कितनी बच गई, 90,000 रुपीज की रिमेनिंग क्रेडिट बच गई। अब सबसे पहले हमको आईजीएसटी को खत्म करना है, ऐसे नहीं करना कि सीजीएसटी का सबसे पहले सीजीएसटी से खत्म करना ना। अगर देखो आप ऐसे एग्जाम्पल में लेके चलो, आईजीएसटी क्या है, एक हस्बैंड है, सीजीएसटी क्या है उसकी मदर है, और एसजीएसटी क्या है उसकी वाइफ, ऐसे अज्यूम करो। अब देखो सबसे पहले हस्बैंड के पास जितने भी पैसे है ना, हस्बैंड को कुछ लाइबिलिटी पे करनी है, तो हस्बैंड अपने अकाउंट में देखेगा कितने पैसे, लेट्स सपोज हस्बैंड की लाइबिलिटी 2,80,000 रुपीज की और
उसके पास अकाउंट में पैसे थे 3,70,000 रुपीज, उसके पास ज्यादा पैसे थे, मतलब 90,000 रुपीज की अभी भी सेविंग है। अब सपोज करो, अब मदर और वाइफ है, उनकी भी कोई लाइबिलिटी थी 1,20,000, 1,20,000 रुपीज की। अब उनके पास भी पैसे पड़े हुए थे, लेकिन वो खुद के पैसे यूज नहीं करेंगी पहले। पहले वो मदर तो बोलेगी बेटे से तू दे, वाइफ बोलेगी हस्बैंड से आप दो, ठीक है? तो खुद के पैसे यूज नहीं करेंगे वो, पहले पहले उसका लेंगे वो। तो अब इन्होंने, इन दोनों, ये दोनों क्या देखेंगे कि भाई इसके पास तो 90,000 रुपीज पड़े हुए हैं, तो अब ये लोग इसको बोलेंगे चलो ये 90,000 हमको दो। अब 90,000 ये किसको कैसे देगा? अगर क्वेश्चन में ऐसे बोला है, लेट्स सपोज किसी को भी, किसी भी प्रोपोर्शनेट में दे सकता है, ऐसा नहीं कि पार्शलिटी करेगा मदर और वाइफ के साथ, दोनों को देने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में बोला है लेट्स सपोज कि एसजीएसटी लायबिलिटी शुड बी मिनिमम, एसजीएसटी लायबिलिटी शुड बी मिनिमम। अगर मान के चलो क्वेश्चन में ऐसे बोला है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा एसजीएसटी से यूटिलाइज करो क्रेडिट। ऐसा बोला है कि क्वेश्चन में कि आपको एसजीएसटी कम से कम देना है कैश में, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट सेटअप करो। अब जैसे सपोज करो क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि एसजीएसटी की लाइबिलिटी आपको कम से कम सेटअप करनी है, इसका मतलब आप सबसे पहले क्या करो, 1,20,000 पूरा एसजीएसटी को दे दो। फिर अगर क्वेश्चन में ऐसे बोले तो, कुछ नहीं बोल रहा तो हाफ हाफ दे देना। अब जैसे ये क्या करेगा, 90,000 थी ना, तो 90,000 पूरा का पूरा दे देगा एसजीएसटी को। गेटिंग इट? थोड़ा और बढ़ाते हैं इसको, इसकी क्रेडिट को बढ़ाते हैं, लेट्स सपोज 4,40,000 रुपीज, ठीक है? अब इसके पास कितना बचा हुआ है, 1,60,000 रुपीज बचा हुआ है, 1,60,000 रुपीज बचा हुआ है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, एज इट इज 1,60,000 में से 1,20,000 रुपीज तो वाइफ को दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसजीएसटी की लाइबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर जी वाइफ का तो 50,000 ऑलरेडी था, वो रहेगा उसके पास, हस्बैंड के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो हस्बैंड से लेगी, खुद के नहीं लेगी, तो वाइफ का 1,20,000 क्या कर लेगा, इसको दे देगा। अब इसके पास 40,000 बच गए, वो अपनी मदर को दे देगा सीजीएसटी को, ठीक है? अब फिर मदर क्या करेगी, मदर के 1,40,000 में, 1,20,000 में से 40,000 तो आईजीएसटी से दे दिए उसने। अब मदर को 80,000 रुपीज और यूज करने हैं, तो 80,000 की मदर के पास क्रेडिट पड़ी है, तो मदर क्या कर लेगी, 80,000 अपनी क्रेडिट में सेटअप कर लेगी। लेट्स सपोज मदर के पास क्रेडिट 90,000 की होती, तो भी मदर 80,000 की क्रेडिट सेटअप करती है, क्योंकि लाइबिलिटी तो 1,80,000 रुपीज की है ना, टोटल लाइबिलिटी 1,80,000, 1 लाख टोटल लाइबिलिटी 1,20,000 रुपीज की है, जिसमें से एसजीएसटी को देने के पास पैसा बच गया 40,000। तो सबसे पहले वाइफ ने यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसजीएसटी लाइबिलिटी शुड बी मिनिमम। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सीजीएसटी लाइबिलिटी शुड बी मिनिमम, तो पहले सीजीएसटी को दे देता, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होता तो फिर आधा आधा सेटअप कर लेता, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा होगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है? तो सबसे पहले दोनों क्या करेंगे, अगर इसके पास कोई बैलेंस बचा तो इससे लेंगे, फिर खुद का खजाना खोलेंगे। ऐसे नहीं पहले खुद का खजाना खोल देंगे। और अच्छा मान के चलो कि आईजीएसटी को जरूरत पड़ जाती तो बेटे को, तो फिर दोनों देने के लिए रेडी है, दोनों दे देंगे, फिर सीजीएसटी भी दे देगा एसजीएसटी भी दे देगी। अच्छा सपोज करो कि, सपोज करना एसजीएसटी के पास ज्यादा पैसे हैं, 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, काम नहीं आए, और सीजीएसटी को चाहिए, तो वाइफ मदर को नहीं दे सकती, मदर वाइफ को नहीं दे सकती, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी आपस में सेटअप नहीं कर सकते। सपोज करो कि, सुनना मेरी बात, सीजीएसटी को लेस, सपोज सीजीएसटी की आउटवर्ड लाइबिलिटी कितनी थी, 1,20,000 रुपीज। अब सीजीएसटी की लेस सपोज इनपुट कितनी थी, इनपुट थी सीजीएसटी की 30,000 रुपीज, और बेटे से 40,000 रुपये मिल गए, कुल मिला के 70,000 रुपये का जुगाड़ हो पाया। बेटे से 40,000 रुपये मिल गए, खुद के 30,000 रुपीज थे, 70,000 का जुगाड़ हो पाया, चुकाने 1,50,000 थे, 1,20,000 थे, 50,000 रुपये की और जरूरत है, तो ये नहीं कि वो इससे ले लेगी, वो ये नहीं देगी, फिर वो खुद से देने पड़ेंगे फिर। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में सेटअप नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमने क्या बोला, क्रक्स क्या निकल के आया, हमने क्रक्स ऐसा बोला कि आईजीएसटी की लाइबिलिटी सबसे पहले खत्म करेंगे हम, सबसे पहले आईजीएसटी खुद की लाइबिलिटी पे करेगा, कुछ बच गया तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को दे देगा, ठीक है? अगर आईजीएसटी को जरूरत पड़ गई, कुछ कम पड़ गया, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इसको दे देंगे, ये तो शॉर्ट हो गया। अब सपोज करो सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें, तो ये लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कुछ आईजीएसटी के पास एक्स्ट्रा है क्या, तो उससे ले लेंगे ये लोग सबसे पहले, ठीक है? अब उससे लेने के बाद, उस अगर पहले अपनी लाइबिलिटी तो उससे चुका देंगे, अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है तो फिर खुद का पिटारा खोलेंगे, लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को नहीं दे सकते सीजीएसटी और एसजीएसटी। गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया आपको? आईटीसी क्रेडिट सेट ऑफ, इससे बेस्ट आपको, इससे बेस्ट एग्जांपल मिल भी नहीं सकता आईटीसी क्रेडिट सेट ऑफ का, ठीक है? और याद रखने की निंजा टेक्निक मैंने आपको बताई थी, क्लियर हुआ आपको? क्रेडिट सेट ऑफ कई बार एग्जाम में हेल्प करता है। अब हम आते हैं रूल नंबर 43 पे, आईटीसी का रूल नंबर 43, ठीक है जी? रूल नंबर 43 क्या बोलता है, रूल नंबर 42 तो बोलता है कि इनपुट्स पे, रॉ मटेरियल पे, सेमी फिनिश गुड्स पे कैसे क्रेडिट मिलती है, वो अपन ने देख लिया। कॉमन क्रेडिट को कैसे अपन अपोर्शनमेंट करते हैं, वो अपन ने देख लिया।
ठीक है, फॉर्मूला लगा के उसमें एग्जाम टर्नओवर क्या होता है, टोटल टर्नओवर क्या होता है, वो सब हमने देखा। अब रूल नंबर 43 क्या बोलता है? रूल नंबर 43 ऐसा बोलता है कि अगर आपने कैपिटल गुड्स परचेज किए तो उसका क्या करेंगे। तो इन्होंने बोला सपोज करो आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किए, कोई मशीन परचेज करी और वो मशीनली कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के काम में आती है, वो मशीन कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के काम में आती है, कोई दिक्कत नहीं, पूरी आईटीसी क्लेम कर लो आप। मशीन की लाइफ पता है हम क्या अज्यूम करते हैं? मशीन की लाइफ हम 5 ईयर्स अज्यूम करते हैं। 5 ईयर्स बोले तो 60 मंथ्स, बोले तो 20 क्वार्टर्स, ठीक है, ये हम मशीन की लाइफ अज्यूम करते हैं। कोई भी आपने मशीन परचेज करी वो टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के काम में आती है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरी की पूरी आईटीसी इमीडिएटली ले लो जैसे ही आप मशीन परचेज करोगे, ठीक है। कोई भी मशीन अगर आपने परचेज करी जो कंप्लीटली एग्जम प्रोडक्ट बनाने काम में आती है, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने काम में आती है, क्या करेंगे उसका? उसकी कोई आईटीसी नहीं मिलेगी, नो आईटीसी, जाहिर सी बात है कोई आईटीसी नहीं मिलेगी। पर आपने कोई मशीन परचेज करी, कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया जो कि टैक्सेबल एंड एग्जम दोनों प्रोडक्ट बनाने में काम में आती है, तो क्या करेंगे? क्योंकि टैक्सेबल एंड एग्जम दोनों प्रोडक्ट बनाने में काम में आती है, तो देखो जी एक बार तो पूरी की पूरी क्रेडिट ले लेंगे, फुल आईटीसी, फुल आईटीसी ले लेंगे एक बार तो। तो हमने देखो लिखा हुआ है मेथोडोलॉजी फॉर अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, स्टेप्स टू फॉलो, फर्स्ट टेक फुल आईटीसी इन द मंथ ऑफ परचेज, पहले तो पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर लेंगे एक बार तो। अब क्या करेंगे हम, जितने भी आपने आईटीसी क्लेम करी ना उसको 60 से डिवाइड करेंगे। 60 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि इस मशीन की लाइफ 60 मंथ्स है और अगले 5 सालों तक हर मंथ का हम क्या करेंगे, एग्जाम टर्नओवर देखेंगे। भाई इससे बेटर तरीका कोई है ही नहीं। भाई आपने, आपको नहीं पता आपने एक मशीन परचेज कर ली जो कि टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के काम में आती है, अब आपको क्या पता कि अगले 5 साल में कितना टैक्सेबल बनेगा कितना एग्जाम बनेगा। अगर ऐसे पता होता तो हम रूल 42 की तरह ही कर देते ना कि कॉमन टर्नओवर, कॉमन आईटीसी इनटू एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, पता ही नहीं। तो आज की डेट में तो हम पूरी आईटीसी क्लेम कर लेंगे। फिर इन्होंने क्या बोला कि हम अगले 5 सालों तक हर महीने जो आईटीसी आपने क्लेम करी थी ना, आप क्या करोगे उसको डिवाइड बाय 60 करोगे, तो उससे यह पता चल जाएगा कि हर महीने का आईटीसी का हिस्सा कितना हुआ और हर महीने का एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर करो एवरी मंथ। ये प्रोसीजर अगले 60 मंथ तक चलेगी। तो एक बार तो आपने फुल आईटीसी क्लेम कर ली जब आप मशीन परचेज करके लाए, अब हर महीने आपका कुछ ना कुछ अमाउंट निकल के आएगा जो कि ये बताएगा कि भाई इस आईटीसी में से एग्जाम टर्नओवर इस महीने का इतना था। तो आप एक बार तो पूरी आईटीसी क्लेम करने के लिए अब हर महीने, ये प्रोसीजर 60 मंथ्स तक चलेगा, आप क्या करोगे कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड करते जाओगे, कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी आउटवर्ड लाइबिलिटी में ऐड करते जाओगे हर महीने, ये प्रोसीजर 60 मंथ्स तक चलेगा। गेटिंग इट? ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, क्वेश्चन नंबर 17 जो मैंने कराया उस वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2-3 लिंक मिलेंगे, एक तो आपको हमारे एक्सप्रेस बैच का जो तो pratikjagati.com से जाके देख लेना, एक हमारी बुक्स का गूगल फॉर्म, बुक्स गूगल फॉर्म से ले लोगे तो जल्द बेटर है, जल्दी आ जाती है थोड़ी सी, बुक्स की डिलीवरी 5 से 6 दिन, एक बुक्स का फॉर्म और एक आईटीसी का ये वीडियो, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी को मुंबई और दिल्ली मैराथन में जाना है तो उसका लिंक भी गूगल फॉर्म में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, आईटीसी लेंगे इनटू एग्जाम टर्नओवर ऑफ दैट मंथ डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, और ये प्रोसीजर हर महीने चलेगा अगले 60 मंथ्स तक। अच्छा सपोज करो, अब एक और सवाल, मैराथन का मेल आ जाएगा, डोंट वरी। सपोज करो अब कुछ केसेस बनाता हूं, सपोज करो आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज करा, एक मशीन परचेज की, सुनना बिल्कुल ध्यान से, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ना, एक मशीन आपने परचेज करी, कैपिटल गुड्स आपने परचेज करा 10 लाख रुपीज की, उस पर 18% जीएसटी की रेट थी, मतलब 1,80,000 रुपीज का आपने जीएसटी दिया। अब जब आपने मशीन परचेज की थी ना तब कंप्लीटली टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए काम में आती थी मशीन, कंप्लीटली टैक्सेबल सप्लाई के लिए मशीन काम में आती थी, तो आपने पूरी आईटीसी क्लेम कर ली होगी, ठीक है जी।
अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ये मशीन एग्जाम प्रोडक्ट बनाने के काम में भी आ गई, एग्जाम प्रोडक्ट बनाने के काम में आ गई। लेट्स सपोज 20 मंथ्स तक तो ये मशीन क्या हुई, 20 महीने तक तो कंप्लीटली टैक्सेबल सामान के बनाने के काम में आ रही थी, तो आपने ITC क्लेम कर रखी थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 20 महीने के बाद क्या हुआ कि अब ये मशीन एक प्रोडक्ट और बनाने के काम में आएगी जो कि एग्जाम प्रोडक्ट है। अब आप क्या करोगे, ये जो मशीन पे आपने GST पे किया था ना 1,80,000 रुपीज का, इसको डिवाइड बाय 60 करोगे, ठीक है, और हर महीने का एग्जाम टर्नओवर डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, ये आप करोगे अगले 40 महीने तक, ये आप करोगे अगले 40 महीने तक। समझ पा रहे हो आप मेरी बात भाई? सिंपल सी बात है, 20 महीने तो आप पूरी फुल्ली टैक्सेबल के लिए यूज कर चुके, 20 महीने तो आप फुल्ली टैक्सेबल के लिए यूज कर चुके, ठीक है। अब बचे हुए जो 40 महीने है ना, बचे हुए जो 40 महीने हैं उसमें हम अपोर्शनमेंट कर देंगे एग्जाम और टोटल टर्नओवर के बीच में। समझ में आया? ठीक है जी, बचे हुए 40 महीने वो हम अपोर्शनमेंट कर देंगे इनके बीच में। अगला सवाल, सपोज करो कि कोई मशीन आपने परचेज करी, कोई कैपिटल गुड्स आपने परचेज करे जो कि कंप्लीटली एग्जेम्प्ट के लिए काम में आते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एग्जेम्प्ट के लिए काम में आते हैं, और अब वो मशीन टैक्सेबल के लिए काम में आने लग गई, अब वो मशीन टैक्सेबल के लिए काम में आने लग गई, पहले एग्जाम सप्लाई के लिए काम में आती थी, अब टैक्सेबल के लिए काम में आने लग गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, लेट्स सपोज जब आपने मशीन परचेज करी थी, आपने मशीन परचेज करी थी 10 फरवरी 2021 को आपने मशीन परचेज करी थी, और उस पर आपने GST दिया था 1,80,000 रुपीज का, पर आपको क्रेडिट नहीं मिली थी क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए काम में आती थी मशीन। अब 20 अक्टूबर 2022 से ये मशीन टैक्सेबल सप्लाई, ये जो प्रोडक्ट था ना वो टैक्सेबल हो गया, ये जो प्रोडक्ट था वो टैक्सेबल हो गया, ठीक है। तब आप क्या करोगे, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, इतना अमाउंट क्या करोगे लेस कर दोगे। भाई लॉजिकल सी बात है, आपने 10 फरवरी को मशीन परचेज करी जो कि एग्जाम सप्लाई के लिए काम में आती थी, थोड़े टाइम 10 फरवरी से लेकर 20 अक्टूबर तक तो एग्जाम सप्लाई के लिए काम में आई है ना, तो उतने अमाउंट की क्रेडिट थोड़ी मिलेगी, ऐसे थोड़ी कि भाई 20 अक्टूबर 2022 को पूरी की पूरी क्रेडिट ले लो 1,80,000 की, क्या ये तो इनजस्टिस है भाई, थोड़े टाइम एग्जाम सप्लाई के लिए तो काम में आई ना, तो प्रोपोर्शनेट करो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि 5% पर क्वार्टर और 5 और पार्ट देयर ऑफ, इतना क्या करो आप लेस करो। अब क्वार्टर कैसे निकालेंगे, कैलेंडर ईयर वाइज क्वार्टर चलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर, तो अगर 2021 में देखूं तो 4 क्वार्टर हो गए, जनवरी फरवरी मार्च मार्च अप्रैल में, तो पूरे 4 क्वार्टर हो गए। 2022 में देखूं तो भी देखो आप, जनवरी फरवरी मार्च 2022 का एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर, अब अक्टूबर के भले ही 20 दिन हुए हैं लेकिन पूरे क्वार्टर में काउंट होगा, तो कुल मिला के 8 क्वार्टर चले गए। तो 1,80,000, ये लोग जो रिवीजन कर रहे हैं उन्हीं की समझ में आएंगी चीजें, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके नहीं आएंगी समझ। तो 1,80,000 इंटू 5% एक क्वार्टर का था, टोटल 8 क्वार्टर हो गए, तो 40% ITC नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 60% ही ITC मिलेगा। तो 1,80,000 का 60% ही क्रेडिट मिलेगा इस केस में, 1,80,000 का 60% ही क्रेडिट मिल जाएगा, तो इतना आप ITC क्लेम कर सकते हो 1,80,000 का 60%। पर शुरू में तो आपने ITC क्लेम किया नहीं होगा क्योंकि एग्जाम सप्लाई के लिए काम में आती थी, अब वो मशीन टैक्सेबल सप्लाई के लिए काम में आने लग गई, तो पूरा 1,80,000 की थोड़ी क्रेडिट देंगे, आपने इतने टाइम वैसे भी तो यूज किया आपने एग्जाम सप्लाई के लिए, तो मिल जाएगा, गेटिंग इट। एग्जाम कैपिटल गुड पहले एग्जाम थे, अब टैक्सेबल हो गए। अब सरकार को इससे फायदा क्या हुआ, देखो 5% पर क्वार्टर पार्ट ईयर ऑफ करने सरकार को क्या फायदा हुआ, जैसे अक्टूबर मंथ था, एक ही क्वार्टर गया, 20 दिन ही तो हुए, पर 20 दिन के चक्कर में पूरा 5% कट गया, तो सरकार को कम क्रेडिट देनी पड़ी आपको, और सरकार को 1,80,000 का 60% ही आपको देना पड़ा, 40% डिसअलाउ कर दिया गवर्नमेंट ने, सरकार को फायदा हुआ इससे,
20 दिन के चक्कर में पूरे क्वार्टर की क्रेडिट गई आपकी, 5% पूरे क्वार्टर का गया आपका, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने खेल खेला ऐसा, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं, सपोज करो कोई गुड्स है, क्या कोई कैपिटल गुड्स है जो टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए काम में आ रहा था, और आपने इसकी पूरी आईटीसी ले ली, फुल आईटीसी, ठीक है जी। है ना, नरेंद्र कुमार बोल रहे हैं कि 72,000 को आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो। क्या बोल रहे नरेंद्र जी, क्यों लेंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड, जब हमने कैपिटल गुड्स परचेज किए थे तो एग्जम्प्ट सप्लाई थी, इसका मतलब हमने आईटीसी नहीं ली, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड क्यों करेंगे, हमने तो तब आईटीसी नहीं ली थी जब 10 फरवरी को परचेज की थी, 20 अक्टूबर 2022 को अब ये टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाए तो अब हम आईटीसी ले लेंगे 1,80,000 का 60%, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड क्यों करेंगे, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करते तब करते जब हमने पहले क्रेडिट ले ली थी और अब हम जीएसटी से बाहर जा रहे हैं। समझना थोड़ी सी बात, अब थोड़ा डिटेल में सोचोगे अब आपको समझ में आएगा, हमने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड क्यों करेंगे। इस वाले केस में देखते हैं, कोई कैपिटल गुड्स हैं जो कि टैक्सेबल सामान के लिए काम में आते हैं और उस पर आपने पूरी की पूरी आईटीसी क्लेम कर ली, फुल आईटीसी क्लेम कर ली, ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई भी कैपिटल गुड्स हैं जो फुल आपने परचेज किए, पूरे पूरे टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए काम में आते हैं, पूरी आईटीसी आपने क्लेम कर ली, मस्त जिंदगी चल रही है, लेकिन 15 मंथ्स लेटर 15 महीने बाद क्या हुआ, अब ये प्रोडक्ट एग्जम्प्ट सप्लाई के लिए काम में आ रहा है, मतलब अब ये जो प्रोडक्ट पहले टैक्सेबल था ना, अब इसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया। अब आपने जब मशीन परचेज करी थी तब तो टैक्सेबल था, तो आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, 15 महीने बाद एग्जम्प्ट हो गया। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई साहब आपने आईटीसी क्लेम कर ली पूरी, पर वो तो 60 महीने के लिए क्लेम करी थी, तो 15 महीने बाद ही एग्जम्प्ट हो गया, तो जितनी आपने आईटीसी क्लेम कर ली ना उसमें से 15 महीने का हिस्सा काट लो, बाकी का पैसा चुकाओ, क्योंकि आपने कैशबैक क्लेम कर लिया, 1,80,000 रुपीज पूरे का कैशबैक क्लेम कर लिया आपने, और वो तो 60 महीने की बात हुई थी ना हमारी, 15 महीने का हिस्सा काट लो बाकी का दे दो। तो हमने कहा कि सर जी वही 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ कर दें, कितने क्वार्टर यूज किया आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने फरवरी 2021 में मशीन परचेस करी और कब तक यूज करा आपने, लेट्स सपोज आपने यूज किया मई 2022 तक यूज करी आपने मशीन, तो आप बोलोगे क्या 5% वाला कैलकुलेशन कर दें, तो गवर्नमेंट बोली नहीं 5% वाला कैलकुलेशन नहीं करो, अब आप क्या करो मंथली कैलकुलेशन करो, मंथली मतलब अगर आप टैक्सेबल से एग्जम्प्ट में जा रहे हो ना तो आप मंथली कैलकुलेशन करो, मतलब गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो 1,80,000 रुपीज का आपने क्रेडिट क्लेम किया था, 15 मंथ्स आप यूज कर लिए, तो अब आप हमें 45/60 इतना पैसा हमको लौटा के जाओ, इतना आप हमें आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दो हमारी। अब देखना, समझना मेरी बात, जब आप एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आ रहे हो, मतलब जब आप जीएसटी में एंटर कर रहे हो, एग्जम्प्ट से टैक्सेबल में आना मतलब जीएसटी में एंटर करना, एग्जम्प्ट प्रोडक्ट था पहले, तब कोई क्रेडिट नहीं ली, और अब आप टैक्सेबल में आए, मतलब सरकार को आपको पैसा देना था, सरकार को आपको क्रेडिट देनी थी, एग्जम्प्ट में तो क्रेडिट नहीं मिली लेकिन अब क्रेडिट मिल रही है क्योंकि अब आप टैक्सेबल में आ गए, तब तो 5% पर क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ किया गवर्नमेंट ने, जिससे गवर्नमेंट का फायदा हो, उससे गवर्नमेंट का फायदा क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट को कम क्रेडिट देनी पड़ रही थी, 15 दिन के चक्कर में 20 दिन के चक्कर में पूरे अक्टूबर महीने की 5% ही क्रेडिट चली गई थी। पर अब यहां से जब जीएसटी से बाहर जाने की बात आ रही है, टैक्सेबल से एग्जम्प्ट सप्लाई करने की बात आ रही है, ठीक है, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, तब मंथली कैलकुलेशन करवा दी, क्यों, क्योंकि अगर क्वार्टरली कैलकुलेशन करते तब इनका नुकसान हो रहा था, भाई जब जीएसटी में बंदा एंटर कर रहा है तब तो फायदा हो रहा है क्योंकि उसमें सरकार को आईटीसी देनी पड़ रही है, अब तो सरकार चाहती है कम से कम आईटीसी दे, लेकिन जब जीएसटी से बाहर निकल रहे हैं तो सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा पैसा हमको मिले, अब सरकार चाहती है गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो टैक्सेबल सेगमेंट में आ गए, गेटिंग इट, तो अब गवर्नमेंट ने कहा नहीं 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 क्वार्टर के चक्कर में तो पता चला 15 दिन के चक्कर में पूरे क्वार्टर का नुकसान हो जाए, तो अब मंथली कैलकुलेशन करो, तो ज्यादा टाइम आप क्या करोगे कितने महीने आपने यूज कर लिया उतने घटाओ, जितना बच गया तो 1 credit into remaining life divided by total life, जो इतना करोगे उतना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड करो, गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर वाली कैलकुलेशन चलाओगे तो देखो फरवरी से 21, अब देखना कितना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आया, अगर आपने मंथली कैलकुलेशन करी तो बताओ भाई साहब मंथली कैलकुलेशन करी तो कितना आया, 1,45,000 × 3 करना 135 है ना, तो 1,35,000 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आपका आया,
मंथली के हिसाब से। अगर हम क्वार्टरली करते तो देखो कितने क्वार्टर हो गए, 2021 के 4 क्वार्टर, 2022 में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2 क्वार्टर यहाँ पे आ गए आपके, तो कितने क्वार्टर हो गए, 6 क्वार्टर हो गए आपके। ठीक है, तो 6 क्वार्टर इंटू 5, 30%, तो मतलब 70% ही क्रेडिट मिलती, 70% आ जाता ये आंसर। तो कितना आ गया, अगर आप क्वार्टरली करते तो गवर्नमेंट को कितना पैसा मिलता, 1,26,000 का ही पैसा मिलता। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ के मंथली स्कीम कर लिया, जब आप टैक्सेबल से एग्जाम में जा रहे हो, जब आप जीएसटी छोड़ के जा रहे हो ना, टैक्सेबल से एग्जाम में चले गए, तो गवर्नमेंट को आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि जब पहले आपने क्रेडिट क्लेम कर ली, अब आप जी एग्जाम्प्ट हो गए तो गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगेगी। अगर आप क्वार्टरली स्कीम के हिसाब से दोगे तो 1,26,000 आता है, मंथली के हिसाब से 1,35,000 आता है, तो गवर्नमेंट बोलती है भाई साहब जब देने जब लेने की बात आएगी ना तब तो हम ज्यादा लेंगे, मंथली लेंगे, और जब आपको क्रेडिट देने की बात आएगी तब हम क्वार्टरली में चले जाएंगे। इसका मतलब जब एग्जाम से टैक्सेबल में आओगे आप तब तो क्वार्टरली, और टैक्सेबल से एग्जाम में आए तब मंथली, गेटिंग इट अ नॉट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, समझ में आया यार किसी को कैसे खेला हो रहा है यहाँ पे। तो एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल में आया तो 5% पर क्वार्टर, एग्जाम सप्लाई में काम आती थी, लेकिन अब टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के काम में आ रही है, तो देखना मेरी बात। एक और रुको, पहले टैक्सेबल में काम आती थी, अब एग्जाम में काम आने लग गई तो मंथली वाला करने लग गए, पहले एग्जाम में काम आती थी अब टैक्सेबल में काम आने लग गई, पहले एग्जाम में अब टैक्सेबल में, तो 5% वाली कैलकुलेशन कर दी हमने। ठीक है, पहले टैक्सेबल में काम में आती थी, अब टैक्सेबल और एग्जाम दोनों में काम में आती, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। पहले टैक्सेबल में काम में आती थी तो पूरी क्रेडिट ले ली आपने, अब टैक्सेबल एग्जाम दोनों में काम में आती है, तब आप एक काम करो इसको डिवाइड बाय 60 करो, और जितनी भी रिमेनिंग लाइफ बच गई, जैसे अपने एग्जाम्पल लिया था ना कि कोई मशीन है, कोई मशीन है, आपने जो 1,80,000 रुपीज पर टैक्स दिया, टैक्सेबल के लिए काम में आती थी, थोड़े दिन बाद वो टैक्सेबल एग्जाम दोनों के काम में आ रही है, तो आप क्या करोगे, जितनी भी लाइफ बच गई, 20 महीने तो फुल्ली टैक्सेबल के लिए काम में आई, 40 महीने की लाइफ बच गई, बचे हुए 40 महीने आप क्या करोगे, उसको अपोर्शनमेंट करोगे हर महीना, बचे हुए 40 महीने उसको हर महीने अपोर्शनमेंट करेंगे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अच्छा, अगला सवाल आता है कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ गए, अब आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ गए, अब आप क्या करोगे, तो एक बात ध्यान सुनना, जब आप फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते हो ना, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, जब आप जीएसटी में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हो, तो आपको इनपुट्स की, सेमी फिनिश गुड्स की, रॉ मटेरियल की सबकी क्रेडिट मिल जाती है। जिस दिन आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है ना, उससे एक दिन पहले का जो डेट होता है ना, सपोज करो आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2023, तो उससे एक दिन पहले का डेट मतलब 30 सितंबर 2023 को जितना भी आपके पास इनपुट, सेमी फिनिश गुड, रॉ मटेरियल पड़ा है, उसका आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, उसका आप क्या कर सकते हो, क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, एक दिन पहले जितना भी आपके पास सामान पड़ा हुआ है, पर वो सामान 1 साल पुराना ही होना चाहिए, उसकी इनवॉइस डेट 1 साल पुराना, मतलब वो सामान कौन सी डेट का होना चाहिए, 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 सितंबर 2023 तक की इनवॉइस का डेट का जितना भी सामान होगा उसकी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, अगर वो सामान 30 सितंबर को स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो 30 सितंबर 2023 को। बट अगर आप जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो और आपने रजिस्ट्रेशन से पहले कोई कैपिटल गुड्स परचेज करे हुए थे, कोई मशीन परचेज की हुई थी, और वो मशीन अब टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के काम में आएगी, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो मशीन हमने पहले ले ली थी 5 महीने पहले, तो अब तो टैक्सेबल प्रोडक्ट बनाने के काम में आएगी ना, तो जीएसटी में आ गए, तो मशीन की क्रेडिट दे दो प्रोपोर्शनेट करके, तो अब मशीन की क्रेडिट नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्रक्स क्या है कि अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन जब आप लेते हो ना, ये बात हमने रजिस्ट्रेशन में भी करी थी, जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं, इनपुट, सेमी फिनिश गुड, रॉ मेटेरियल, फिनिश गुड, इसकी आईटीसी मिल जाती है अगर वो 1 साल पुरानी हो तो। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल ये आता है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आए, कंपोजिशन स्कीम में हो इसका मतलब जीएसटी में रजिस्टर तो हुई, अगर आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आए इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम में हो तो जीएसटी में रजिस्टर तो हुई ना। ठीक है, सपोज करना कि मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं अभी,
कंपोजिशन स्कीम आईटीसी नहीं मिलती, आपको भी पता है। कंपोजिशन स्कीम आईटीसी नहीं मिलती, आपको भी पता है। अब आपने क्या करा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जब आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर थे तो आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया। आपने क्या करा, कोई कैपिटल गुड्स परचेज किया कंपोजिशन स्कीम के अंदर, ठीक है। क्या आपने आईटीसी ली होगी? आंसर इज नो, कंपोजिशन स्कीम आईटीसी मिलती नहीं। अब आप रेगुलर स्कीम में आ गए तो क्या उस कैपिटल गुड्स पे आईटीसी मिलेगी? आंसर इज यस। अगर हम फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं मिलती। हम कंपोजिशन स्कीम में है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो है ना जीएसटी में, तो कैपिटल गुड्स की आईटीसी मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेते थे तो कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं मिलती थी, तो इनपुट्स की मिलती थी। क्या इस केस में इनपुट्स की आईटीसी मिलेगी? हाँ वो तो मिलेगी मिलेगी, वो तो मिलेगी मिलेगी। अब कितनी आईटीसी डिडक्ट होगी कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आने में? तो वही 5% पर क्वार्टर पार्ट दे रहा हूं। क्यों? देखो सुनना मेरी बात, आप एग्जाम सप्लाई से टैक्सेबल में आए, नॉन जीएसटी से जीएसटी में आए, पावर कट इशू है, कोई इशू नहीं है, नॉन जीएसटी से जीएसटी में आए तो 5% पर क्वार्टर पार्ट दे रहा हूं, शेड्यूल होगा क्योंकि गवर्नमेंट का इसी में फायदा है। कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर में आए तो भी तो नॉन जीएसटी से जीएसटी में आए तो भी 5% पर क्वार्टर, पर जीएसटी से जीएसटी के बाहर गए तब मंथली कैलकुलेशन करते हैं ऊपर, तब मंथली कैलकुलेशन करते हैं। तो इसी तरीके से जब आप रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में जाओगे तब आप मंथली बेसिस पे करोगे, फिर मंथली बेसिस पे करोगे। गिव मी अ मोमेंट, गिव मी अ मोमेंट। समझ में आया आपको? भाई जब आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आए मतलब नॉन जीएसटी से जीएसटी में आए, तो कहीं करक्स में लिख लो नॉन जीएसटी टू जीएसटी क्वार्टर वाइज, जीएसटी टू आउटसाइड जीएसटी, देखो नॉन जीएसटी टू जीएसटी तो क्वार्टर वाइज, जीएसटी टू नॉन जीएसटी तो मंथली वाइज। फायदा बिल्कुल कोई रटने वाली चीज नहीं है, सब फायदे वाली चीज, गवर्नमेंट ने सब सोच समझ के प्रोविजन बनाए, कोई रटने वाला नहीं है इसके अंदर। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से रेगुलर स्कीम से कंपोजिशन स्कीम में गए तो फिर आप मंथली में चले गए, तो मंथली में चले गए, ठीक है। चलो तो इसमें कुछ समराइज, शालिनी बोली सर समराइज कर दो, इसमें क्या समराइज करूं बताओ? क्रक्स कितना सही है कि एग्जाम से टैक्सेबल में आए, एग्जाम से टैक्सेबल में तो 5% वाला स्कीम क्योंकि गवर्नमेंट का इसी में फायदा है, मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दी। टैक्सेबल से एग्जाम में गए तो मंथली वाला, ठीक है। इसी तरीके से कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आए तो 5% वाला, रेगुलर से कंपोजिशन में गए तो फिर मंथली वाले में चले जाएंगे। सब कुछ बुक में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। पहले टैक्सेबल के लिए काम में आता था, अब टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए प्रोपोर्शनेट कर दो। पहले एग्जाम के लिए काम में आता था, अब टैक्सेबल और एग्जाम तो कॉमनली प्रोपोर्शनेट कर दो, ठीक है। ठीक है जी, अब अगला सवाल आता है आईटीसी ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आता है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, आपने कैपिटल गुड्स बेचे, सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब सेल ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? आपने कोई एसेट परचेज करी थी, लेट्स सपोज आपने 10 फरवरी 2022 को आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज करी थी, लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस की मशीन परचेज की थी जिस पे 18% का जीएसटी था, 1,80,000 रुपीस का आपने टैक्स दिया था। अब आपने जब असेट परचेज करी थी तो इसका मतलब आपने गवर्नमेंट से ये डीम्ड प्रॉमिस कर लिया था कि असेट को हम बिजनेस में काम में लेंगे अगले 5 साल तक। लेकिन आपने क्या करा, इस मशीन को बेच दिया, लेस सपोज आपने बेच दिया 14th अप्रैल 2023 को आपने इस मशीन को बेच दिया, 14th अप्रैल 2023 को आपने क्या करा, इस मशीन को बेच दिया। इसका मतलब आपने जब आईटीसी तो क्लेम कर ली थी 1,80,000 रुपीज पे, पर 5 साल तो यूज हुई नहीं अभी तक, 5 साल के बाद करते तो बात खत्म हो जाती, 5 साल तो यूज हुई नहीं। तब गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई साहब जो आपने आईटीसी क्लेम करी थी ना, जो आपने आईटीसी क्लेम करी थी, अब उसका आप हमें क्या करो, टैक्स दो, उसका आप हमें टैक्स दो। समझ में आ रहा है कि आपको? यहां तक समझ में आया तो एक बार बताओ। देखना सुनना मेरी बात, अब गवर्नमेंट क्या करिए, भाई साहब 5 साल तो यूज किया नहीं आपने, 1 साल बाद ही कर दिया, अब आप हमें टैक्स दो, अब कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो देखा जाए अगर लॉजिकली अपन सोचें तो अब आप जीएसटी से नॉन जीएसटी में जा रहे हो, जीएसटी टू नॉन जीएसटी, तो मंथली स्कीम लगनी चाहिए थी यहाँ पे। जीएसटी से नॉन जीएसटी में जा रहे हैं तो मंथली स्कीम लगनी चाहिए थी क्योंकि फायदा गवर्नमेंट का इसी में ही हो रहा है। जब आप नॉन जीएसटी से जीएसटी में आते हैं तो क्वार्टरली स्कीम लगती है,
पता नहीं क्यों सेल ऑफ कैपिटल गुड्स पे ये लोग क्वार्टरली यूज कर रहे हैं, क्वार्टरली यूज कर रहे हैं। और कई आंसर्स में इन्होंने ऑल्टरनेटिव भी दे दिया कि आप चाहो तो मंथली लगा लो। अब जब हमारा क्वेश्चन बैंक अपन ने करा था, आप याद करो, आप सेल ऑफ कैपिटल गुड्स हम जब पढ़ रहे थे तो कई इन्होंने आंसर्स के अंदर ऑल्टरनेटिव देते हैं कि आप चाहो तो मंथली से भी कर लो, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो मंथली होनी चाहिए। पर अब आईसीआई क्वार्टरली करता है तो आप ध्यान में रखो ये हमेशा के लिए, क्रक्स क्या ध्यान में रखना है, जीएसटी से नॉन जीएसटी में आएंगे तो मंथली, नॉन जीएसटी से जीएसटी में जाएंगे तो क्वार्टरली, लेकिन सेल ऑफ कैपिटल गुड्स में क्वार्टरली ही लगाना है आपको, भले ही वो जीएसटी से नॉन जीएसटी में जा रहे हैं। भले ही अपन जीएसटी से नॉन जीएसटी में जा रहे हैं तो भी आपको क्वार्टरली लगाना है सेल ऑफ कैपिटल गुड्स। अब आपको लॉजिक समझ में आया, लोग आपको रटवा देंगे समझ ऐसे करवा देंगे भाई ऐसे, पर विद लॉजिक आपको अब आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में शायद एक यहाँ पे 2022 कर लेना, इसमें एक टाइपिंग एरर हो गया था, 2022 कर लेना, या तो इसको 2022 कर लेना या इसको 2022 कर लेना, दोनों में से एक को कर लो। इसको 2021 रहने दो तो इसको 2022 कर लो, इसको 2023 रहने दो तो इसको 2022 कर लो। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको 2022 कर लो। ठीक है, डियर एकेजी, योर एक्स स्टूडेंट, स्टूडेंट भी एक्स हो रखे हैं अब तो, योर डेडिकेशन टू एजुकेटिंग एंड सपोर्टिंग योर स्टूडेंट इज ट्रूली एडमायरेबल, थैंक यू फॉर मेकिंग लर्निंग फन एंड एंगेजिंग, यू आर एन अमेजिंग टीचर, हाउ मच मार्क्स यू स्कोर शुड बी इन आईडीटी लास्ट टाइम। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको, ये सारी कहानी मैंने आपको बताई, आईएसडी वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके, इतना ही आपको पढ़ना था इस चैप्टर के अंदर, इतना ही आपको पढ़ना था, 70 मार्क्स, ओ हो एक नंबर ज्यादा आ गया। आई थिंक मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन बीइंग सीए। ठीक है, चलो जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, चलो चलो चलो। तो ये पूरा आईटीसी का सम प्रिविजन था, क्वेश्चंस का डिटेल में हमारा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक है उसको देखना, ऑल द मैंने दो तीन क्वेश्चंस करवाए भी आपको, जैसे आईएसडी का करवाया, रूल 42 का करवाया है ना, ये सब मैंने आपको करवाए। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको आईटीसी सारा का सारा कवर करवा सकूं, जो जो काम का था, फालतू की चीजें शायद 1-2% जो मैंने छुड़वाई, अमलगमेशन मर्जर वाला है, कोई काम का है नहीं। ठीक है, सब कुछ हमने कवर किया, तो ये कंप्लीटली अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स का रिविजन वीडियो था जिसके अंदर डिटेल में हमने सारी चीजें देख ली। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो डू कमेंट, जब आप देखें, जिससे आपके कमेंट देख के बाकी के 10 लोग ये सोच सकें कि क्या ये हमें रिविजन वीडियो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर दैम एंड डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ठीक है, आगे भी लाते रहेंगे ऐसे ही। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, हाँ।